तो इस पर हम और भी यहाँ पर चर्चा करेंगे कि भाई क्या इसमें है। तो देखिए इस पर जो भी अपडेट आ रहा है हम आपको लगातार यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए लिस्ट है वो यहाँ पर जारी करती है, जिसमें उत्तराखंड से आपको बता दें कांग्रेस से 3 उम्मीदवारों के नाम यहाँ पर सामने आए हैं। तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई, जिसमें अल्मोड़ा, टिहरी और बता दें यहाँ पर आपको गढ़वाल, ये 3 जो लोकसभा सीट है यहाँ से नाम सामने आए हैं। तो पहले हम थोड़ा सा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना देते हैं कि इन 3 सीटों से किस किस के नाम जो है यहाँ पर सामने आए हैं, और उसके बाद आपको हम जो है इस पर चर्चा करेंगे और 3 जो सीट है उसका प्रोफाइल बताने की पूरी कोशिश यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं कि जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है, तो उसमें जो है क्या कुछ, ये देखिए हम आपको लाइव ही यहाँ पर दिखा रहे हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये चल ही रही है, ये सुनिए। घोषित की थी, उसमें पहली गारंटी तो भागीदारी, न्याय गारंटी, और कांग्रेस पार्टी इस गारंटी पे राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना का करने की घोषणा हमने की थी, और इससे सामाजिक न्याय मिलेगा और जिन लोग आज तक बहुत से जो जनता उनके हक थे वो हक उनको नहीं मिला, इसीलिए हमें चाहते हैं कि सबको न्याय मिलने के लिए वो हमने एक भागीदारी न्याय गारंटी अनाउंस की। दूसरी जो है, दूसरी गारंटी किसानों के लिए MSP का हमने अनाउंस किया, और ये फसलों की MSP गारंटी खरीदने का कानून हम बना रहे हैं, इसको लीगलाइज कर रहे हैं, ये एक हमारी गारंटी है। और तीसरी गारंटी युवा न्याय गारंटी, जो युवाओं के लिए हम खास करके जो एम्प्लॉयमेंट में उनको जगह नहीं मिल रही है और 45 साल में इतना बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में हुआ है, और उसके लिए सरकार जिस ढंग से इसको, इस समस्या को सुलझाना चाहिए था वो सुलझा नहीं सके, और बहुत सी बातें करके उन्होंने इसको निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक भर्ती भरोसा, तो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि जो 3 लोकसभा क्षेत्र हैं, लोकसभा सीट हैं, उनसे कौन कौन जो है यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 नामों का अनाउंस यहाँ पर कर दिया है। तो देखिए हम यहाँ पर बता देते हैं, टिहरी गढ़वाल से जोत सिंह गुनसोला का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। तो ये जो है कैंडिडेट होंगे, लोकसभा के उम्मीदवार रहेंगे गढ़वाल से, और सॉरी टिहरी से। और यहाँ पर दूसरा गढ़वाल से हम बता दें, गढ़वाल से कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल को टिकट मिला है, तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तीसरा अल्मोड़ा की जो सीट है, इस सीट से अजय टमटा को जो टक्कर दे रहे हैं वो है प्रदीप टमटा। तो ये 3 नाम यहाँ पर सामने आ गए हैं। तो आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी की थी उसमें 3 नामों का अनाउंस किया था, में बता दें गढ़वाल का नाम अभी अनाउंस नहीं हुआ है, हरिद्वार का नहीं हुआ है, टिहरी का, अल्मोड़ा का और नैनीताल उधम सिंह नगर, इन 3 सीटों के पर जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे उसके नाम अनाउंस हो चुके हैं। और अब जो है कांग्रेस की तरफ से 3 नाम यहाँ पर, 3 उम्मीदवारों के नाम अनाउंस यहाँ पर हो चुके हैं, जिसमें टिहरी और गढ़वाल और साथ ही साथ अल्मोड़ा, ये 3 सीट पर साफ साफ आ गया कि भाई जोत सिंह गुनसोला टिहरी से रहने वाले हैं, और गढ़वाल से गणेश गोदियाल पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने, और दूसरा अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा। तो
तो ये तीन नाम आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। अब आपको यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं, गणेश गोदियाल जो है कांग्रेस के कह सकते हैं वरिष्ठ नेता ही कहलाए जाते हैं, बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के भी जो है अध्यक्ष यहाँ पर पूर्व प्रदेश के जो है वहां पर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर देखिए इस सीट की हम बात करें तो बीजेपी से यहाँ पर जो अभी कैंडिडेट हैं मतलब जो सांसद अभी रहे हैं वो तीरथ सिंह रावत हैं। अब जो है तीरथ सिंह रावत को अपनी टिकट नहीं मिला है इस बार, तो अब गणेश गोदियाल के सामने दूसरा कैंडिडेट कौन होगा बीजेपी की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पर देखिए एक जो कांग्रेस से पिछले कैंडिडेट रहे हैं वो थे मनीष खंडूरी जो कि कांग्रेस से अब पिछले दिनों दो चार दिन पहले ही बीजेपी में यहाँ पर शामिल हो गए हैं, लेकिन लग रहा था कि बीजेपी से टिकट मिलेगा या क्या होगा कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से लास्ट टाइम यानी कि जो आखिरी चुनाव था लोकसभा का वो मनीष खंडूरी ने लड़ा था, और अगर हम वोट के अंतर की बात करें तो 5,06,000 करीब वोट तीरथ सिंह रावत ने जीते थे, तो मनीष खंडूरी ने 2,04,000 यानी करीब 3,00,000 का कह सकते हैं गैप यहाँ पर रहा था। इसके अलावा देखिए हम 2014 की बात करें तो इसी सीट पर जो है यानी हम गढ़वाल सीट की बात कर रहे हैं, भुवन चंद्र खंडूरी यहां से चुनाव लड़े थे बीजेपी से, जिन्हें 4,00,000 वोट मिले थे, लेकिन उसके बाद जब आखिरी चुनाव तीरथ सिंह रावत ने लड़ा था तो उनको 5,00,000 वोट मिले थे। कांग्रेस की तरफ से हरक सिंह रावत यहां से लड़े थे जिनको 2,21,000 वोट मिले थे, वो हार गए थे। बीएसपी से धीर सिंह बिष्ट लड़े थे, और 2009 की भी हम बात कर लेते हैं तो यहाँ से 2009 में सतपाल महाराज लड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से तेजपाल सिंह रावत यहाँ से लड़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी कह सकते हैं कि यहाँ पर जीतती आ रही है, लेकिन 2009 में यहाँ से कांग्रेस जीती थी, लेकिन सतपाल महाराज आ गए हैं बीजेपी में। तो देखिए यहाँ पर पिछले दो बार से बीजेपी का दबदबा है, और इस बार बीजेपी जीतती है कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए फिलहाल जो अनाउंस हो गया है कि गढ़वाल सीट से यहाँ पर अब जो है बीजेपी के कैंडिडेट को टक्कर देंगे वो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, CWC के मेंबर भी यहाँ पर है, तो ये देखिए काफी कह सकते हैं हाईकमान से नजदीक यहाँ पर रहते हैं। दूसरा यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो अल्मोड़ा की सीट है अल्मोड़ा की थोड़ी सी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अल्मोड़ा से अजय टमटा का तो देखिए बीजेपी ने कर दिया है कि भाई बीजेपी के उम्मीदवार है अजय टमटा, लेकिन अब कांग्रेस की यहाँ पर बात करते हैं तो कांग्रेस ने प्रदीप टमटा जो है उन पर कह सकते हैं कि भरोसा पूर्ण विश्वास जताया है, और प्रदीप टमटा आपको बता दें पहले भी यहाँ से खबर यहाँ पर आ रही लोकसभा चुनाव को देखते हुए आपको हम बता दें कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जो है उम्मीदवारों की वो जारी यहाँ पर कर दी है, और इसमें आपको हम बता दें कि जो इंतजार हो रहा था कि जो पांचों सीटें हैं इस पर कौन लोकसभा का उम्मीदवार होगा कांग्रेस की तरफ से, तो वो जो है बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, और कांग्रेस ने जो है अपनी जो दूसरी लिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी, जिसमें उत्तराखंड से आपको हम बता दें कांग्रेस से 3 उम्मीदवारों के नाम यहाँ पर सामने आए हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई जिसमें अल्मोड़ा टिहरी और बता दें यहाँ पर आपको गढ़वाल, ये 3 जो लोकसभा सीट है यहाँ से नाम सामने आए हैं। तो पहले हम थोड़ा सा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना देते हैं कि इन तीनों सीटों से किस किस के नाम जो है यहाँ पर सामने आए, और उसके बाद आपको हम जो है इस पर चर्चा करेंगे और तीनों जो सीट है उसका प्रोफाइल बताने की पूरी कोशिश यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं कि जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है तो उसमें जो है क्या कुछ, ये देखिए हम आपको लाइव ही यहाँ पर दिखा रहे हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रही है। ये घोषित की थी उसमें पहली गारंटी तो भागीदारी न्याय गारंटी, और कांग्रेस पार्टी इस गारंटी पे राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना का करने की घोषणा हमने की थी, और इससे सामाजिक न्याय मिलेगा, और जिन लोग आज तक बहुत से
जो जनता उनके हक थे वो हक उनको नहीं मिला। इसीलिए हमें चाहते हैं कि सबको न्याय मिलने के लिए वो हमने एक भागीदारी न्याय गारंटी अनाउंस की। दूसरी जो है, दूसरी गारंटी किसानों के लिए एमएसपी का हमने अनाउंस किया, और ये फसलों की एमएसपी गारंटी खरीदने का कानून हम बना रहे हैं, इसको लीगलाइज कर रहे हैं। ये एक हमारी गारंटी है। और तीसरी गारंटी युवा न्याय गारंटी, जो युवाओं के लिए हम खास करके जो एम्प्लॉयमेंट में उनको जगह नहीं मिल रही है और 45 साल में इतना बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में हुआ है, और उसके लिए सरकार जिस ढंग से इसको, इस समस्या को सुलझाना चाहिए था वो सुलझा नहीं सके, और बहुत सी बातें करके उन्होंने इसको निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक भर्ती भरोसा, तो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि जो तीन लोकसभा क्षेत्र हैं, लोकसभा सीट है, उनसे कौन कौन जो है यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन नामों का अनाउंस यहाँ पर कर दिया है। तो देखिए, हम यहाँ पर बता देते हैं, टिहरी गढ़वाल से जोत सिंह गुनसोला का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। तो ये जो है कैंडिडेट होंगे, लोकसभा के उम्मीदवार रहेंगे गढ़वाल से, और सॉरी टिहरी से। और यहाँ पर दूसरा गढ़वाल से हम बता दें, गढ़वाल से कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल को टिकट मिला है, तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तीसरा अल्मोड़ा की जो सीट है, इस सीट से अजय टमटा को जो टक्कर दे रहे हैं वो है प्रदीप टमटा। तो ये तीन नाम यहाँ पर सामने आ गए हैं। तो आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी की थी उसमें तीन नामों का अनाउंस किया था, में बता दें गढ़वाल का नाम अभी अनाउंस नहीं हुआ है, हरिद्वार का नहीं हुआ है, टिहरी का, अल्मोड़ा का और नैनीताल उधम सिंह नगर, इन तीन सीटों के पर जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे उसके नाम अनाउंस हो चुके हैं। और अब जो है कांग्रेस की तरफ से तीन नाम यहां पर, तीन उम्मीदवारों के नाम अनाउंस यहां पर हो चुके हैं, जिसमें टिहरी और गढ़वाल और साथ ही साथ अल्मोड़ा, ये तीन सीट पर साफ साफ आ गया कि भाई जोत सिंह गुनसोला टिहरी से लड़ने वाले हैं, और गढ़वाल से गणेश गोदियाल पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने, और दूसरा अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा। तो ये तीन नाम आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। अब आपको यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं, गणेश गोदियाल जो है कांग्रेस के कह सकते हैं एक वरिष्ठ नेता ही कहलाए जाते हैं, बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के भी जो है अध्यक्ष यहाँ पर पूर्व प्रदेश के जो है वहां पर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर देखिए, इस सीट की हम बात करें तो बीजेपी से यहाँ पर जो अभी कैंडिडेट हैं, मतलब जो सांसद अभी रहे हैं, वो तीरथ सिंह रावत हैं। अब जो है तीरथ सिंह रावत को अपनी टिकट नहीं मिला है इस बार, तो अब गणेश गोदियाल के सामने दूसरा कैंडिडेट कौन होगा बीजेपी की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पर देखिए, एक जो कांग्रेस से पिछले कैंडिडेट रहे हैं वो थे मनीष खंडूरी, जो कि कांग्रेस से अब पिछले दिनों दो चार दिन पहले ही बीजेपी में यहाँ पर शामिल हो गए हैं, लेकिन लग रहा था कि बीजेपी से टिकट मिलेगा या क्या होगा कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से लास्ट टाइम यानी कि जो आखिरी चुनाव था लोकसभा का, वो मनीष खंडूरी ने लड़ा था, और अगर हम वोट के अंतर की बात करें तो 5,06,000 करीब वोट तीरथ सिंह रावत ने जीते थे, तो मनीष खंडूरी ने 2,04,000, यानी करीब 3,00,000 का कह सकते हैं गैप यहाँ पर रहा था। इसके अलावा देखिए, हम 2014 की बात करें तो इसी सीट पर जो है, यानी हम गढ़वाल सीट की बात कर रहे हैं, भुवन चंद्र खंडूरी यहां से चुनाव लड़े थे बीजेपी से, जिन्हें 4,00,000 वोट मिले थे, लेकिन उसके बाद जब आखिरी चुनाव तीरथ सिंह रावत ने लड़ा था तो उनको 5,00,000 वोट मिले थे। कांग्रेस की तरफ से हरक सिंह रावत यहां से लड़े थे, जिनको 2,21,000 वोट मिले थे, वो हार गए थे। बीएसपी से धीर सिंह बिष्ट लड़े थे। और 2009 की भी हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ से 2009 में सतपाल महाराज लड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से तेजपाल सिंह रावत यहाँ से लड़ चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर बीजेपी कह सकते हैं कि
यहाँ पर जीतती आ रही है, लेकिन 2009 में यहाँ से कांग्रेस जीती थी, लेकिन सतपाल महाराज आ गए हैं बीजेपी में। तो देखिए यहाँ पर पिछले दो बार से बीजेपी का दबदबा है और इस बार बीजेपी जीतती है कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए फिलहाल जो अनाउंस हो गया है कि गढ़वाल सीट से यहाँ पर अब जो है बीजेपी के कैंडिडेट को टक्कर देंगे वो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल। गणेश गोदियाल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी यहाँ पर है। तो ये देखिए काफी कह सकते हैं हाईकमान से नजदीक यहाँ पर रहते हैं। दूसरा यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो अल्मोड़ा की सीट है, अल्मोड़ा की थोड़ी सी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अल्मोड़ा से अजय टमटा का तो देखिए बीजेपी ने कर दिया है कि भाई बीजेपी के उम्मीदवार है अजय टमटा, लेकिन अब कांग्रेस की यहाँ पर बात करते हैं तो कांग्रेस ने प्रदीप टमटा जो है उन पर कह सकते हैं कि भरोसा, उन्हें विश्वास जताया है। और प्रदीप टमटा आपको बता दें पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं कई बार, हम अगर पिछले ही चुनाव की बात करें तो पहले भी प्रदीप टमटा ही इस सीट से चुनाव लड़े थे और अजय टमटा ने उन्हें हराया था। अजय टमटा को तब वोट मिले थे 4,44,000, तो प्रदीप टमटा को वोट मिले थे 2,11,000, यानी कि मोटा मोटा देखे तो 3,30,000 का ये वोट परसेंट का ये जो गैप यहाँ पर था ये था, यानी कि 64% वोट थे उनको अजय टमटा को, 30% वोट मिले थे प्रदीप टमटा को। अब देखिए 2019 की और थोड़ा सा पहले चल लेते हैं, 2014 की हम बात कर लेते हैं। तो 2014 में अजय टमटा ही यहां से लड़े थे, तो अजय टमटा को यहां पर मिले थे 3,48,000 वोट मिले थे, तो यहां पर प्रदीप टमटा को 2,52,000 यहां पर वोट मिले थे। तो प्रदीप टमटा यानी कि इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके थे, दो बार तो ही लड़ चुके हैं। हम थोड़ा और पीछे चल लेते हैं 2014 से और पहले 2009 में आ जाते हैं, तो 2009 का आपको हम बता देते हैं। 2009 में प्रदीप टमटा लड़े थे तो वो जीते थे, 2009 में प्रदीप टमटा यहां से जीते थे 2,02,228 वोटों से और अजय टमटा को उन्होंने हराया था। अजय टमटा को वोट मिले थे 1,95,705, मतलब परसेंट में आप देखें तो 41% कांग्रेस को थे और बीजेपी को 40%, यानी 1% की वजह से अजय टमटा हार गए थे। अब देखिए 2004 में यहां पर बीजेपी जीती थी, तब यहां से ना तो अजय टमटा लड़े थे और ना ही प्रदीप टमटा यहां पर लड़े थे। यहाँ पे बीजेपी से बची सिंह रावत और कांग्रेस से रेणुका रावत और यूकेडी से काशी सिंह एरी यहाँ से लड़े थे, तो बची सिंह रावत यहाँ पर जीत गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे यहाँ पे पहला चुनाव हुआ था वहां पर बीजेपी जीती, फिर कांग्रेस जीतती है और फिर बीजेपी जीतती है, फिर बीजेपी जीतती है और फिर बीजेपी, यानी कि तीन बार से यहाँ पर बीजेपी जीतती आ रही और एक बार कांग्रेस इस सीट से यहाँ पर जीती है। तो देखिए ये हमने आपको बताया कि किस तरह से जो कह सकते हैं आपकी अल्मोड़ा की जो सीट है वहां से अजय टमटा के सामने जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो है प्रदीप टमटा। अब दूसरा देखिए यहाँ पर आपको हम बता देते हैं जो टिहरी लोकसभा सीट है यहाँ से ज्योत सिंह गुनसोला का नाम सामने आ रहा है, ज्योत सिंह गुनसोला, और बीजेपी से जो है यहाँ पर आपको हम बता दें बीजेपी से जो है यहाँ पर ऑलरेडी जो माला राजा लक्ष्मी शाह हैं वो यहाँ पर लड़ रही हैं बीजेपी से चुनाव और राजघराने की है, राजघराने का कह सकते हैं दबदबा इस सीट में रहा है। तो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति फिलहाल वहां पर है, ये सुनाते हैं थोड़ा सा पहले आपको क्या कह रहे हैं। और एक वर्ड है जल, सॉरी पानी। तो ये तीनों का रक्षण करना हम जरूर हमारा ये मुख्य मुद्दा रहेगा और उनको रक्षण करने के लिए पूरी कोशिश हम कानून के तहत करेंगे और उनकी हिफाजत करेंगे। और एक विशेष ये है कि जो पैसा जो पहले से ये कानून है, इस कानून के तहत ये पंचायत में इसको ग्राम सरकार हम बोलते हैं, लेकिन उनको जो अधिकार पा मिलना है वो नहीं मिलता, तो इसलिए उनको मजबूती से जो कानून के तहत हमारे विलेज पंचायत है, तालुका पंचायत है, जिला पंचायत लेवल पे उसकी मजबूती हम
लाएंगे, एक हमने उन उसी गारंटी में ये रखा है। और पांचवी ये उसमें ये है कि ये जो हमारे आदिवासी न्याय केस में कांग्रेस पार्टी द्वारा ये लाए जाने वाले MSP का अधिकार जो कानून है और उसको जो कानूनी दर्जा देगा वो छोटे वन उपज वालों को भी कवर करेगा, यानी छोटे मोटे जितने भी फॉरेस्ट है या ये है उसको भी उसी तरीके से हम। तो देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि जो है बीजेपी ने तो अपनी लिस्ट जारी कर ही दी थी अपने उम्मीदवारों की, लेकिन तीन ही उम्मीदवारों की लिस्ट यहाँ पर जारी की थी, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट में जो है तीन नाम यहाँ पर सामने आए हैं। तो यहाँ पर टिहरी से आपको बता दें जो माला राजलक्ष्मी शाह है इनको टक्कर देने के लिए जो यहाँ पर उतारा है कांग्रेस ने ज्योत सिंह गुनसोला जो है इनका नाम सामने आ रहा है। और गुनसोला जो है उत्तराखंड के आपको बता दें विधानसभा के दो बार सदस्य रह चुके हैं, गुनसोला मध्य जो है मसूरी विधानसभा क्षेत्र है इसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, मसूरी नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी ये काम कर चुके हैं और कांग्रेस के भी सदस्य है, क्रिकेट एसोसिएशन के भी पदाधिकारी अध्यक्ष ये है रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर आपको बता दें इन्होंने काफी पद संभाल चुके हैं, याचिका समिति के सदस्य रहे, अधीनस्थ विधान समिति के सदस्य रहे हैं, मसूरी से दूसरी उत्तराखंड विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, बताया जा रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा के लिए मसूरी से चुने गए। तो ये देखिए इन पर ये भरोसा जताया है ज्योत सिंह गुनसोला पर जो है कांग्रेस ने, और इसमें माला राज्यलक्ष्मी शाह है उनका कह सकते हैं उनका टिकट फाइनली कर दिया है बीजेपी ने, तो अब उनको टक्कर देने के लिए यहाँ पर है। अब देखिए ये राजघराने की सीट यहाँ पर रही है, काफी पुरानी सीट है, राजघराने से जो लोग हैं वो यहाँ से जीतते आ रहे हैं, माला राजलक्ष्मी शाह है वो भी यहाँ से जीतती आ रही है। तो लगातार जो है ये दबदबा जो है राजघराने का वहां पर देखा जाता रहा है और लोग कहते हैं वहां भगवान मानते हैं वहां के राजा को, क्योंकि बद्रीनाथ के जो कपाट खोलते हैं कहीं ना कहीं वो तिथि वहीं से पूरी निर्धारित होती है। तो ऐसे में एक राज जो टिहरी से ज्योत सिंह गुनसोला को टिकट मिला है, अगोड़ा से हमने आपको बताया प्रदीप जो टमटा है उन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं उनको टिकट मिला है इस बार, और पहले भी वो यहाँ से एक बार जीत चुके हैं, और दूसरा आपको हम बता दें पहली बार जीत चुके हैं और दूसरा यहाँ पर अजय टमटा को टक्कर देते आ रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि इस बार देखना होगा कि अजय टमटा को कितनी मजबूती से टक्कर दे पाते हैं। अब देखिए जो हमने टिहरी आपको बता दिया, अल्मोड़ा बता दिया, गढ़वाल से जो है लोकसभा के लिए कांग्रेस ने जो भरोसा जताया है गणेश गोदियाल को पर ये भरोसा जताया है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की गणेश गोदियाल को कहां से यहां पर टिकट मिला है वो आपको हम यहां पर बता रहे हैं। तो इस पर हम और भी यहाँ पर चर्चा करेंगे कि भाई क्या इसमें है। तो देखिए इस पर जो भी अपडेट आ रहा है हम आपको लगातार यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए गणेश गोदियाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और PKTC के अध्यक्ष भी यहाँ पर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार आपको हम लाइव यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने अपनी जो लिस्ट है वो जारी यहाँ पर कर दी है, तीन जो लोकसभा सीट है वहां से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी है। हमारे साथ वरिष्ठ जो कह सकते हैं पत्रकार हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं, जयसिंह जी यहाँ पर जुड़ गए हैं। जयसिंह जी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस ने अपने लोकसभा जो तीन सीटें हैं उत्तराखंड की वहां पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो गढ़वाल की सीट है वहां से गणेश गोदियाल को, दूसरा टिहरी गढ़वाल से ज्योत सिंह गुनसोला को, और यहाँ पर अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा को। तो एक एक करके हम थोड़ा सा आपसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले गढ़वाल की हम बात कर लेते हैं सर, गढ़वाल में गणेश गोदियाल पर जो है भरोसा जताया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने अभी गढ़वाल की सीट से
सॉरी बीजेपी ने अभी गढ़वाल की सीट से किसी कैंडिडेट को फाइनल अभी तक तो नहीं किया है और जल्द लिस्ट आने की संभावना है। और गढ़वाल की सीट पे हम बात करें तो कांग्रेस की स्थिति की थोड़ा सा वहां पर बात करें तो कैसी क्या है, गणेश गोदियाल वहां से कह सकते हैं इस लोकसभा सीट से पहली बार लड़ने वाले। गणेश गोदियाल की चर्चा पहले से थी, वहां पर कांग्रेस की तरफ से पहले मनीष खंडूड़ी चुनाव 2019 में लड़ चुके थे जी, लेकिन इस बार उनको अब तक मिलने की संभावना बहुत कम नजर आ रही थी। गणेश गोदियाल का नाम चल रहा था, गणेश गोदियाल देखा जाए अपनी तैयारियां भी उनकी चल रही थी, कुछ दिन पहले इन्होंने रियासत की तरफ रैली निकाली थी और जो भी है वो कर ही रहे थे। दूसरा ये आ रहा कि मनीष खंडूड़ी छोड़ गए कांग्रेस छोड़ गए हैं, बीजेपी में चले गए हैं जी, उसका एक कारण ये भी था कि उनको टिकट मिलने की यहाँ उन्हें मालूम था कि टिकट गणेश गोदियाल को मिलने जा रहा है। तो ये वाली बात है, जहाँ तक अभी पौड़ी से और हमने अभी पीछे देखा कि बहुत सारे जो काम थे वो होल्ड करके अंकिता के लिए प्रोटेस्ट करने भी वहां पर चले गए थे उस क्षेत्र में। और इससे तो कई लोगों के बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी इस सीट को भी कंफर्टेबल मानती है जिसमें उस सीट पर इनके दावेदार काफी थे, पर है अनिल बलोनी भी इसके लिए कोशिश कर रहे थे और क्या कहते हैं एडमिरल ओम प्रकाश राणा है जिन्होंने प्रमुख मिसाइल बनवाई बनाई थी और लोग बीजेपी की तरफ से आ रहे थे, लेकिन अभी समय रोका हुआ है तो हो सकता है वो इसकी देख रहे होंगे कांग्रेस के कैंडिडेट को देख रहे होंगे, लेकिन भले ही समय जी आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, कॉल काट दीजिए। जो चुनाव 2002 में जो पहला चुनाव हुआ था तो उसमें थलीसेन से गणेश गोदियाल जीत गए थे, उन्होंने उस समय बहुत बड़े नेता थे रमेश पोखरियाल निशंक जो है ना, अब भी बड़े नेता थे, आज तो वही एक है वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उस समय जो संभावित मुख्यमंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक तो वो थलीसेन थे, गणेश गोदियाल ने उनको उस समय हराया था, वो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, काफी एक्टिव हैं। दूसरा उन्होंने जो राठ क्षेत्र में अपना यूनिवर्सिटी वो डिग्री कॉलेज खोला है, और जानते राठ क्षेत्र जो ब्रिटिश गढ़वाल चमोली पौड़ी रुद्रप्रयाग में सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक गिना जाता है, तो वहाँ उसके विकास में उन्होंने अपने बलबूते पर बिना किसी चंदे के वहाँ डिग्री कॉलेज खोला, वहाँ आपके वोकेशनल कुछ ट्रेनिंग वहाँ शुरू करा रही है, बाकी वो एक्टिविटीज करते रहते हैं, लेकिन गणेश गोदियाल को कम मेरे ख्याल से बीजेपी को नहीं आंकना चाहिए। तो गणेश गोदियाल के सामने अभी जो है गढ़वाल से बीजेपी ने फिलहाल किसी कैंडिडेट को नहीं फाइनल किया है और अभी तक तीरथ सिंह रावत वहां पर लड़ते आ रहे हैं, और क्या लगता है कि गणेश गोदियाल के सामने किसे वहां पर आया जा सकता है, क्योंकि अभी गढ़वाल से कई सारे नाम सामने आ रहे हैं तो कौन, क्योंकि सुनने में आ रहा त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दावा कर रहे हैं वहां से, मतलब वो भी जा रहे हैं, इस तरह के और भी नाम है, दीप्ति रावत भारद्वाज का नाम भी सामने आ रहा है, अनिल बलूनी का भी सामने आ रहा है, तो इन सब में से कौन आपको लगता है गणेश गोदियाल को टक्कर दे सकता है? ये अपने आप में जिनके नाम आपने गिनाए हैं कोई टक्कर नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, उनका इतना वजूद नहीं है। हाँ त्रिवेंद्र दे सकते हैं, त्रिवेंद्र दे सकते हैं, क्योंकि त्रिवेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, त्रिवेंद्र का आरएसएस में अच्छी पकड़ है, लेकिन बाकी जो भी लड़ेंगे राम मंदिर के नाम पर लड़ेंगे या मोदी जी के नाम पर लड़ेंगे, मोदी जी के नाम पर, क्योंकि मोदी मैजिक इस सीट पर काफी है माना जा सकता है, इसीलिए बीजेपी इसको कंफर्टेबल मान रही है, लेकिन लेकिन गणेश गोदियाल को उनको बहुत कम नहीं आंक, मेरे ख्याल से कम आंकना भूल होगी।
अच्छा, ये हमने गढ़वाल की बात की, थोड़ा सा बात करते हैं अब अल्मोड़ा पर आ जाते हैं। अल्मोड़ा में अजय टमटा का तो बीजेपी ने नाम फाइनल भी किया है, कांग्रेस की तरफ से प्रदीप टमटा का। तो प्रदीप टमटा तो हम देखते हैं कि एक ही बार सिर्फ इस सीट से जीते हैं लोकसभा चुनाव कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बाकी टाइम हम दो तीन बार देख रहे हैं कि वो हारे ही है। तो इस बार कह सकते हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया है हारने के बाद, क्योंकि कांग्रेस संहिता कांग्रेस के पास इनसे बड़ा कोई दमदार कैंडिडेट वहां पर था नहीं। चर्चा तो ये थी कि यशपाल आर्य अगर बोलते बदलते देते तो शायद कांग्रेस की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती वहां पर, अगर यशपाल आर्य जैसे बड़े व्यक्ति को व्यक्तित्व को वहां पर लड़ाते। लेकिन जो आपने कहा कि ये प्रदीप टमटा का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि पहला जो मैंने आपसे कहा 2002 का जो चुनाव था विधानसभा का पहला, उसमें वो चुने गए थे, सोमेश्वर से चुने गए थे एक। दूसरी बात 2009 में वो लोकसभा के लिए चुने गए 2009 से 2014, उसके बाद वो राज्यसभा के लिए भी थे, ठीक है ना। दूसरा वो ये आप ये दलित इंटेलेक्चुअल उनको माना जाता है, लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि माइनस पॉइंट यह है कि जितने सौम्य अजय टमटा हैं उतना इनमें नहीं है, ये थोड़ा सा एक्टिविस्ट टाइप के हैं, और जो अजय टमटा है वो जिसे कहते हैं ना ग्राउंड लेवल के, मतलब बड़ा स्मूथ बड़ा सौम्य है, सॉबर है। अब और इनका अजय प्रदीप टमटा का जो मिजाज है थोड़ा एग्रेसिव है ना, इस वजह से भी थोड़ा इनको लोगों से कनेक्ट होने में दिक्कत रही है, संभवतः इसलिए भी वो हारे हैं। जबकि अजय टमटा चाहे उन्होंने कोई काम किया हो या ना किया हो, लेकिन वो सौम्य है, आम आदमी के साथ उनका व्यवहार मिलनसार किस्म के व्यक्ति हैं, इसलिए उनको ले सर। लेकिन दोनों टमटे वहां के अल्मोड़ा के वो दमदार तो नहीं है, दोनों के दोनों एक से बढ़कर एक है, उनका जो प्रोफाइल है दोनों का प्रोफाइल है। अजय टमटा के सामने कोई और उम्मीदवार बेटर है प्रदीप टमटा है, क्योंकि एक बार तो कम से कम जीते हैं तो कह सकते हैं डूबते को तिनके का सहारा। खैर दूसरा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो राजघराने वाली सीट है टिहरी गढ़वाल की सीट, तो यहाँ पर तो जो महारानी है उनका तो टिकट फाइनल हो गया है। दूसरा यहाँ जोत सिंह गुनसोला, तो आपको लगता है कि राजघराने को टक्कर दे पाएंगे जोत सिंह गुनसोला? राजघराने को टक्कर देना टिहरी में आज की तारीख भी इतना आसान नहीं है, और अगर आप मेरे साथ पिछले 2019 का अब वो आप देखेंगे रिजल्ट देखेंगे तो मेरे ख्याल से जो गैप है ना पांचों सीटों में, यहाँ पर टिहरी में ज्यादा है। माला राजे लक्ष्मी जी को और जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनके बीच जो मार्जिन का बहुत ज्यादा अंतर है उसमें, एक बात तो यह है। दूसरा उस परिवार को आप ये समझिए कि केवल शुरू में वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए थे 1951-52 का जो पहला चुनाव था, तो राजमाता कमलेंदुमती साहब वहां से चुनाव लड़ी, क्योंकि वो अलग उससे हो गई थी, क्या कहते हैं उन्होंने कहा भाई क्योंकि राज्य नहीं रह गया था, राजा नहीं रह गए थे, तो उनके दिल में टीस तो थी भाई हम आजाद भारत में हम लोगों को कुछ नहीं, लेकिन हम राजा है, प्रजा हमारे साथ है, तो उन्होंने चुनाव जीत के दिखाया। कमलेंदुमती साह ने वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, बल्कि पार्लियामेंट में भी उनका बड़ा वो था भरा होता था। तो उसके बाद जो चुनाव हुए जो पहले विधानसभा के उत्तर प्रदेश विधानसभा के, तो इस सीट पर पौड़ी से, तो पौड़ी कंस्टिट्यूएंसी जो लोकसभा की थी वहां से तो कांग्रेस जीती, लेकिन उसका जो टीरी वाली जो कंस्टिट्यूएंसी थी वहां राजा समर्थक निर्दलीय जीत गए, है ना, राज परिवार समर्थक सारे के सारे। फिर कांग्रेस ने कहा कि बिना बिना इनके तो हमारा काम चलेगा नहीं, इसलिए राज परिवार को उन्होंने अपने साथ मिला लिया, और राज परिवार जब तक 71 तक जब तक वो नहीं आया, कांग्रेस स्प्लिट हुई ना, सिंडिकेट इंडिकेट जो हुआ इंदिरा गांधी के उसमें है, दूसरा
निजलंगपा और लोग दूसरा वो सिंडिकेट में आ गए थे। तो क्योंकि इंदिरा जी ने उस समय प्रिवी पर्स खत्म कर दिया था राजाओं का जो स्टेटस, क्योंकि उनको 71 तक राजाओं का स्टेटस होता था जी। उनको उनका प्रोटोकॉल होता था, साथ हमारा जो राजा था टीरी का राजा उसको 7 गन सल्यूट वाला था, 3 लाख प्रीपी पर्स वाले थे। जबकि हिमाचल में कई राजा ऐसे थे जिनके 40,000, 50,000, 10-20,000 भी प्रीपी पर्स होता था और कोई गन सल्यूट नहीं। तो इतना था ये सारा स्टेटस जब खत्म हुआ, इंदिरा गांधी ने खत्म किया, तो ये राज परिवार दूसरे उसमें चले गए, सिंडिकेट में चले गए। तो राजा साहब जो थे जो निरंतर तब से कांग्रेस से जीते आ रहे थे 71 तक, मतलब 52 से 57 तक तो राजमाता रही, उसके बाद महाराजा मानवेंद्र साहब, क्योंकि महाराजा मानवेंद्र साहब तो रियल किंग थे, उनको 46 में उनका राज्याभिषेक हो गया था, वो 49 मर्जर तक तो वो रहे। 71 में चुनाव लड़े तो परिपूर्णानंद तेनुली जी ने उनको हरा दिया, ये इंडिकेट इंदिरा कांग्रेस वाले थे। तो तब से वो 20 साल तक राजा साहब राजनीति से दूर ही हो गए, उनको बड़ा झटका लगा कि मेरी प्रजा ने मेरे को हरा दिया, है ना। तो 20 साल के बाद जब वो अपियर हुए भी तो बीजेपी के साथ लड़े तो फिर कभी नहीं हारे, उनको नहीं हरा पाया। हाँ उनका बेटा और उठा, लेकिन दूसरा बाकी और सीटों की जैसे बात करें तो अभी बीजेपी ने हरिद्वार और आपके जो गढ़वाल सीट है वहां से अनाउंस नहीं किए उम्मीदवार, और कांग्रेस ने अभी जो छोड़ा है वो अभी हरिद्वार और एक और सीट जो है आपकी नैनीताल सिंह नगर। तो कांग्रेस की हम बात करें तो हरिद्वार से और उधर नैनीताल से अजय भट्ट को टक्कर देने के लिए कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं आपके हिसाब से? मतलब हरिद्वार में तो जैसे हम सुन रहे हैं कि कांग्रेस से तो कई दावेदार, मतलब जैसे हरीश रावत का नाम भी एक आता है, हरक सिंह रावत का नाम भी आता है, इस तरह के कैंडिडेट हैं। और दूसरा एक और नाम सामने आ रहा है बीजेपी से, अभी जो हम देख कह रहे हैं एक दो दिन पहले ही जो एक हरियाणा के जो एक नेता है करतार सिंह भडाना वो बीजेपी में आ गए हैं। तो सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि हरिद्वार से में भी सांसद का या फिर जो मंगलौर में उपचुनाव होना है वो विधानसभा का उसके लिए वो हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से। तो ये जो है दूसरा हम जो कह रहे हैं कि एक तो गढ़वाल वाली सीट कांग्रेस का तो क्लियर हो गया लेकिन बीजेपी का क्लियर नहीं हुआ है, और दूसरा यहाँ पर हम कमेंट्स देख रहे हैं कि गणेश गोदियाल का नाम अनाउंस होते ही उनको अग्रिम जीत की बधाई देने के कमेंट्स भी लगातार आ रहे हैं। तो अभी से दिख रहा है मतलब लोग खुश है कि कैंडिडेट इस कैंडिडेट से तो कांग्रेस के खुश नजर आ रहे हैं जो जनता है यहाँ पे, तो ये चीज है। दूसरा यहाँ पर अब गणेश गोदियाल के सामने कौन होगा ये देखना यहाँ पर होगा। तीसरा जो हमने बात की भाई जो राजेंद्र आने वाली सीट है तो वहां से मुश्किल ही है वो बाजी मार जाना वहां से, तो हम लगातार इस चीज पर बात कर रहे हैं। दूसरा अभी कुछ सीटें बची हैं, हम बता रहे हैं कि हरिद्वार बची है एक नैनीताल ऊधम सिंह नगर, अजय कौन वहां से टक्कर देगा ये यहाँ पर देखना यहाँ पर होगा। नैनीताल ऊधम सिंह नगर के पीछे व्यापारिक एरिया है, ऊधम सिंह नगर में किसान ज्यादा वहां पर हैं, व्यापारी ज्यादा वहां पर होते हैं, सिख ज्यादा हैं और मुस्लिम भी वहां पर हैं, ईस्ट और वेस्ट यूपी के लोग भी वहां पर रहते हैं। तो इस तरह का जो एरिया है वहां पर अगर हम बात करते हैं अजय भट्ट को कौन मतलब उनके सामने हो सकता है, जो बड़े बड़े कांग्रेस के नाम आते हैं, तरफ एक हरीश रावत का नाम भी सामने आता है क्योंकि हरीश रावत 2019 में यहां से लड़े थे। तो अजय भट्ट और की हम परसेंट वोट की बात करें तो 61% बीजेपी को यानी अजय भट्ट को और कांग्रेस को 34%, थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं गैप था यहाँ पर, करीब करीब कह सकते हैं कि ये 20-30% का गैप ही मान सकते 25-30% का, तो ये अच्छा खासा गैप था। हालांकि तो यहाँ पर 2014 का जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ तब यहाँ से केसी बाबा लड़े हुए थे और कांग्रेस की बात कर रही हूँ, और उससे पहले केसी बाबा ही लड़े थे। तो केसी बाबा जो है 2009 में जीत चुके हैं यहाँ से, लेकिन 2014 में वो हार गए, फिर 2019 में उनको टिकट ही नहीं मिला, हरीश रावत को मिला। तो अब यहाँ पर 2024 में अजय भट्ट के सामने क्या हरीश रावत को टिकट मिलता है या किसी और पर भरोसा जताया जाता है, ये यहाँ पर देखना होगा। आपको क्या लगता है? सरिता जो अभी आपने थोड़ा जो वहाँ की डेमोग्राफी जो
का उसका विश्लेषण किया, वो ज्यादा वो फैक्टर इस समय मेरे ख्याल से ज्यादा काउंट करेगा। और अजय भट्ट के सामने इस समय सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं। और मेरे हिसाब से जो क्योंकि निशंक जी का लगभग ऐसा है कि शायद हरिद्वार से उनको कम लग रहा है, तो इसीलिए भी कांग्रेस को इन दो सीटों पर सबसे ज्यादा भरोसा है, एक तो नैनीताल सीट पर और एक हरिद्वार सीट पर। और ठीक है 2019 का चुनाव में तो काफी मेजोरिटी मिल गई थी अजय भट्ट को, लेकिन 2022 में जब लोकसभा इस विधानसभा चुनाव हुआ तब के नतीजे आप देखिए, उस समय उनका बीजेपी का जो आधार बहुत गिरा है उसके बाद, और कांग्रेस वहां से अच्छी उनकी बढ़त रही है, वहां से रही है, हरिद्वार से उनको सीट मिली है। दूसरा भट्ट जी के खिलाफ एंटी इनकमबेंसी भी है उनको अपने नाम से कोई, क्योंकि आप जानती हैं कि वो जब चुनाव लड़े भी ना, जब जीते भी थे मतलब 100 200 400 वोट से जीता करते थे वरना हार जाते थे, अपना आधार उनका नहीं है। अगर वो जो भी है उनको उनकी नैया जो पार लगाएगी तो मोदी मैजिक ही लगा सकता है, लेकिन वहां पर मोदी मैजिक इसलिए कम होगा, आप सुनिए, कि वहां पर किसान है आपने बोला अभी ज्यादातर, क्योंकि वो तराई का इलाका है, सिख किसान है, मुस्लिम आपके नैनीताल वगैरह वो तो मुस्लिम मेजोरिटी है काफी ज्यादा है, बाकी बाहर के लोग हैं, जो जो वहां पर जो वोट बैंक सेफ होगा वो पहाड़ी जो वोटर है नैनीताल सीट पर, वो इनके काम आ सके, क्योंकि पहाड़ी वोटर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति का है, वो बाय एंड लार्ज बीजेपी के साथ है कि कहीं भी ये है, क्योंकि वो लोग बहुत तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्हें अयोध्या है, दूसरी चीजें है, दूसरा और कारण है। तो इस हिसाब से अजय भट्ट और हरिद्वार सीट को भी कांग्रेस ज्यादा अपने लिए कंफर्टेबल मान रही है, वो सोच रही है कि हम यहाँ जीत सकते हैं इसलिए दोनों। लेकिन अगर हरीश रावत वहां से उठते हैं तो बीजेपी के लिए काफी काफी परेशानी हो जाएगी वहां पर। आप ये लगा लो कि मुख्यमंत्री चुनाव हार गए उस सीट पर, याद है ना वो खटीमा, खटीमा इसी में किसी कंस्टिट्यूएंसी में तो आता है, भले वो क्या कहते हैं चंपावत गए अपने दामी साहब तो बहुत ऐतिहासिक जीत उनकी वहां पर हुई, लेकिन उससे पहले देखो ना वहां से तो अपने जो उनकी परंपरागत सीट थी खटीमा वहां से तो हार ही गए थे। तो वो स्थितियां हैं रूलिंग पार्टी के लिए और अजय भट्ट के लिए, वहां सेफ नहीं है। दूसरा ये है कि हाँ बीजेपी का प्लस पॉइंट ये है कि मैं भले लोग अजय भट्ट से नाराज हों लेकिन पार्टी के प्रति कमिटेड होते हैं बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग। दूसरा मोदी जी के लिए कमिटेड है, उनको मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए, वरना भट्ट के नाम से कार्यकर्ता भी खुश नहीं है, क्योंकि वो जब रहे तो अपने अपना शो एंड पॉम्प दिखावे में ही रहे कि मैं तो भारत का मिनिस्टर बन गया हूँ, डिफेंस का मिनिस्टर बन गया, वो अरोगेंस जो तो उनमें आई वो उनके लिए तो हो जाए। गढ़वाल में जिस तरह से क्या आपको लगता है कि अगर मनीष खंडूड़ी इस्तीफा नहीं देते तो उनको वहां से टिकट मिल सकता था और उन्होंने इस्तीफा दिया इसीलिए फिर गणेश गुड़िया का नाम सामने होगा? नहीं, जो चर्चा ये थी शुरू से ही गणेश गोदियाल अपना कर चुके थे, तैयारियां कर रहे थे गणेश गोदियाल। एक कुछ महीने पहले कांग्रेस ने सर्वे कराया था, यहाँ का सर्वे कराया था और सर्वे से एक लड़की आई थी आप जैसी यंग गर्ल जो यहाँ कर रही थी, तो किसी ने मेरा नाम उनको दिया, उनको तो 3-4 दिन तक निरंतर मेरे से यहाँ पर पूछती रही, बात करती रही। तो उनकी बातों से मुझे लग रहा था कि वो कंपेयर कर रही थी मनीष खंडूड़ी और गणेश गोदियाल को इस सीट पर, तो मुझे तब लग गया था कि कांग्रेस जो है उसको गणेश गोदियाल को ही सीट देने ये टिकट यहाँ पर देने जा रही है, जबकि वो मनीष खंडूड़ी निरंतर घूमते भी रही है, मतलब जैसे बीजेपी के कैंडिडेट है ना एमपी तीरथ सिंह जी तो घूमे नहीं, अब इन दिनों अब जब टिकट मिलने की संभावना ही नहीं है, आजकल घूम रहे हो खूब प्रचार कर रहे हैं अपना, जब जब घूमना चाहिए था तब वो घूमे नहीं, आजकल वो घूम रहे हैं,
लेकिन मनीष खनोड़ी घूमते रहे, पहले भी रहे, सक्रिय रहे अपने कंस्टिट्यूंसी में, इसलिए उन्हें धक्का लगा कि घूम भी रहा हूँ, लेकिन उनके साथ ड्रॉबैक रहे, वो सीधे आदमी है जैसे, है ना, उसके राजनीति के गुरु उन्होंने अभी सीखे नहीं है। वो ये था कि पैतृक उनको मिल जाएगा और सारी चीजें, वो लेगेसी, पिताजी की लेगेसी मिल जाएगी, तो लेगेसी कांग्रेस में तो मिलनी नहीं थी, तो वो उनके साथ दिक्कत थी। और ये गणेश गोदियाल का लगभग पहले से ही तय था। लेकिन कुछ व्यूअर्स अभी जुड़े, उनको मैं बता दूं कि तीनों जो है लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों के नाम अनाउंस कर दिए हैं, और जिसमें टिहरी गढ़वाल से ज्योत सिंह गुनसोला है, और अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा यहाँ पर है, और गढ़वाल से यहाँ पर जो एक नाम यहाँ पर सामने आ रहा काफी इंटरेस्टिंग, गणेश गोदियाल का। तो क्योंकि अब ये जो तीन नाम है इसको लेकर देखिए, आप लोग भी अलग अलग कमेंट करके बता सकते हैं, कर भी रहे हैं कि भाई ये कितनी टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को, नहीं दे पाएंगे, और गणेश गोदियाल को लेके भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं। तो बाकी कैंडिडेट को लेकर भी बताइए कि आपका क्या कुछ कहना है। कांग्रेस ने ये जो तीन नाम यहाँ पर अनाउंस किए, नामों को लेकर आपके क्या कुछ व्यूज है, वो भी आप जरूर अपनी राय यहाँ पर रखिए, और क्या आपको लगता है कि ये कैंडिडेट बीजेपी के जो उम्मीदवार उनको टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अभी देखिए, गढ़वाल से जो गणेश गोदियाल के सामने अभी फिलहाल किसी का नाम नहीं है, तो गणेश गोदियाल के सामने किसे टक्कर मिलती है, मतलब कौन बीजेपी किसे उतारती है, ये बहुत जल्द पता लग जाएगा, उनकी भी लिस्ट जल्दी आने वाली होगी, तो इंतजार हमें भी है कि गणेश गोदियाल के सामने कौन होगा। तो ये इंतजार वाली बात है। और तीनों सीट जो है उसको लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई तीनों सीटों में किस तरह के कह सकते हैं समीकरण वहां पर है। हम गढ़वाल की बात कर रहे हैं, तो गढ़वाल में आपको क्या लगता है कि मतलब अभी तक तीरथ सिंह रावत वहां पर जीते, और मतलब जो मनीष खंडूरी लास्ट टाइम वहां से लड़े थे तो बहुत ज्यादा अंतर इतना भी नहीं था, लेकिन 2-2.5 लाख का अंतर था, तो 2-2.5 लाख का अंतर है। और इस बार वहां पे जिस तरह से हम देखते हैं कि अभी प्रोटेस्ट काफी कुछ हुआ है अंकिता भंडारी को लेके, तो क्या ये सारे मुद्दों का फर्क पड़ेगा, या फिर बीजेपी की जो हिंदुत्ववाद वाली लहर है, या ये ज्यादा नैरेटिव जो होता है ये भारी पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस के पास इतने मुद्दे हैं कि अगर उनको कैश करना चाहते तो सारी 5 की 5 सीटें जीत सकते थे वो, लेकिन उनको किया नहीं उन्होंने वो उस ढंग से उनको कर। अगर यही मुद्दे बीजेपी के पास होते और बीजेपी अपोजिशन में होती, धोखे रख देती कांग्रेस को इस समय, यही मुद्दे थे। आप ये समझिए, अंकिता भंडारी का इतना बड़ा कांड हुआ, रूलिंग पार्टी के थे, है ना, ये तो बड़ा इमोशनल मामला था, बेटी बचाओ की बात हो रही, और अभी तक उसको मतलब ठीक है सरकार ने किया, एकदम गिरफ्तारियां भी कर दी, वो सारी बातें हुई है, लेकिन कुछ उसमें और बातें ये आ रही थी, सरकार कहती है हमने कर दिया है, वो प्रॉम्प्ट किया, अगर उसमें दो राय नहीं है, लेकिन उनको बचाने की कोशिश किसने की, वहां लोकल जो एमएलए का नाम भी आया उसमें, जो कल्प्रिट थे या जो एक्यूज हैं, कल्प्रिट तो अभी नहीं कह सकते हैं, जो एक्यूज है, जो मुलजिम है, उनको बचाने का लोकल एमएलए, वो किसकी, बीजेपी की है। उसके बाद पता नहीं कोई वीआईपी था या नहीं था या ये काल्पनिक है, तो उस चीज को दूर करने के लिए सरकार को करना चाहिए था, काय के लिए छोड़ दिया, जब अगर आप सचमुच कर रहे हैं वास्तव में प्रॉम्प्ट है, हम ये कह रहे हैं कि देखा जाए तो किया, गिरफ्तारियां तो किए हैं उन्होंने, लेकिन जब कह रहे हैं कि कोई वीआईपी था, उसके माँ बाप जब धरने पर भूख हड़ताल पर ये बवाल कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं कराते आप, अरे हरीश रावत ने क्या था उसका वो स्ट्रिंग ऑपरेशन, उसी पर सीबीआई इंक्वायरी होगी, उतने पर सीबीआई इंक्वायरी होगी, ये इतना सीरियस कांड है, आपका कमिटमेंट है कि आप बेटी बचाओ, वो सारी चीजें हैं, आप कहते हैं हमें ये देवभूमि के भाई, यहाँ तो सारी पहले सारे देश की नारी तो लक्ष्मी है, लेकिन कम से कम देवभूमि की बेटी के साथ आपका ये बात थी, उसका डाउट ही रखा, मतलब हमें नहीं पता कोई वीआईपी था या नहीं था, कांग्रेस की सरकार ने उसको बचाया या नहीं बचाया, आप इंक्वायरी कराते हैं, लेकिन वो एक शक तो छोड़ ही दिया ना आपने, शक छोड़ा है, ये मैं कह रहा हूँ शक छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा भूमि कानून वाली बात आई, भूमि कानून आपका कमिटमेंट था, बोला था कि सुभाष कुमार जी की उसमें अध्यक्षता में कमेटी बना दी,
अब उसको उस पर कमेटी बनानी, इसका मतलब आप देना नहीं चाह रहे। अब देने के बजाय उससे पहले एक दो और अमेंडमेंट करते जमींदारी विनाश वो उसमें ZLR में, उसकी जगह आप जिस चीज को मांगा नहीं उसको आप दे दिया। UCC 3 सीट है, इसके अलावा बात कर लेते हैं, जैसे हरिद्वार का भी इन्होंने अनाउंस नहीं किया है और नैनीताल उधम सिंह नगर, हरिद्वार पर बात कर लेंगे। हरिद्वार में कांग्रेस की तरफ से क्या लगता है, कौन कौन दावा कर रहा है, और बीजेपी की तरफ से कौन कौन कर रहा है, क्या लग रहा है हरिद्वार से? कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ी दावेदारी हरीश रावत जी की है, क्योंकि हरीश रावत जी की बेटी भी वहां से है, वो वहां से MP रह चुके हैं उस समय, बहुत बड़े मार्जिन से उस समय 2009 में है ना, काफी सक्रिय भी दिखाई दे रहे थे वो हरिद्वार में। हाँ, हरिद्वार में निरंतर वो वहां से सक्रिय है, उनकी बेटी वहां से, जहां से वो चुनाव हारे थे वहां से उनकी बेटी द्वारा जो है ना, तो 2022 के चुनाव जीती है, उनकी बेटी जीती है, इसलिए वो निरंतर वहां संपर्क में है। लेकिन हरक सिंह रावत भी यहीं के दावेदार हैं, तो हरक सिंह रावत भले ही समय परेशानी में है, जो भी है ED है CBI की वजह से जो भी है, लेकिन दावा तो है ही है उनका भी उसके लिए है। और उनका तो ये था कि भाई हरीश रावत जी आप नैनीताल चले जाओ, आपका वहां भी आधार, आप तो पैन उत्तराखंड लीडर हैं, कहीं से भी जान दो भाई हरीश रावत को, तो उत्तराखंड में किसी भी जगह सभी जगह हरीश रावत का आधार है, बड़े नेता है उत्तराखंड के, तो वो नहीं उन दोनों का, क्योंकि आप जानते 2016 का दोनों के बीच का जो मन मुटाव है, क्योंकि उनकी सरकार गिराने में हरक सिंह जी का तो हाथ था ही, हरक सिंह रावत विजय बगुना, वो कटुता, दूसरी बात वो स्टिंग कराया CBI केस में फंसाया, वो भी हरक सिंह जी ने कराया, वो कटुताएं उनके आसानी से जा नहीं रही हैं, भले कि दोनों आज कांग्रेस के अंदर हैं, अगर वो करते तो एक नैनीताल चला जाता, और हरक सिंह भी कोई कमजोर नहीं है उसमें, हरिद्वार में देखा जाए हरिद्वार के लिए भी नहीं है, हरक सिंह साधन संपन्न भी हैं, क्योंकि आजकल चुनाव देखिए अभी तक ये आ रहा था कई कांग्रेसी चुनाव लड़ने से बाहर क्यों वो कतरा रहे हैं क्या अपने आर्य जी, भाई आर्य जी को तो लड़ना चाहिए था ना, फिर ये है कि भाई इतना पैसा अगर लगा दिया हमने लगा दिया चुनाव न जीत पाए, आजकल कम से कम 10-15 करोड़ तो कम से कम मामूली बात है MP के चुनाव के लिए, 10 करोड़ तो लोग MLA के चुनाव भी लगा रहे हैं, तो MP का चुनाव इतने बड़े यहाँ पहाड़ों में है। अभी का सिनेरियो देखें तो अगर हम टिहरी गढ़वाल की बात करते हैं तो वहां पर कल जिस तरह से हम देख रहे थे कि बेरोजगार संगठन के जो अध्यक्ष हैं बोई पवार वो भी दावा कर रहे थे, लेकिन कौन सी पार्टी की तरफ से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे या अलायंस के साथ लड़ेंगे ये कुछ साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनका ये कहना था कि भाई उनके जो मुद्दे हैं उनको जीवित रखना, यानी कि जो भी पार्टी या जो भी कह सकते हैं गठबंधन बनता है अगर उनके मुद्दे जिंदा रहते हैं तो ही वो जो है उसकी तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि जो महारानी है उनके अपोजिट यहाँ पे जो लड़ रहे हैं ज्योति सिंह गुलसोला का नाम यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पे जो लोकसभा उम्मीदवार उनका ऐलान किया है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो बॉबी पवार है क्या मतलब अकेले युवाओं के हुजूम के साथ यहाँ पर चुनाव निर्दलीय लड़ सकते हैं या कुछ और सोचने वाले? देखिये आप जानती है बेरोजगारी तो बहुत गंभीर समस्या है, वो न कांग्रेस उसको समझ रही है, कांग्रेस भी तो बस ऐसा जब औपचारिकता जैसी होती है ना वो उठा लेती है, जबकि बहुत सीरियस है, BJP तो उसको समस्या ही नहीं मानती, वो कहते हैं कहाँ गए बेरोजगारी है, तो दोनों पार्टियां तो दिक्कत तो है दोनों के साथ है, लेकिन बॉबी पवार ठीक है दमदार है, सरकार ने उनके साथ उत्पीड़न तो किया ही है, लेकिन वो MP का चुनाव जीत जाएंगे, इसमें इतने संसाधन, पहले उनको जो है विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए उसके बाद लोकसभा ट्राई करना चाहिए था। यस वो करना चाहिए था। दूसरा ये है कि ठीक है युवाओं को आना भी चाहिए, जो मुद्दे लेके आते हैं क्यों नहीं आना चाहिए, सब कुछ पुराने घिसे पिटे जो पॉलिटिशियन आ जाते हैं उनकी जगह नए लोग आते हैं तो उसको अच्छी बात है, उसमें कोई बुरा नहीं, लेकिन आपका इतना पैसा कहाँ से लाओगे, आज सिद्धांत तो कहाँ है राजनीति में, कहीं दिखते हैं आपको सिद्धांत कोई? वो इधर जो BJP में मैक्सिमम कांग्रेसी है बैठे हुए, कांग्रेस में उसे उधर जहां टिकट नहीं मिलता वो इधर आ जाते हैं, इधर से उधर आ जाते हैं,
क्योंकि कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो है नहीं उनके पास, तो वो दिक्कत की वजह से ये है। आज जो है पैसे के बल पर जो लड़ेगा, आप जानती हैं कितने 80-90 लाख निर्वाचन आयोग ने तय कर रखा है, क्या इतने में कोई चुनाव लड़ सकता है? आप उत्तराखंड की एक कंस्टिट्यूएंसी पहाड़ की पौड़ी में, टिहरी में, अल्मोड़ा में, या इवन नैनीताल में 5 साल में एक एमपी घूम लेगा पूरा? नहीं घूम सकता। तो क्या करेगा? उसको आदमी चाहिए जहां तहां चाहिए, उनको अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा। और शराब का इम्पोर्टेंट रोल होता है, बिना शराब के जो बोलता है कि हम शराब का इस्तेमाल चुनाव में नहीं करते वो झूठ बोलता है। वैसे भी चुनावों में या राजनीति में जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, सबसे ज्यादा लफाजी जो करेगा वो सबसे बड़ा नेता होता है। भाई पब्लिक को कैसा उसका दिमाग डाइवर्ट करना, कैसे इन्फ्लुएंस करना, तो वो तो वही होता ना। सच सच से तो हो नहीं सकता है वो। मैंने कहा था मनीष कनोड़ी सीधा साधा लड़का है, उसके बस का है नहीं। और भी कई उदाहरण है, मैं देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो टैक्टफुली जो सीधा पब्लिक को इंटरेक्ट करते हैं, लच्छेदार बातों से उनको प्रभावित करते हैं, तो वो भाई तो प्रभावित करते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। तो ये लड़का जो जो बॉबी पवार है, आप सब ठीक है, आपने बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आपको संसाधन कहाँ है? लड़ते हैं तो भाई राजघराने की सीट है, और उससे हराना तो आप ही बता रहे कि इतना आसान बात तो नहीं होने वाली है। अब बॉबी पवार ने जो फैसला लिया है ये भी बड़ा चौंकाने वाला है कि इस तरह की सीट पर जो है वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम पहले देख रहे थे कि जो कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी भी दावा कर रही थी वहां से लड़ने के लिए, लेकिन आखिरकार जो है टिकट मिला है जोसिन गुनसोला को। अब खैर सरिता, जोसिन गुनसोला को भी आप हल्के में ना लीजिए, वो मसूरी के निवासी है, फाइनेंशियली वेल ऑफ है, मतलब घर से भी ठीक ठीक है, ऐसा नहीं है। और पहली विधानसभा में वो चुने गए थे, पूर्व विधायक भी हैं, और वो क्रिकेट एसोसिएशन के भी जिम्मेदार अधिकार वो है, पदाधिकारी हैं। दूसरा बहुत सोबर से पॉलिटिशियन है। आप जानते हैं कि विजय बगुणा को कुर्सी से हटाया तो उन्होंने उस कांग्रेस के सरकार को ही गिराने का पूरा इंतजाम कर दिया था 2016 में। इस आदमी का सिटिंग एमएलए होते हुए भी टिकट काट के वो कोई गोदावली या दूसरी है मैडम है उनको टिकट मिलता है, जबकि दवा इनका बनता है। लेकिन इन्होंने कभी ऐसा नहीं कि प्रतिशोध में उनके खिलाफ, या कई लोग ये अंदर खाना डैमेज करते हैं, भीतरघात करते हैं, तो इस व्यक्ति में इस तरह का नहीं है, वो करते नहीं है। वो सीधे अपना बहुत प्रतिष्ठित राजनेताओं में, इज्जतदार लोगों में से, मतलब लोगों में इनका नाम गिना जाता है। लेकिन रानी के साथ टकरा जाएंगे ये तो देखने वाली बात है कितना ले पाते हैं। अगर बॉबी भी पवार भी कुछ करते हैं, बाकी साथ ये इश्यूज आ जाए, अपने मूल निवास का आ जाए, भू कानून का आ जाए, अंकिता भंडारी का आ जाए, अग्निवीर का यहाँ पर गंभीर समस्या है। अग्निवीर चाहती कांग्रेस तो बिल्कुल बहुत ढंग से उठा सकती थी। अग्निवीरों को आपने सुना होगा, लोग बेटी नहीं देने के लिए तैयार नहीं है, लड़कियां नहीं मिल रही शादी करने के लिए, उनकी समस्या हो गई कि 4 साल की नौकरी में हम क्या बाद में कहां जाएगा दामाद। है कि गढ़वाल से तो अंकिता भंडारी की जो माँ है सोनी देवी वो भी चुनाव लड़ने को तैयार है, इतना आसान हो पाएगा ये चुनाव लड़ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा है ना, कई लोग आवेश चुनाव चुनाव संहिता आवेश में नहीं जीते जाते, नहीं लड़े जाते हैं बिना संसाधन के। आज हम देख रहे हैं ना, आज अब लोगों का दिमाग बिल्कुल डाइवर्ट हो गया। कल एक दूसरे चैनल पर मैं था, हमने ये बात बोला तो दूसरे पक्ष के लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए, क्योंकि आज कोई सही बात अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ जितना हो महिलाओं से पूछो ना, वो जस्टिफाई करने लग जाएंगी, हाँ कोई बात नहीं अंकिता के साथ हो रहा तो दूसरे को। तो आज दूसरा पक्षीय भी तो हो गया, धर्म के नाम पर जितना डाइवर्ट लोगों को कर दिया है, वो इन उनके लिए मूल निवास है या भू कानून है, अंकिता भंडारी है, ये सारे मुद्दे गौण हो चुके हैं। तो उसमें आप चुनाव लड़ेंगे भी 200-400-600 वोट आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्यों आप अपना वो कर रही है? मेरे ख्याल से
तो वही वही बॉबी पवार को भी अपना मतलब अपना एनर्जी अपना शक्ति जो दो पैसा भाई बेरोजगारों के पास कहाँ से इतना पैसा आएगा, कहाँ से करेंगे, लड़े वो छोटे छोटे चुनाव से आगे बढ़े। मैंने कहा ना युवाओं को आना चाहिए, युवा शक्ति को क्यों नहीं आना चाहिए। वो भाई असम जो मूवमेंट हुआ तो उसमें सारे यूथ ही तो आ गए थे, ये भी क्या है जो कि पहले मूवमेंट करो इतना लोगों को प्रभावित करो। आपको लगता है कि जो गणेश गोदियाल हैं कांग्रेस के कैंडिडेट जो अभी अनाउंस किए गए हैं, वो जो पुराने कैंडिडेट थे मनीष खंडूरी जो कि अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो आपको लगता है कि मनीष खंडूरी से ज्यादा बेटर परफॉर्म मतलब कर पाएंगे वो इस इलेक्शन में, यानी कि उनसे ज्यादा वोट ला पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे वो, उनसे ज्यादा तो कर ही देंगे, इसीलिए कांग्रेस ने उनको दिया है। मतलब ऐसा है कि वरना मनीष का तो राहुल गांधी के साथ भी अच्छे संबंध थे, मतलब वो राहुल की टीम में गिने जाते थे, तो उन्होंने ऐसा। और शायद मनीष ने इसीलिए यूथ बोल के राहुल के साथ इसलिए आए थे जबकि पिताजी की उनकी लेगेसी थे बीजेपी में थी, तो उस समय आए तो कुछ सोच समझ के आए होंगे। लेकिन वो मैंने कहा वो राजनीति की वो सारी चीजें उनको अभी नहीं पता है, वो बहुत सपाट जिसे कह सकते हैं सहज है, पिता के नाम से या जात के नाम से या और चीजों के नाम से तो नहीं मिलता ना कुछ, वो भी चाहिए होंगे, कई बातें होती हैं। तो वो राहुल गांधी को देख लो ना, उसके बाद एकदम अगर वो भी मोदी जी की तरह लच्छेदार बातें कर रहे हैं एकदम डायरेक्ट इंटरेक्ट करने लगे तो वो भले ही वो टक्कर तो ले ही रहे हैं मोदी जी के साथ, लेकिन कहाँ मोदी जी कहाँ, अभी तो उनको गैप तो ही अंतर है। तो निश्चित रूप से गणेश गोदयाल कांग्रेस के लिए गणेश गोदयाल डेफिनेटली बेटर कैंडिडेट हैं देन मनीष खंडूरी। और दूसरा बीजेपी की तरफ से जो सुनने में आ रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि भाई 3-2 का रेशियो हो सकता है, नहीं महिला पुरुष का, तो दो महिलाएं यानी कि एक माला राजलक्ष्मी और दूसरी एक और कोई महिला कैंडिडेट हो सकती है, तो गढ़वाले हरिद्वार से हो सकता है किसी महिला कैंडिडेट को उतारा जाए, ऐसा कुछ भी पॉसिबल है क्या? हाँ उतारा जा सकता है, उतारा में तो देखिए अभी ये सब राजनीतिक अटकलें होती ना और मोदी जी चौंका देते हैं। देखिए मोदी जी की कई चीजें हैं ऐसे कि वो बिल्कुल सरप्राइज, अब तो यहाँ क्या हो गया, हरियाणा में क्या हो गया, मतलब अच्छी भली आपकी सरकार चल रही थी कर दिया, तो वो ये सरप्राइज करते रहते हैं, यही उनकी खासियत है। वो राजनीति में आज जहाँ है वो है तो यहाँ भी कर सकते हैं। नाम तो ऋतु खंडूड़ी का भी आया कि ताकि पिताजी की लेगेसी आ जाए, नाम तो एक दूसरी यंग लेडी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट लीडर रही है, क्या नाम है, दीप्ति रावत भारद्वाज, दीप्ति भारद्वाज भी है, और दीप्ति तो चुनाव लड़ चुकी है बीजेपी का वहां पर बीरों काल से अमृता जी के खिलाफ, अमृता रावत जब कांग्रेस में थी तो बीजेपी से चुनाव लड़ चुकी हैं, तो कांग्रेस बीजेपी की प्रवक्ता भी रही हैं और ठीक है डायनेमिक लड़की है वो, तो उनका भी होता है तो वो भी बड़ी कैंडिडेटर। यहाँ तो जाती है हिसाब किताब जातिवाद पर भी दिखोगे, ये यहाँ उत्तराखंड की जो राजनीति है सर लगभग सभी जो यूपी में बाकी जो जाति के नाम पर कोई धर्म के, आप धर्म के नाम पर करेंगे तो दूसरा जात के नाम पर करेगा, दूसरा जात के नाम पर करेगा, दूसरा उसे उप जाति के नाम से करेगा, तो ये राजनीति तो विखंडन जो है ना लोग बाकी तो जोड़ता है लेकिन राजनीति तोड़ती है बिखेरती है। तो उनके साथ प्लस पॉइंट ये है दीप्ति के साथ वो भारद्वाज भी है रावत भी है। अब आप जाती है कि यहाँ पर जो राजपूत डोमिनेटेड एरिया है दूसरा फौजी डोमिनेटेड एरिया है, फौजी दोनों है। खंडूरी साहब क्या थे कि उनके साथ एक तो ब्राह्मण 100% कमिटेड था, आरएसएस का बहुत बड़ा रोल होता है प्रचार करने प्रोपेगेंडा में है ना, वो उनके साथ था, दूसरा सैनिक बैकग्राउंड था, तो सैनिक में वो जात बिरादरी पीछे छूट जाती है और सैन्यवाद आगे आ जाता, तो सैन्यवाद इस वजह से थी। तो ये अगर दोनों कैंडिडेट होते हैं, भले ही थोड़ा ये ऋतु जी में थोड़ा एरोगेंस ज्यादा है मुझे लगता है, क्योंकि देखते हैं विधानसभा में और जगह वो इस समय तो अगर योगी जी ने बचा दिया कोटद्वार से उनको,
जब उनकी अगर होती है तो यमकेश्वर दोबारा मिलता उनको। जब यमकेश्वर से उनका टिकट किया, बवाल हो गया कि खंडूड़ी की बेटी को टिकट काट दिया। जब बवाल हुआ तो फिर उनको कोटद्वार, उन्होंने समझा इसका हार नहीं है इनको, तो चलो वहां डाल दो, कोटद्वार से लड़ा दो। लेकिन कोटद्वार में चमत्कार हो गया, योगी आ गए। योगी का वही के हैं, योगी का असर तो है ही है। योगी में कई चीजें हैं, आप राजनीतिक तौर पर उनसे सहमत हो या ना हो, लेकिन उनका चरित्र देखिए आप, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखिए आप, उनकी गवर्नेंस देखिए आप। मतलब किसी मतलब साधु होते हुए भी वो मतलब भेदभाव नहीं करते किसी हिंदू से या मुसलमान से, या कई और चीजें हैं उनके साथ, अपना करेक्टर है। एक पैसा उनको ये नहीं कि भाई आदमी ने कुछ खा दिया होगा, क्या खाना, सारा गोरखपुर उनका है। तो वो जो है उनकी जो यहाँ छवि है, तो वो जब वो गांव भी आए तो बड़ा इमोशनल मामला था। जो आदमी पिता की उस पर नहीं पहुंचा, अर्थी में उसमें क्रियाक्रम में नहीं पहुंचा, क्योंकि उसने कहा कि मेरा कर्म तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ के मैं इन लोगों का जो संकट में है आज पूरा उत्तर प्रदेश कोरोना के कारण, मेरे को इनकी रक्षा करनी है, मेरे लिए ये जरूरी है, बजाय वहां तो भाई बंद और देख लेंगे उनको। तो उस तरह का करेक्टर है उनका। तो वो जब आए तो रितु खंडूड़ी के पक्ष में बन गया। वो जो थे वो बड़े कॉन्फिडेंट थे अपने सुरेंद्र सिंह ने, कि हार गए। तो ये स्थितियां हैं। तो अगर उनको भी होता तो पौड़ी की सीट बीजेपी के लिए मुझे कंफर्टेबल लगती है, पौड़ी की भी लगती है, पौड़ी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स को बता दूं, अभी इस वक्त ये बड़ी खबर है ये है कि भाई कांग्रेस ने लोकसभा के 3 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें प्रदीप टमटा को अल्मोड़ा से टिकट दिया गया है, तो वहीं जोत सिंह गुनसोला को टिहरी गढ़वाल से, और यहाँ पर कह सकते हैं पौड़ी से जो गढ़वाल सीट है वहां से गणेश गोदियार को, तो 3 नामों का अनाउंस यहाँ पर किया गया है। इन तीनों नामों को लेकर आपके क्या कुछ व्यूज हैं, आप भी कमेंट करके यहाँ पर बताइए। और तीनों ये जो सीट है इस पर किस तरह के समीकरण है वो भी हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। जो पास्ट में जो रिजल्ट यहाँ पर रहे वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए कि भाई कौन कौन जीता है, कितनी बार कौन सी पार्टी जीती है, तो ऐसे में इस बार क्या देखने को मिलेगा, और क्या बीजेपी की जो कह सकते हैं चाहे राम मंदिर वाली लहर हो या फिर वो मोदी जी की लोकप्रियता हो, क्या ये सब ज्यादा इफेक्ट करेगा या कांग्रेस के जो ग्राउंड पर मुद्दे हैं वो ज्यादा इफेक्ट करेंगे। तो ये जो है रिजल्ट जब आएगा देखना होगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जयसिंह जी आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के पास नो डाउट काफी सारे मुद्दे हैं, और अगर बीजेपी विपक्ष में होती तो बहुत अच्छे से कैश करती। हाँ, मेरे से सवाल है जी जी जी, क्या सब रिपीट करना था, मैं सुन नहीं पाया। आपने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दे काफी कुछ हैं, और अगर आपने कहा कि अगर बीजेपी विपक्ष में होती तो अच्छा खासा कैश करती मुद्दों को। हाँ, निश्चित रूप से मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप महंगाई है, बेरोजगारी है, बॉबी पवार का आपने नाम बोला, पेपर लीक है, पेपर लीक में कौन पकड़े गए भाई, वो हाकम सिंह कौन था, उसके बाद हरिद्वार में जो थे वो कौन थे, दूसरी बात अंकिता भंडारी हत्याकांड में कौन लोग तो इन्वॉल्व थे, दूसरी बात आप भू कानून की बात लोग करें, आप भू कानून क्यों नहीं दे रहे हैं, आपने आपका कमिटमेंट था, तीसरी बात आपने लोकायुक्त की बात की थी कि भाई हम 100 दिन के अंदर कर देंगे, 100 दिन क्या 5 साल गए, उसके बाद 2 साल और आ गए, 7 साल होने वाले हैं, लोकायुक्त कहाँ चला गया। उसके बाद मूल निवास की बात कही, ये यूसीसी आप पढ़िए, यूसीसी में अभी तो राष्ट्रपति से आना है, हमने तो हम तो पहले से बोल रहे थे कि भाई बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ये लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 254 का सेक्शन 2 है, सेक्शन 1 तो कहता है कि बना ही नहीं सकते, लेकिन 2 कहता है लागू हो सकता है कि बशर्ते राष्ट्रपति दे, वो लिटिगेशन बाद में जाएगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं बहुत, वो तो होंगी ही, क्योंकि वो समान तो पहले से नहीं है, समान कुछ लोगों को छोड़कर समान कैसे हो जाएगा भाई, मुसलमानों को शामिल करने के बाद बाकी तो समान नहीं हो गया ना, या ईसाइयों को उनका करके बाकी आप जनजातियां तो छूट गई हैं, तो वो वाली बात थी। चलिए जो भी है उसका जो उसका उसकी उसमें जो प्रारंभिक उसके जो खंड है यूसीसी का, उसमें जो परिभाषाएं लिखी हुई हैं उसका ड में आप पढ़ो, तो ड में लिखा हुआ जो 1 साल से उत्तराखंड में रह रहा है वो उत्तराखंड का निवासी है,
अभी तक आपने जो पिचासन पिचासी बोला या 15 साल से बोला, जो भी था, जो अभी तक है, मूल निवास की जगह आप स्थायी निवास की बात कर रहे हैं, वही सर्टिफिकेट मिल रहे लोगों को, है ना? वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, ये तो कानून पास हो गया है, ये विधानसभा ने पास कर दिया। अब 15 साल की बात कर रहे हैं, जो 1 साल में आ गया वो है। अब जब कांग्रेस को इतनी बड़ी बात नजर नहीं आती है, यहाँ के बड़े बड़े एक्टिविस्ट को इतनी, अरे वो तो कानून पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कौन निवासी रहेगा, किस पर लागू होगा। उन्होंने कह दिया जो 1 साल से उत्तराखंड में रह रहा है वो यहाँ का निवासी माना जाएगा। जब वो यहाँ का निवासी माना जाएगा, उसको नौकरियों में कैसे डिस्क्रिमिनेशन आप कैसे कर सकते हैं, वो तो सारे से बेनिफिट लेगा। दूसरी, अगर आपका इरादा होता तो डबल इंजन की सरकार थी, वो आर्टिकल 16 जो है संविधान का, उसका सेक्शन 3 है, उसमें थोड़ा सा आपको छूट दी गई है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो क्लास 3 के जो पोस्ट है ना, उसमें समानता का अधिकार है ना, सबको समानता वाले में, सब इक्वल अपॉर्चुनिटीज का, उसमें आप अपने स्टेट के डोमिसाइल को दे सकते हैं। तो बजाय आप ये चीज करने, बुनियादी चीजें करते तो करनी चाहिए, देख अभी नहीं किया तो आगे करनी चाहिए, धामी जी को करनी चाहिए, ताकि अगर आपको बड़ी बात करो कुछ, ताकि आपके स्टेट का फायदा हो, यूसीसी से क्या फायदा हो जाएगा, आप बताओ क्या क्या हो जाएगा। मैंने आप मुसलमानों को आप जेल भेज दो, सबको भेज दो, उससे हिंदुओं को क्या मिलेगा, क्या फायदा है? इनिमिटी के समाज तो मिलके चलने वाली बात है, मिलके जब चलेंगे तो समाज तो तरक्की करेंगे, हम सब लोग तरक्की करेंगे। और कहते हैं लैंड, अरे हमारे टीरी के राजा ने, टीरी में मस्जिद मोहल्ला है, उत्तरकाशी में तक मस्जिद मोहल्ला है, मस्जिद मोहल्ला अच्छा। दिया गया है राजा ने दे रखे हैं, बसाए हुए हैं राजा ने। अब वो कई लोग यहाँ पॉलिटिकल लीडर हैं, उसको जो वो बहुत अच्छे गढ़वाली बोलते हैं, टीरी के हैं, क्योंकि टीरी के निवासी हैं, क्यों नहीं बोलेंगे, गढ़वाली हैं वो गढ़वाली हैं, जो उधर से जाते हैं वो तो कुमाऊनी है, वो गढ़वाली है, कुमाऊनी है, हम उनको हिंदू मुसलमान बोल के थोड़ी बोल सकते। तो ये सारी चीजें हैं, समाज को जितना आप तोड़ेंगे तो टूटता जाएगा, धर्म के नाम से टूटेगा, जात के नाम से टूटेगा, क्षेत्र के नाम से टूटेगा, लेकिन जुड़ेंगे, सब साथ चलेंगे, सब साथ प्यार मोहब्बत, तो यही हमारा हिंदुत्व में भी तो यही है, वसुधैव कुटुंबकम का सवाल है ना, सबको मिलके चलने वाली बात है, वही हमारे धर्म का सत्य अहिंसा की बात बापू ने भी कही थी, वही हमारा धर्म भी कहता है, प्रेम सत्य अहिंसा ये सारी चीजें। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रसिंग जी हमारे साथ लाइव यहाँ पर कनेक्ट होने के लिए, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लगातार जो है आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से जो है आज कांग्रेस ने यहाँ पे जो 3 उम्मीदवारों की लिस्ट यहाँ पर जारी की है, तो 3 सीटों पर किस तरह का समीकरण है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता रहे हैं कि 3 सीटों से कौन कौन नाम जो है यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं। बता दें यहाँ पर आपको गढ़वाल, ये 3 जो लोकसभा सीट है यहाँ से नाम सामने आए हैं। तो पहले हम थोड़ा सा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना देते हैं कि इन 3 सीटों से किस किस के नाम जो है यहाँ पर सामने आए, और उसके बाद आपको हम जो है इस पर चर्चा करेंगे और 3 जो सीट है उसका प्रोफाइल बताने की पूरी कोशिश यहाँ पर हम करेंगे। मोटा मोटा देखें तो 3.5 लाख का ये वोट परसेंट का ये जो गैप यहाँ पर था वाली बात होगी। अब यहाँ पर देखिए, एक जो कांग्रेस से पिछले कैंडिडेट रहे हैं वो थे मनीष खंडूरी जो कि कांग्रेस से अब पिछले दिनों 2-4 दिन पहले ही बीजेपी में यहाँ पर शामिल हो गए हैं, लेकिन लग रहा था कि बीजेपी से टिकट मिलेगा या क्या होगा कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से लास्ट टाइम यानी कि जो आखिरी चुनाव था वो मनीष खंडूरी ने लड़ा था, और अगर वोट के अंतर की बात करें तो 5,06,000 करीब वोट तीरथ सिंह रावत ने जीते थे, तो मनीष खंडूरी ने 2,04,000 यानी करीब 3 लाख का कह सकते हैं गैप यहाँ पर रहा था।
इसके अलावा देखिए हम 2014 की बात करें तो इसी सीट पर जो है, यानी हम गढ़वाल सीट की बात कर रहे हैं, भुवन चंद्र खंडूरी यहां से चुनाव लड़े थे बीजेपी से, जिन्हें 4 लाख वोट मिले थे, लेकिन उसके बाद जब आखिरी चुनाव तीरथ सिंह रावत ने लड़ा था तो 5 लाख वोट मिले थे। कांग्रेस की तरफ से हरक सिंह रावत यहां से लड़े थे, जिनको 2,21,000 वोट मिले थे, वो हार गए थे। बीएसपी से धीर सिंह बिष्ट लड़े थे। और 2009 की भी हम बात कर लेते हैं तो यहाँ से 2009 में सतपाल महाराज लड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से तेजपाल सिंह रावत यहाँ से लड़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी कह सकते हैं कि यहाँ पर जीतती आ रही है, लेकिन 2009 में यहाँ से कांग्रेस जीती थी, लेकिन सतपाल महाराज आ गए हैं बीजेपी में। तो देखिए यहाँ पर पिछले 2 बार से बीजेपी का दबदबा है और इस बार बीजेपी जीतती है कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए फिलहाल जो अनाउंस हो गया है कि गढ़वाल सीट से यहाँ पर अब जो है बीजेपी के कैंडिडेट को टक्कर देंगे वो हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल। गणेश गोदियाल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, CWC के मेंबर भी यहाँ पर है। तो ये देखिए काफी कह सकते हैं हाईकमान से नजदीक यहाँ पर रहते हैं। दूसरा यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो अल्मोड़ा की सीट है, अल्मोड़ा की थोड़ी सी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अल्मोड़ा से अजय टमटा का तो देखिए बीजेपी ने कर दिया है कि भाई बीजेपी के उम्मीदवार है अजय टमटा, लेकिन अब कांग्रेस की यहाँ पर बात करते हैं तो कांग्रेस ने प्रदीप टमटा जो है उन पर कह सकते हैं कि भरोसा, उन्हें विश्वास जताया है। और प्रदीप टमटा आपको बता दें पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं कई बार, हम अगर पिछले ही चुनाव की बात करें तो पहले भी प्रदीप टमटा ही इस सीट से चुनाव लड़े थे और अजय टमटा ने उन्हें हराया था। अजय टमटा को तब वोट मिले थे 4,44,000, तो प्रदीप टमटा को वोट मिले थे 2,11,000, यानी कि मोटा मोटा देखे तो 3,30,000 का ये वोट परसेंट का ये जो गैप यहाँ पर था ये था, यानी कि 64% वोट थे उनको अजय टमटा को, 30% वोट मिले थे प्रदीप टमटा को। अब देखिए 2019 के और थोड़ा सा पहले चल लेते हैं, 2014 की हम बात कर लेते हैं तो 2014 में अजय टमटा ही यहां से लड़े थे, तो अजय टमटा को यहां पर मिले थे 3,48,000 वोट मिले थे, तो यहां पर प्रदीप टमटा को 2,52,000 यहां पर वोट मिले थे। तो प्रदीप टमटा यानी कि इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके थे, 2 बार तो ही लड़ चुके हैं। हम थोड़ा और पीछे चल लेते हैं 2014 से और पहले 2009 में आ जाते हैं, तो 2009 का आपको हम बता देते हैं। 2009 में प्रदीप टमटा लड़े थे तो वो जीते थे, 2009 में प्रदीप टमटा यहां से जीते थे 2,02,228 वोटों से, और अजय टमटा को उन्होंने हराया था, अजय टमटा को वोट मिले थे 1,95,705। मतलब परसेंट में आप देखें तो 41% कांग्रेस को थे और बीजेपी को 40%, यानी 1% की वजह से अजय टमटा हार गए थे। अब देखिए 2004 में यहां पर बीजेपी जीती थी, तब यहां से ना तो अजय टमटा लड़े थे और ना ही प्रदीप टमटा यहां पर लड़े थे। यहाँ पे बीजेपी से बची सिंह रावत और कांग्रेस से रेणुका रावत और यूकेडी से कृष्ण सिंह एरी यहाँ से लड़े थे, तो बची सिंह रावत यहाँ पर जीत गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे यहाँ पे पहला चुनाव हुआ था वहां पर बीजेपी जीती, फिर कांग्रेस जीतती है और फिर बीजेपी जीतती है, फिर बीजेपी जीतती है और फिर बीजेपी, यानी कि 3 बार से यहाँ पर बीजेपी जीतती आ रही है और 1 बार कांग्रेस इस सीट से यहाँ पर जीती है। तो देखिए ये हमने आपको बताया कि किस तरह से जो कह सकते हैं आपकी अल्मोड़ा की जो सीट है वहां से अजय टमटा के सामने जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो है प्रदीप टमटा। अब दूसरा देखिए यहाँ पर आपको हम बता देते हैं जो टिहरी लोकसभा सीट है यहाँ से जोत सिंह गुनसोला का नाम सामने आ रहा है, जोत सिंह गुनसोला, और बीजेपी से जो है यहाँ पर आपको हम बता दें बीजेपी से जो है यहाँ पर ऑलरेडी जो माला राज लक्ष्मी शाह हैं वो यहाँ पर लड़ रही हैं बीजेपी से चुनाव, और राजघराने की है, राजघराने का कह सकते हैं दबदबा इस सीट में रहा है। तो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति फिलहाल वहां पर है, ये सुनाते हैं थोड़ा सा पहले आपको क्या कह रहे हैं। और एक वर्ड है जल, सॉरी पानी। तो ये तीनों का रक्षण करना हम जरूर हमारा ये मुख्य मुद्दा रहेगा और उनको रक्षण करने के लिए पूरी कोशिश हम कानून के तहत करेंगे और उनकी हिफाजत करेंगे।
और एक विशेष ये है कि जो पैसा जो पहले से ये कानून है, इस कानून के तहत ये पंचायत में इसको ग्राम सरकार हम बोलते हैं, लेकिन उनको जो अधिकार वहां मिलना है वो नहीं मिलता, तो इसलिए उनको मजबूती से जो कानून के तहत हमारे विलेज पंचायत है, तालुका पंचायत है, जिला पंचायत लेवल पे उसकी मजबूती हम लाएंगे, एक हमने उसी गारंटी में ये रखा। और पांचवी ये उसमें ये है कि ये जो हमारे आदिवासी न्याय केस में कांग्रेस पार्टी द्वारा ये लाए जाने वाले MSP का अधिकार जो कानून है, और उसको जो कानूनी दर्जा देगा वो छोटे वन उपज वालों को भी कवर करेगा, यानी छोटे मोटे जितने भी फॉरेस्ट है या ये है उसको भी उसी तरीके से हम। तो देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि जो है BJP ने तो अपनी लिस्ट जारी कर ही दी थी अपने उम्मीदवारों की, लेकिन तीन उम्मीदवारों की लिस्ट यहाँ पर जारी की थी, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी है, और दूसरी लिस्ट में जो है तीन नाम यहाँ पर सामने आए हैं। तो यहाँ पर टिहरी से आपको बता दें जो माला राजलक्ष्मी शाह है, इनको टक्कर देने के लिए जो यहाँ पर उतारा है कांग्रेस ने जोत सिंह गुनसोला जो है इनका नाम सामने आ रहा है, और गुनसोला जो है उत्तराखंड के आपको बता दें विधानसभा के दो बार सदस्य रह चुके हैं, गुनसोला मधु जो है मसूरी विधानसभा क्षेत्र इसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, मसूरी नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी ये काम कर चुके हैं, और कांग्रेस के भी सदस्य है, क्रिकेट एसोसिएशन के भी पदाधि अध्यक्ष ये है रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर आपको बता दें इन्होंने काफी पद संभाल चुके हैं, याचिका समिति के सदस्य रहे हैं, अधीनस्थ विधान समिति के सदस्य रहे हैं, मसूरी से दूसरी उत्तराखंड विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, बताया जा रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा के लिए मसूरी से चुने गए। तो ये देखिए इन पर ये भरोसा जताया है जोत सिंह गुनसोला पर जो है कांग्रेस ने, और इसमें माला राज्यलक्ष्मी शाह है उनका कह सकते हैं उनका टिकट फाइनली कर दिया है बीजेपी ने, तो अब उनको टक्कर देने के लिए यहाँ पर है। अब देखिए ये राजघराने की सीट यहाँ पर रही है, काफी पुरानी सीट है, राजघराने से जो लोग हैं वो यहाँ से जीतते आ रहे हैं, माला राजलक्ष्मी शाह है वो भी यहाँ से जीतती आ रही है, तो लगातार जो है ये दबदबा जो है राजघराने का वहां पर देखा जाता रहा है, और लोग कहते हैं वहां भगवान मानते हैं वहां के राजा को, क्योंकि बद्रीनाथ के जो कपाट खोलते हैं कहीं ना कहीं वो तिथि वहीं से पूरी निर्धारित होती है। तो ऐसे में एक राज जो टिहरी से जोत सिंह गुनसोला को टिकट मिला है, अल्मोड़ा से हमने आपको बताया प्रदीप जो टमटा है उन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं उनको टिकट मिला है इस बार, और पहले भी वो यहाँ से एक बार जीत चुके हैं, और दूसरा आपको हम बता दें पहली बार जीत चुके हैं, और दूसरा यहाँ पर अजय टमटा को टक्कर देते आ रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि इस बार देखना होगा कि अजय टमटा को कितनी मजबूती से टक्कर दे पाते हैं। अब देखिए जो हमने टिहरी आपको बता दिया, अल्मोड़ा बता दिया, गढ़वाल से जो है लोकसभा के लिए कांग्रेस ने जो भरोसा जताया है गणेश गोदियाल को पर ये भरोसा जताया है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की गणेश गोदियाल को कहां से यहां पर टिकट मिला है वो आपको हम यहां पर बता रहे हैं। तो इस पर हम और भी यहाँ पर चर्चा करेंगे कि भाई क्या इसमें है। तो देखिए इस पर जो भी अपडेट आ रहा है हम आपको लगातार यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए गणेश गोदियाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और PKTC के अध्यक्ष भी यहाँ पर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार आपको हम लाइव यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने अपनी जो लिस्ट है वो जारी यहाँ पर कर दी है, तीन जो लोकसभा सीट है वहां से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी है। हमारे साथ वरिष्ठ जो
कह सकते हैं पत्रकार हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं। जयसिंह जी यहाँ पर जुड़ गए हैं। जयसिंह जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने अपने लोकसभा जो 3 सीटें हैं उत्तराखंड की, वहां पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो गढ़वाल की सीट है वहां से गणेश गोदियाल को, दूसरा टिहरी गढ़वाल से ज्योत सिंह मुनसोला को, और यहाँ पर अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा को। तो एक एक करके हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले गढ़वाल की हम बात कर लेते हैं सर। गढ़वाल में गणेश गोदियाल पर जो है भरोसा जताया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने अभी गढ़वाल की सीट से बीजेपी ने अभी गढ़वाल की सीट से किसी कैंडिडेट को फाइनल अभी तक तो नहीं किया है, जल्द लिस्ट आने की संभावना है। और गढ़वाल की सीट पे हम बात करें तो कांग्रेस की स्थिति की थोड़ा सा वहां पर बात करें तो कैसी क्या है, गणेश गोदियाल वहां से कह सकते हैं इस लोकसभा सीट से पहली बार लड़ने वाले। गणेश गोदियाल की चर्चा पहले से थी, वो वहाँ पर कांग्रेस की तरफ से पहले मनीष खंडूड़ी चुनाव 2019 में लड़ चुके थे जी, लेकिन इस बार उनको टिकट मिलने की संभावना बहुत कम नजर आ रही थी। गणेश गोदियाल का नाम चल रहा था, गणेश गोदियाल खा जी अपनी तैयारी भी की चल रही थी, कुछ दिन पहले इन्होंने की तरफ रैली निकाली थी और ठीक जो भी है वो कर ही रहे थे। दूसरा ये आ रहा कि मनीष खंडूड़ी छोड़ गए थे, कांग्रेस छोड़ गए हैं, बीजेपी में चले गए हैं जी, उसका एक कारण ये भी था कि उसको टिकट मिलने की, हाँ उन्हें मालूम था कि टिकट गणेश गोदियाल को मिलने जा रहा है। तो ये वाली बात है, जहाँ तक अभी और हमने अभी पीछे देखा कि बहुत सारे जो काम थे वो होल्ड करके अंकिता के लिए प्रोटेस्ट करने भी वहां पर चले गए थे क्षेत्र। हाँ, तो और इससे तो कई लोगों के बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी इस सीट को भी कंफर्टेबल मानती है, जिसमें उस सीट पर इनके दावेदार काफी थे, आपके रावत भी पर है, अनिल बलोनी भी इसके लिए कोशिश कर रहे थे, और क्या कहते हैं ब्लैक मेडल ओम प्रकाश राणा है जिन्होंने प्रमोद मिथाइल ड्रॉइंग से बनाई थी, और लोग बीजेपी की तरफ से आ रहे थे, लेकिन अभी समय रोका हुआ है, तो हो सकता है वो देख रहे होंगे कांग्रेस के कैंडिडेट को देख रहे होंगे, लेकिन भले ही समय2002 में जो पहला चुनाव हुआ था तो उसमें थलीसेन से गणेश गोदियाल जीत गए थे, उन्होंने उस समय बहुत बड़े नेता थे, रमेश पोखरियाल निशंक जो है ना अब भी बड़े नेता थे, आज तो वहीं थे, वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उस समय जो संभावित मुख्यमंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, तो वो थलीसेन थे, गणेश गोदियाल ने उनको समय हराया था, वो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, काफी एक्टिव है। दूसरा उन्होंने जो राठ क्षेत्र में अपना यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज खोला है, और जहाँ पे राठ क्षेत्र जो ब्रिटिश गढ़वाल चमोली पौड़ी रुद्रप्रयाग में सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक गिना जाता है, तो वहाँ उसके विकास में उन्होंने अपने बलबूते पर बिना किसी चंदे के वहाँ डिग्री कॉलेज खोला, वहाँ आपके वोकेशनल कुछ ट्रेनिंग वहाँ शुरू करा रहे हैं, बाकी वो एक्टिविटीज करते रहते हैं, लेकिन गणेश गोदियाल को कम मेरे ख्याल से बीजेपी को नहीं आंकना चाहिए। तो गणेश गोदियाल के सामने अभी जो है गढ़वाल से बीजेपी ने फिलहाल किसी कैंडिडेट को नहीं फाइनल किया है, और अभी तक तीरथ सिंह रावत वहां पर लड़ते आ रहे हैं, और क्या लगता है कि गणेश गोदियाल के सामने किसे वहां पर आया जा सकता है, क्योंकि अभी गढ़वाल से कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, तो ये
अपने आप में जिनके नाम आपने गिनाए हैं कोई टक्कर नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, उनका इतना वजूद वजूद नहीं है। हाँ त्रिवेंद्र दे सकते हैं, त्रिवेंद्र दे सकते हैं, क्योंकि त्रिवेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, त्रिवेंद्र का आरएसएस में अच्छी पकड़ है। लेकिन बाकी जो भी लड़ेंगे, राम मंदिर के नाम पर लड़ेंगे, मोदी जी के नाम पर लड़ेंगे, मोदी जी के नाम पर, क्योंकि मोदी मैजिक इस सीट पर काफी है माना जा सकता है, इसीलिए बीजेपी इसको कंफर्टेबल मान रही है। लेकिन लेकिन गणेश गोदियाल को उनको बहुत कम नहीं आंक, मेरे ख्याल से कम आंकना भूल होगी। अच्छा, ये हमने गढ़वाल की बात की, थोड़ा सा बात करते हैं अब अल्मोड़ा पर आ जाते हैं। अल्मोड़ा में अजय टमटा का तो बीजेपी ने नाम फाइनल भी किया है, कांग्रेस की तरफ से प्रदीप टमटा का। तो प्रदीप टमटा तो हम देखते हैं कि एक ही बार सिर्फ इस सीट से जीते हैं लोकसभा चुनाव कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बाकी टाइम हम दो तीन बार देख रहे हैं कि वो हारे ही है। तो इस बार कह सकते हैं एक बार फिर से कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया है हारने के बाद, क्योंकि कांग्रेस सरिता कांग्रेस के पास इनसे बड़ा कोई दमदार कैंडिडेट वहां पर था नहीं। चर्चा तो ये थी कि यशवाल आर्य अगर बोलते बदलते देते तो शायद कांग्रेस की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती वहां पर, अगर यशवाल आर्य जैसे बड़े व्यक्ति को व्यक्तित्व को वहां पर लड़ाते। लेकिन जो आपने कहा कि ये प्रदीप टमटा का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि पहला जो मैंने आपसे कहा 2002 का जो चुनाव था विधानसभा का पहला, उसमें वो चुने गए थे, सोमेश्वर से चुने गए थे एक। दूसरी बात 2009 में वो लोकसभा के लिए चुने गए, 2009 से 14, उसके बाद वो राज्यसभा के लिए भी थे, ठीक है ना। दूसरा वो ये आप ये दलित इंटेलेक्चुअल उनको माना जाता है, लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि माइनस पॉइंट ये है कि जितने सौम्य अजय टमटा हैं उतना इनमें नहीं है, ये थोड़ा सा एक्टिविस्ट टाइप के हैं। और जो अजय टमटा है वो जिसे कहते हैं ना ग्राउंड लेवल के, मतलब बड़ा स्मूथ हो गया, बड़ा सौम्य है, सॉबर है। अब और इनका अजय प्रदीप टमटा का जो मिजाज है थोड़ा एग्रेसिव है ना, इस वजह से भी थोड़ा इनको लोगों से कनेक्ट होने में दिक्कत रही है, संभवतः इसलिए भी वो हारे हैं। जबकि अजय टमटा चाहे उन्होंने कोई काम किया हो या ना किया हो, लेकिन वो सौम्य है, आम आदमी के साथ उनका व्यवहार मिलनसार किस्म के व्यक्ति हैं, इसलिए उनको ले सकते। लेकिन दोनों टमटे वहां के अल्मोड़ा के वो दमदार तो ही है, दोनों के दोनों एक से बढ़कर एक है, उनका उनका जो प्रोफाइल है, दोनों का प्रोफाइल है। अजय टमटा के सामने कोई और उम्मीदवार बेटर है प्रदीप टमटा है, क्योंकि एक बार तो कम से कम जीते हैं, तो कह सकते हैं डूबते को तिनके का सहारा। खैर दूसरा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो राजघराने वाली सीट है टिहरी गढ़वाल की सीट, तो यहाँ पर तो जो महारानी है उनका तो टिकट फाइनल हो गया है। दूसरा यहाँ जोत सिंह बुनसोला, तो आपको लगता है कि राजघराने को टक्कर दे पाएंगे? राजघराने को टक्कर देना टीजी में आज की तारीख भी इतना आसान नहीं है। और अगर आप पिछले 2019 का अब वो आप देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, तो मेरे ख्याल से जो गैप है ना पांचों सीटों में, यहाँ पर टीजी में ज्यादा है। माला राजे लक्ष्मी जी को और जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनके बीच जो मार्जिन का बहुत ज्यादा अंतर है उसमें, एक बात तो यह है। दूसरा उस परिवार को आप ये समझिए कि केवल शुरू में वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए थे। 1951-52 का जो पहला चुनाव था तो राजमाता कमलेंदुमती साहब वहां से चुनाव लड़ी, क्योंकि वो अलग उससे हो गई थी, क्या कहते हैं उन्होंने कहा भाई, क्योंकि राज्य नहीं रह गया था, राजा नहीं रह गए थे, तो उनके दिल में टीस तो थी भाई हम आजाद भारत में, हम लोगों को कुछ नहीं, लेकिन हम राजा है, प्रजा हमारे साथ है। तो उन्होंने चुनाव जीत के दिखाया। कमलेंदुमती साह ने, वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, बल्कि पार्लियामेंट में भी उनका बड़ा वो था, होता था।
तो उसके बाद जो चुनाव हुए जो पहले विधानसभा के उत्तर प्रदेश विधानसभा के, तो इस सीट पर पौड़ी से, तो पौड़ी कंस्टिट्यूएंसी जो लोकसभा की थी वहां से तो कांग्रेस जीती, लेकिन उसका जो टीजी वाली जो कंस्टिट्यूएंसी थी वहां राजा समर्थक निर्दलीय जीत गए, है ना, राज परिवार समर्थक सारे के सारे। फिर कांग्रेस ने कहा कि बिना बिना इनके तो हमारा काम चलेगा नहीं, इसलिए राज परिवार को उन्होंने अपने साथ मिला लिया। और राज परिवार जब जब तक 71 तक जब तक वो नहीं आया, कांग्रेस स्प्लिट हुई ना, सिंडिकेट इंडिकेट जो हुआ इंदिरा गांधी के उसमें है, दूसरा निजलंगपा और लोग वो तो दूसरा वो सिंडिकेट में आ गए थे। तो क्योंकि इंदिरा जी ने उस समय प्रिविपर्स खत्म कर दिया था राजाओं का जो स्टेटस, क्योंकि उनको 71 तक राजाओं का स्टेटस होता था जी। उनको उनका प्रोटोकॉल होता था, सात हमारा जो राजा था टीरी का राजा उसको सात गन 7 गन सल्यूट वाला था, 3 लाख प्रीपीपर्स वाले थे, जबकि हिमाचल में कई राजा ऐसे थे जिनके 40,000, 50,000, 10-20,000 भी प्रीपीपर्स होता था और कोई गन सल्यूट नहीं। तो इतना था ये सारा स्टेटस जब खत्म हुआ, इंदिरा गांधी ने खत्म किया, तो ये राज परिवार दूसरे उसमें चले गए, सिंडिकेट में चले गए। तो राजा साहब जो थे जो निरंतर तब से कांग्रेस से जीतते आ रहे थे 71 तक, मतलब 51 से 57 तक तो राजमाता रही, उसके बाद महाराजा मानवेंद्र साहब, क्योंकि महाराजा मानवेंद्र साहब तो रियल किंग थे, उनको 46 में उनका राज्याभिषेक हो गया था, वो 49 मर्जर तक तो वो रहे। 71 में चुनाव लड़े तो परिपूर्णानंद पैनुली जी ने उनको हरा दिया, ये इंडिकेट इंदिरा कांग्रेस वाले थे। तो तब से वो 20 साल तक राजा साहब राजनीति से दूरी हो गए, उनको बड़ा झटका लगा कि मेरी प्रजा ने मेरे को हरा दिया, है ना। तो 20 साल के बाद जब वो अपियर हुए भी तो बीजेपी के साथ लड़े लड़े तो फिर कभी नहीं हारे, उनको नहीं हरा पाया। हाँ, उनका बेटा और वो था, लेकिन दूसरा बाकी और सीटों की बात करें तो अभी बीजेपी ने हरिद्वार और आपके जो गढ़वाल सीट है वहां से अनाउंस नहीं किए उम्मीदवार, और कांग्रेस ने अभी जो छोड़ा है वो अभी हरिद्वार और एक और सीट जो है नैनीताल नगर। तो कांग्रेस की हम बात करें तो हरिद्वार से और उधर नैनीताल से अजय भट्ट को टक्कर देने के लिए कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं आपके हिसाब से? मतलब हरिद्वार में तो जैसे हम सुन रहे हैं कि कांग्रेस से तो कई दावेदार, मतलब जैसे हरीश रावत का नाम भी एक आता है, हरक सिंह रावत का नाम भी आता है, इस तरह के कैंडिडेट हैं। और दूसरा एक और नाम सामने आ रहा है बीजेपी से, अभी जो हम देख कह रहे हैं एक दो दिन पहले ही जो एक हरियाणा के जो एक नेता है करतार सिंह भडाना वो बीजेपी में आ गए हैं, तो सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि हरिद्वार से में भी सांसद का या फिर उपचुनाव होना है विधानसभा का, उसके लिए वो हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से। तो ये जो है दूसरा हम जो कह रहे हैं कि एक तो गढ़वाल वाली सीट कांग्रेस का तो क्लियर हो गया लेकिन बीजेपी का क्लियर नहीं हुआ है, और दूसरा यहाँ पर हम कमेंट्स देख रहे हैं कि गणेश गोदियाल का नाम अनाउंस होते ही उनको अग्रिम जीत की बधाई देने के कमेंट्स भी लगातार आ रहे हैं। तो अभी से दिख रहा है मतलब लोग खुश है कि कैंडिडेट इस कैंडिडेट से तो कांग्रेस के खुश के बाद आपको हम जो है इस पर चर्चा करेंगे और तीनों जो सीट है उसका प्रोफाइल बताने की पूरी कोशिश यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं कि जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है तो उसमें जो है क्या कुछ, ये देखिए हम आपको लाइव ही यहाँ पर दिखा रहे हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रही है, ये घोषित की थी उसमें पहली गारंटी तो भागीदारी न्याय गारंटी, और कांग्रेस पार्टी इस गारंटी पे राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना का करने की घोषणा हमने की थी, और इससे सामाजिक न्याय मिलेगा और जिन लोग आज तक बहुत से
जो जनता उनके हक थे वो हक उनको नहीं मिला। इसीलिए हमें चाहते हैं कि सबको न्याय मिलने के लिए वो हमने एक भागीदारी न्याय गारंटी अनाउंस की। दूसरी जो है, दूसरी गारंटी किसानों के लिए MSP का हमने अनाउंस किया, और ये फसलों की MSP गारंटी खरीदने का कानून हम बना रहे हैं, इसको लीगलाइज कर रहे हैं। ये एक हमारी गारंटी है। और तीसरी गारंटी युवा न्याय गारंटी, जो युवाओं के लिए हम खास करके जो एम्प्लॉयमेंट में उनको जगह नहीं मिल रही है और 45 साल में इतना बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में हुआ है, और उसके लिए सरकार जिस ढंग से इसको, इस समस्या को सुलझाना चाहिए था वो सुलझा नहीं सके, और बहुत सी बातें करके उन्होंने इसको निपटाने की कोशिश कर रहे। तो एक भर्ती भरोसा, तो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि जो तीन लोकसभा क्षेत्र हैं, लोकसभा सीट है, उनसे कौन कौन जो है यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन नामों का अनाउंस यहाँ पर कर दिया है। तो देखिए, हम यहाँ पर बता देते हैं, टिहरी गढ़वाल से ज्योत सिंह गुनसोला का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। तो ये जो है कैंडिडेट होंगे, लोकसभा के उम्मीदवार रहेंगे गढ़वाल से, और सॉरी टिहरी से। और यहाँ पर दूसरा गढ़वाल से हम बता दें, गढ़वाल से कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल को टिकट मिला है, तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीसरा, अल्मोड़ा की जो सीट है, इस सीट से अजय टमटा को जो टक्कर दे रहे हैं वो है प्रदीप टमटा। तो ये तीन नाम यहाँ पर सामने आ गए हैं। तो आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी की थी उसमें तीन नामों का अनाउंस किया था, जिसमें बता दें गढ़वाल का नाम अभी अनाउंस नहीं हुआ है, हरिद्वार का नहीं हुआ है, टिहरी का, अल्मोड़ा का और नैनीताल उधम सिंह नगर, इन तीन सीटों के पर जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे उसके नाम अनाउंस हो चुके हैं। और अब जो है कांग्रेस की तरफ से तीन नाम यहाँ पर, तीन उम्मीदवारों के नाम अनाउंस यहाँ पर हो चुके हैं, जिसमें टिहरी और गढ़वाल और साथ ही साथ अल्मोड़ा, ये तीन सीट पर साफ साफ आ गया कि भाई ज्योत सिंह गुनसोला टिहरी से रहने वाले हैं, और गढ़वाल से गणेश गोदियाल पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने, और दूसरा अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा। तो ये तीन नाम आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। अब आपको यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं, गणेश गोदियाल जो है कांग्रेस के कह सकते हैं एक वरिष्ठ नेता ही कहलाए जाते हैं, BKTC के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के भी जो है अध्यक्ष यहाँ पर पूर्व प्रदेश के जो है वहां पर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर देखिए, इस सीट की हम बात करें तो बीजेपी से यहाँ पर जो अभी कैंडिडेट है, मतलब जो सांसद अभी रहे हैं, वो तीरथ सिंह रावत है। अब जो है तीरथ सिंह रावत को अपनी टिकट नहीं मिला है इस बार, तो अब गणेश गोदियाल के सामने दूसरा कैंडिडेट कौन होगा बीजेपी की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पर देखिए, एक जो कांग्रेस से पिछले कैंडिडेट रहे हैं वो थे मनीष खंडूरी, जो कि कांग्रेस से अब पिछले दिनों दो चार दिन पहले ही बीजेपी में यहाँ पर शामिल हो गए हैं, लेकिन लग रहा था कि बीजेपी से टिकट मिलेगा या क्या होगा कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से लास्ट टाइम यानी कि जो आखिरी चुनाव था लोकसभा का, वो मनीष खंडूरी ने लड़ा था, और अगर हम वोट के अंतर की बात करें तो 5,06,000 करीब वोट तीरथ सिंह रावत ने जीते थे, तो मनीष खंडूरी ने 2,04,000, यानी करीब 3,00,000 का कह सकते हैं गैप यहाँ पर रहा था। इसके अलावा देखिए, हम 2014 की बात करें तो इसी सीट पर जो है, यानी हम गढ़वाल सीट की बात कर रहे हैं, भुवन चंद्र खंडूरी यहां से चुनाव लड़े थे बीजेपी से, जिन्हें 4,00,000 वोट मिले थे, लेकिन उसके बाद जब आखिरी चुनाव तीरथ सिंह रावत ने लड़ा था तो 5,00,000 वोट मिले थे। कांग्रेस की तरफ से हरक सिंह रावत यहां से लड़े थे, जिनको 2,21,000 वोट मिले थे, वो हार गए थे। BSP से धीर सिंह बिष्ट लड़े थे। और 2009 की भी हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ से 2009 में सतपाल महाराज लड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से तेजपाल सिंह रावत यहाँ से लड़ चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर बीजेपी कह सकते हैं कि
यहाँ पर जीतती आ रही है, लेकिन 2009 में यहाँ से कांग्रेस जीती थी, लेकिन सतपाल महाराज आ गए हैं बीजेपी में। तो देखिए यहाँ पर पिछले दो बार से बीजेपी का दबदबा है और इस बार बीजेपी जीतती या कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए फिलहाल जो अनाउंस हो गया है कि गढ़वाल सीट से यहाँ पर अब जो है बीजेपी के कैंडिडेट को टक्कर देंगे वो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल। गणेश गोदियाल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी यहाँ पर है। तो ये देखिए काफी कह सकते हैं हाईकमान से नजदीक यहाँ पर रहते हैं। दूसरा यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो अल्मोड़ा की सीट है, अल्मोड़ा की थोड़ी सी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अल्मोड़ा से अजय टमटा का तो देखिए बीजेपी ने कर दिया है कि भाई बीजेपी के उम्मीदवार है अजय टमटा, लेकिन अब कांग्रेस की यहाँ पर बात करते हैं तो कांग्रेस ने प्रदीप टमटा जो है उन पर कह सकते हैं कि भरोसा, उन्हें विश्वास जताया है। और प्रदीप टमटा आपको बता दें पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं कई बार, हम अगर पिछले ही चुनाव की बात करें तो पहले भी प्रदीप टमटा ही इस सीट से चुनाव लड़े थे और अजय टमटा ने उन्हें हराया था। अजय टमटा को तब वोट मिले थे 4,44,000, तो प्रदीप टमटा को वोट मिले थे 2,11,000, यानी कि मोटा मोटा देखें तो 3,30,000 का ये वोट परसेंट का ये जो गैप यहाँ पर था ये था, यानी कि 64% वोट थे उनको अजय टमटा को, 30% वोट मिले थे प्रदीप टमटा को। अब देखिए 2019 के और थोड़ा सा पहले चल लेते हैं, 2014 की हम बात कर लेते हैं। तो 2014 में अजय टमटा ही यहाँ से लड़े थे, तो अजय टमटा को यहाँ पर मिले थे 3,48,000 वोट मिले थे, तो यहाँ पर प्रदीप टमटा को 2,52,000 यहाँ पर वोट मिले थे। तो प्रदीप टमटा यानी कि इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके थे, दो बार तो ही लड़ चुके हैं। हम थोड़ा और पीछे चल लेते हैं 2014 से और पहले 2009 में आ जाते हैं। तो 2009 का आपको हम बता देते हैं, 2009 में प्रदीप टमटा लड़े थे तो वो जीते थे, 2009 में प्रदीप टमटा यहाँ से जीते थे 2,02,228 वोटों से और अजय टमटा को उन्होंने हराया था, अजय टमटा को वोट मिले थे 1,95,705। मतलब परसेंट में आप देखें तो 41% कांग्रेस को थे और बीजेपी को 40%, यानी 1% की वजह से अजय टमटा हार गए थे। अब देखिए 2004 में यहाँ पर बीजेपी जीती थी, तब यहाँ से ना तो अजय टमटा लड़े थे और ना ही प्रदीप टमटा यहाँ पर लड़े थे। यहाँ पे बीजेपी से बची सिंह रावत और कांग्रेस से रेणुका रावत और यूकेडी से काशी सिंह एरी यहाँ से लड़े थे, तो बची सिंह रावत यहाँ पर जीत गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे यहाँ पे पहला चुनाव हुआ था वहां पर बीजेपी जीती, फिर कांग्रेस जीतती है और फिर बीजेपी जीतती है, फिर बीजेपी जीतती है और फिर बीजेपी, यानी कि तीन बार से यहाँ पर बीजेपी जीतती आ रही है और एक बार कांग्रेस इस सीट से यहाँ पर जीती है। तो देखिए ये हमने आपको बताया कि किस तरह से जो कह सकते हैं आपकी अल्मोड़ा की जो सीट है वहां से अजय टमटा के सामने जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो है प्रदीप टमटा। अब दूसरा देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं जो टिहरी लोकसभा सीट है यहाँ से जोत सिंह गुनसोला का नाम सामने आ रहा है, जोत सिंह गुनसोला और बीजेपी से जो है यहाँ पर आपको हम बता दें बीजेपी से जो है यहाँ पर ऑलरेडी जो माला राज लक्ष्मी शाह हैं वो यहाँ पर लड़ रही हैं बीजेपी से चुनाव और राजघराने की है, राजघराने का कह सकते हैं दबदबा इस सीट में रहा है। तो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति फिलहाल वहां पर है, ये सुनाते हैं थोड़ा सा पहले आपको क्या कह रहे हैं। और एक वर्ड है जल, सॉरी पानी। तो ये तीनों का रक्षण करना हम जरूर हमारा ये मुख्य मुद्दा रहेगा और उनको रक्षण करने के लिए पूरी कोशिश हम कानून के तहत करेंगे और उनकी हिफाजत करेंगे। और एक विशेष ये है कि जो पैसा जो पहले से एक कानून है, इस कानून के तहत ये पंचायत में इसको ग्राम सरकार हम बोलते हैं, लेकिन उनको जो अधिकार पा मिलना है वो नहीं मिलता, तो इसलिए उनको मजबूती से जो कानून के तहत हमारे विलेज पंचायत है, तालुका पंचायत है, जिला पंचायत लेवल पे उसकी मजबूती हम
लाएंगे, एक हमने उसी गारंटी में ये रखा। अब पांचवी ये उसमें ये है कि ये जो हमारे आदिवासी न्याय केस में कांग्रेस पार्टी द्वारा ये लाए जाने वाले MSP का अधिकार जो कानून है और उसको जो कानूनी दर्जा देगा वो छोटे वन उपज वालों को भी कवर करेगा, यानी छोटे मोटे जितने भी फॉरेस्ट है या ये है उसको भी उसी तरीके से हम। तो देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि जो है बीजेपी ने तो अपनी लिस्ट जारी कर ही दी थी अपने उम्मीदवारों की, लेकिन तीन उम्मीदवारों की लिस्ट यहाँ पर जारी की थी, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट में जो है तीन नाम यहाँ पर सामने आए हैं। तो यहाँ पर टिहरी से आपको बता दें जो माला राजलक्ष्मी शाह है इनको टक्कर देने के लिए जो यहाँ पर उतारा है कांग्रेस ने ज्योत सिंह गुनसोला जो है इनका नाम सामने आ रहा है, और गुनसोला जो है उत्तराखंड के आपको बता दें विधानसभा के दो बार सदस्य रह चुके हैं, गुनसोला मधु जो है मसूरी विधानसभा क्षेत्र इसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, मसूरी नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी ये काम कर चुके हैं और कांग्रेस के भी सदस्य है, क्रिकेट एसोसिएशन के भी पदाधिकारी अध्यक्ष ये है रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर आपको बता दें इन्होंने काफी पद संभाल चुके हैं, याचिका समिति के सदस्य रहे, अधीनस्थ विधान समिति के सदस्य रहे हैं, मसूरी से दूसरी उत्तराखंड विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, बताया जा रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा के लिए मसूरी से चुने गए। तो ये देखिए इन पर ये भरोसा जताया है ज्योत सिंह गुनसोला पर जो है कांग्रेस ने, और इसमें माला राज्यलक्ष्मी शाह है उनका कह सकते हैं उनका टिकट फाइनली कर दिया है बीजेपी ने, तो अब उनको टक्कर देने के लिए यहाँ पर है। अब देखिए ये राजघराने की सीट यहाँ पर रही है, काफी पुरानी सीट है, राजघराने से जो लोग हैं वो यहाँ से जीतते आ रहे हैं, माला राजलक्ष्मी शाह है वो भी यहाँ से जीतती आ रही है, तो लगातार जो है ये दबदबा जो है राजघराने का वहां पर देखा जाता रहा है और लोग कहते हैं वहां भगवान मानते हैं वहां के राजा को, क्योंकि बद्रीनाथ के जो कपाट खोलते हैं कहीं ना कहीं वो तिथि वहीं से पूरी निर्धारित होती है। तो ऐसे में एक राज जो टिहरी से ज्योत सिंह गुनसोला को टिकट मिला है, अल्मोड़ा से हमने आपको बताया प्रदीप जो टमटा है उन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं उनको टिकट मिला है इस बार, और पहले भी वो यहाँ से एक बार जीत चुके हैं, और दूसरा आपको बता दें पहली बार जीत चुके हैं और दूसरा यहाँ पर अजय टमटा को टक्कर दे जा रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि इस बार देखना होगा कि अजय टमटा को कितनी मजबूती से टक्कर दे पाते हैं। अब देखिए जो हमने टिहरी आपको बता दिया, अल्मोड़ा बता दिया, गढ़वाल से जो है लोकसभा के लिए कांग्रेस ने जो भरोसा जताया है गणेश गोदियाल को पर ये भरोसा जताया है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की गणेश गोदियाल को कहां से यहां पर टिकट मिला है वो आपको हम यहां पर बता रहे हैं। तो इस पर हम और भी यहाँ पर चर्चा करेंगे कि भाई क्या इसमें है। तो देखिए इस पर जो भी अपडेट आ रहा है हम आपको लगातार यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए गणेश गोदियाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और PKTC के अध्यक्ष भी यहाँ पर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार आपको हम लाइव यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने अपनी जो लिस्ट है वो जारी यहाँ पर कर दी है, तीन जो लोकसभा सीट है वहां से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी है। हमारे साथ वरिष्ठ जो कह सकते हैं पत्रकार हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं, जयसिंह जी यहाँ पर जुड़ गए हैं। जयसिंह जी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस ने अपने लोकसभा जो तीन सीटें हैं उत्तराखंड की वहां पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो गढ़वाल की सीट है वहां से गणेश गोदियाल को, दूसरा टिहरी गढ़वाल से ज्योत सिंह गुनसोला को, और यहाँ पर अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा को। तो एक एक करके हम थोड़ा सा आपसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले गढ़वाल की हम बात कर लेते हैं सर, गढ़वाल में गणेश गोदियाल पर जो है भरोसा जताया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने अभी गढ़वाल की सीट से
सॉरी बीजेपी ने अभी गढ़वाल की सीट से किसी कैंडिडेट को फाइनल अभी तक तो नहीं किया है, जल्द लिस्ट आने की संभावना है। और गढ़वाल की सीट पे हम बात करें तो कांग्रेस की स्थिति की थोड़ा सा वहां पर बात करें तो कैसी क्या है, गणेश गोदियाल वहां से कह सकते हैं इस लोकसभा सीट से पहली बार लड़ने वाले। कांग्रेस की तरफ से पहले मनीष खंडूड़ी चुनाव 2019 में लड़ चुके थे जी, लेकिन इस बार उनको टिकट मिलने की संभावना बहुत कम नजर आ रही थी। गणेश गोदियाल का नाम चल रहा था, गणेश गोदियाल खाली अपनी तैयारी भी उनकी चल रही थी, कुछ दिन पहले इन्होंने गैसा की तरफ रैली निकाली थी और सिख जो भी है वो बहुत कर ही रहे थे। दूसरा ये आ रहा कि मनीष खंडूड़ी छोड़ गए थे, कांग्रेस छोड़ गए हैं, बीजेपी में चले गए हैं जी, उसका एक कारण ये भी था कि उसको टिकट मिलने की यहाँ उन्हें मालूम था कि टिकट गणेश गोदियाल को मिलने जा रहा है। तो ये वाली बात है, जहाँ तक अभी पौड़ी से जो चर्चा नाम आ रही है, और हमने अभी पीछे देखा कि बहुत सारे जो काम थे वो होल्ड करके अंकिता के लिए प्रोटेस्ट करने भी वहां पर चले गए थे। जो चुनाव था 2002 में जो पहला चुनाव हुआ था तो उसमें थलीसेन से गणेश गोदियाल जीत गए थे। उन्होंने उस समय बहुत बड़े नेता थे, रमेश पोखरियाल निशंक जो है ना, अब भी बड़े नेता थे, आज तो वही एक है, वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उस समय जो संभावित मुख्यमंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, तो वो थलीसेन थे, गणेश गोदियाल ने उनको समय हराया था। वो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, काफी एक्टिव हैं। दूसरा उन्होंने जो राठ क्षेत्र में अपना यूनिवर्सिटी वो डिग्री कॉलेज खोला है, और जहाँ पे राठ क्षेत्र जो ब्रिटिश गढ़वाल चमोली पौड़ी रुद्रप्रयाग में सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक गिना जाता है, तो वहाँ उसके विकास में उन्होंने अपने बलबूते पर बिना किसी चंदे के वहाँ डिग्री कॉलेज खोला, वहाँ आपके वोकेशनल कुछ ट्रेनिंग वहाँ शुरू करा रही हैं, बाकी वो एक्टिविटीज करते रहते हैं। लेकिन गणेश गोदियाल को कम मेरे ख्याल से बीजेपी को नहीं आंकना चाहिए। तो गणेश गोदियाल के सामने अभी जो है गढ़वाल से बीजेपी ने फिलहाल किसी कैंडिडेट को नहीं फाइनल किया है, और अभी तक तीरथ सिंह रावत वहां पर लड़ते आ रहे हैं। और क्या लगता है कि गणेश गोदियाल के सामने किसे वहां पर आया जा सकता है, क्योंकि अभी गढ़वाल से कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, तो कौन, क्योंकि सुनने में आ रहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दावा कर रहे हैं वहां से, मतलब वो भी जा रहे हैं, इस तरह के और भी नाम है, दीप्ति रावत भारद्वाज का नाम भी सामने आ रहा है, बलूनी का भी सामने आ रहा है, तो इन सब में से कौन आपको लगता है गणेश गोदियाल को टक्कर दे सकता है? ये अपने आप में जिनके नाम आपने गिनाए हैं कोई टक्कर नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, उनका इतना वजूद नहीं है। हाँ त्रिवेंद्र दे सकते हैं, त्रिवेंद्र दे सकते हैं, क्योंकि त्रिवेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, त्रिवेंद्र का आरएसएस में अच्छी पकड़ है, और इससे सामाजिक न्याय मिलेगा, और जिन लोग आज तक बहुत से
जो जनता उनके हक थे वो हक उनको नहीं मिला। इसीलिए हमें चाहते हैं कि सबको न्याय मिलने के लिए वो हमने एक भागीदारी न्याय गारंटी अनाउंस की। दूसरी जो है, दूसरी गारंटी किसानों के लिए MSP का हमने अनाउंस किया और ये फसलों की MSP गारंटी खरीदने का कानून हम बना रहे हैं, इसको लीगलाइज कर रहे हैं। ये एक हमारी गारंटी है। और तीसरी गारंटी युवा न्याय गारंटी, जो युवाओं के लिए हम खास करके जो एम्प्लॉयमेंट में उनको जगह नहीं मिल रही है और 45 साल में इतना बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में हुआ है और उसके लिए सरकार जिस ढंग से इसको, इस समस्या को सुलझाना चाहिए था वो सुलझा नहीं सके और बहुत सी बातें करके उन्होंने इसको निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक भर्ती भरोसा, तो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि जो तीन लोकसभा क्षेत्र हैं, लोकसभा सीट हैं, उनसे कौन कौन जो है यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन नामों का अनाउंस यहाँ पर कर दिया है। तो देखिए, हम यहाँ पर बता देते हैं, टिहरी गढ़वाल से जोत सिंह गुनसोला का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। तो ये जो है कैंडिडेट होंगे, लोकसभा के उम्मीदवार रहेंगे गढ़वाल से, और सॉरी टिहरी से। और यहाँ पर दूसरा गढ़वाल से हम बता दें, गढ़वाल से कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल को टिकट मिला है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तीसरा, अल्मोड़ा की जो सीट है, इस सीट से अजय टमटा को जो टक्कर दे रहे हैं वो है प्रदीप टमटा। तो ये तीन नाम यहाँ पर सामने आ गए हैं। तो आपको बताने से पहले, बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी की थी उसमें तीन नामों का अनाउंस किया था, जिसमें बता दें गढ़वाल का नाम अभी अनाउंस नहीं हुआ है, हरिद्वार का नहीं हुआ है, टिहरी का, अल्मोड़ा का और नैनीताल उधम सिंह नगर, इन तीन सीटों के पर जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे उसके नाम अनाउंस हो चुके हैं। और अब जो है कांग्रेस की तरफ से तीन नाम यहाँ पर, तीन उम्मीदवारों के नाम अनाउंस यहाँ पर हो चुके हैं, जिसमें टिहरी और गढ़वाल और साथ ही साथ अल्मोड़ा, ये तीन सीट पर साफ साफ आ गया कि भाई जोत सिंह गुनसोला टिहरी से रहने वाले हैं और गढ़वाल से गणेश गोदियाल पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने, और दूसरा अल्मोड़ा से प्रदीप टम। तो ये तीन नाम आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। अब आपको यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं, गणेश गोदियाल जो है कांग्रेस के कह सकते हैं कि वरिष्ठ नेता ही कहलाए जाते हैं, BKTC के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के भी जो है अध्यक्ष यहाँ पर पूर्व प्रदेश के जो है वहां पर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर देखिए, इस सीट की हम बात करें तो बीजेपी से यहाँ पर जो अभी कैंडिडेट है, मतलब जो सांसद अभी रहे हैं, वो तीरथ सिंह रावत हैं। अब जो है तीरथ सिंह रावत को अपनी टिकट नहीं मिला है इस बार। तो अब गणेश गोदियाल के सामने दूसरा कैंडिडेट कौन होगा बीजेपी की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पर देखिए, एक जो कांग्रेस से पिछले कैंडिडेट रहे हैं वो थे मनीष खंडूरी, जो कि कांग्रेस से अब पिछले दिनों, 2-4 दिन पहले ही बीजेपी में यहाँ पर शामिल हो गए हैं। लेकिन लग रहा था कि बीजेपी से टिकट मिलेगा या क्या होगा कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से लास्ट टाइम, यानी कि जो आखिरी चुनाव था लोकसभा का, वो मनीष खंडूरी ने लड़ा था। और अगर हम वोट के अंतर की बात करें तो 5,06,000 करीब वोट तीरथ सिंह रावत ने जीते थे, तो मनीष खंडूरी ने 2,04,000, यानी करीब 3,00,000 का कह सकते हैं गैप यहाँ पर रहा था। इसके अलावा देखिए, हम 2014 की बात करें तो इसी सीट पर जो है, यानी हम गढ़वाल सीट की बात कर रहे हैं, भुवन चंद्र खंडूरी यहां से चुनाव लड़े थे बीजेपी से, जिन्हें 4,00,000 वोट मिले थे। लेकिन उसके बाद जब आखिरी चुनाव तीरथ सिंह रावत ने लड़ा था तो 5,00,000 वोट मिले थे। कांग्रेस की तरफ से हरक सिंह रावत यहां से लड़े थे, जिनको 2,21,000 वोट मिले थे, वो हार गए थे। BSP से धीर सिंह बिष्ट लड़े थे। और 2009 की भी हम बात कर लेते हैं तो यहाँ से 2009 में सतपाल महाराज लड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से तेजपाल सिंह रावत यहाँ से लड़ चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर बीजेपी कह सकते हैं कि
यहाँ पर जीतती आ रही है, लेकिन 2009 में यहाँ से कांग्रेस जीती थी, लेकिन सतपाल महाराज आ गए हैं बीजेपी में। तो देखिए यहाँ पर पिछले दो बार से बीजेपी का दबदबा है और इस बार बीजेपी जीतती या कांग्रेस ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए फिलहाल जो अनाउंस हो गया है कि गढ़वाल सीट से यहाँ पर अब जो है बीजेपी के कैंडिडेट को टक्कर देंगे वो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल। गणेश गोदियाल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, CWC के मेंबर भी यहाँ पर है। तो ये देखिए काफी कह सकते हैं हाईकमान से नजदीक यहाँ पर रहते हैं। दूसरा यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो अल्मोड़ा की सीट है, अल्मोड़ा की थोड़ी सी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अल्मोड़ा से अजय टमटा का तो देखिए बीजेपी ने कर दिया है कि भाई बीजेपी के उम्मीदवार है अजय टमटा, लेकिन अब कांग्रेस की यहाँ पर बात करते हैं तो कांग्रेस ने प्रदीप टमटा जो है उन पर कह सकते हैं कि भरोसा पूर्ण विश्वास जताया है। और प्रदीप टमटा आपको बता दें पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं कई बार, हम अगर पिछले ही चुनाव की बात करें तो पहले भी प्रदीप टमटा ही इस सीट से चुनाव लड़े थे और अजय टमटा ने उन्हें हराया था। अजय टमटा को तब वोट मिले थे 4,44,000, तो प्रदीप टमटा को वोट मिले थे 2,11,000, यानी कि मोटा मोटा देखे तो 3,30,000 का ये वोट परसेंट का ये जो गैप यहाँ पर था ये था, यानी कि 64% वोट थे उनको अजय टमटा को, 30% वोट मिले थे प्रदीप टमटा को। अब देखिए 2019 के और थोड़ा सा पहले चल लेते हैं, 2014 की हम बात कर लेते हैं, तो 2014 में अजय टमटा ही यहां से लड़े थे, तो अजय टमटा को यहां पर मिले थे 3,48,000 वोट मिले थे, तो यहां पर प्रदीप टमटा को 2,52,000 यहां पर वोट मिले थे। तो प्रदीप टमटा यानी कि इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके थे, दो बार तो ही लड़ चुके हैं। हम थोड़ा और पीछे चल लेते हैं 2014 से और पहले 2009 में आ जाते हैं, तो 2009 का आपको हम बता देते हैं। 2009 में प्रदीप टमटा लड़े थे तो वो जीते थे, 2009 में प्रदीप टमटा यहां से जीते थे 2,02,228 वोटों से और अजय टमटा को उन्होंने हराया था, अजय टमटा को वोट मिले थे 1,95,705। मतलब परसेंट में आप देखें तो 41% कांग्रेस को थे और बीजेपी को 40%, यानी 1% की वजह से अजय टमटा हार गए थे। अब देखिए 2004 में यहाँ पर बीजेपी जीती थी, तब यहाँ से ना तो अजय टमटा लड़े थे और ना ही प्रदीप टमटा यहाँ पर लड़े थे। यहाँ पे बीजेपी से बची सिंह रावत और कांग्रेस से रेणुका रावत और यूकेडी से काशी सिंह ऐरी यहाँ से लड़े थे, तो बची सिंह रावत यहाँ पर जीत गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे यहाँ पे पहला चुनाव हुआ था वहां पर बीजेपी जीती, फिर कांग्रेस जीतती है और फिर बीजेपी जीतती है, फिर बीजेपी जीतती है और फिर बीजेपी, यानी कि तीन बार से यहाँ पर बीजेपी जीतती आ रही है और एक बार कांग्रेस इस सीट से यहाँ पर जीती है। तो देखिए ये हमने आपको बताया कि किस तरह से जो कह सकते हैं आपकी अल्मोड़ा की जो सीट है वहां से अजय टमटा के सामने जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो है प्रदीप टमटा। अब दूसरा देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं जो टिहरी लोकसभा सीट है यहाँ से जोत सिंह गुनसोला का नाम सामने आ रहा है, जोत सिंह गुनसोला और बीजेपी से जो है यहाँ पर आपको हम बता दें बीजेपी से जो है यहाँ पर ऑलरेडी जो माला राज लक्ष्मी शाह हैं वो यहाँ पर लड़ रही हैं बीजेपी से चुनाव और राजघराने की है, राजघराने का कह सकते हैं दबदबा इस सीट में रहा है। तो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति फिलहाल वहां पर है, ये सुनाते हैं थोड़ा सा पहले आपको क्या कह रहे हैं। और एक वर्ड है जल, सॉरी पानी। तो ये तीनों का रक्षण करना हम जरूर हमारा ये मुख्य मुद्दा रहेगा और उनको रक्षण करने के लिए पूरी कोशिश हम कानून के तहत करेंगे और उनकी हिफाजत करेंगे। और एक विशेष ये है कि जो पैसा जो पहले से ये कानून है, इस कानून के तहत ये पंचायत में इसको ग्राम सरकार हम बोलते हैं, लेकिन उनको जो अधिकार वहां मिलना है वो नहीं मिलता, तो इसलिए उनको मजबूती से जो कानून के तहत हमारे विलेज पंचायत है, तालुका पंचायत है, जिला पंचायत लेवल पे उसकी मजबूती हम
लाएंगे, एक हमने उसी गारंटी में ये रखा। और पांचवी ये उसमें ये है कि ये जो हमारे आदिवासी न्याय केस में कांग्रेस पार्टी द्वारा ये लाए जाने वाले MSP का अधिकार जो कानून है और उसको जो कानूनी दर्जा देगा वो छोटे वन उपज वालों को भी कवर करेगा, यानी छोटे मोटे जितने भी फॉरेस्ट है या ये है उसको भी उसी तरीके से हम। तो देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि जो है बीजेपी ने तो अपनी लिस्ट जारी कर ही दी थी अपने उम्मीदवारों की, लेकिन तीन ही उम्मीदवारों की लिस्ट यहाँ पर जारी की थी, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट में जो है तीन नाम यहाँ पर सामने आए हैं। तो यहाँ पर टिहरी से आपको बता दें जो माला राजलक्ष्मी शाह है इनको टक्कर देने के लिए जो यहाँ पर उतारा है कांग्रेस ने ज्योत सिंह गुनसोला जो है इनका नाम सामने आ रहा है। और गुनसोला जो है उत्तराखंड के आपको बता दें विधानसभा के दो बार सदस्य रह चुके हैं, गुनसोला मध्य जो है मसूरी विधानसभा क्षेत्र है इसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, मसूरी नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी ये काम कर चुके हैं और कांग्रेस के भी सदस्य है, क्रिकेट एसोसिएशन के भी पदाधिकारी अध्यक्ष ये है और रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर आपको बता दें इन्होंने काफी पद संभाल चुके हैं, याचिका समिति के सदस्य रहे, अधीनस्थ विधान समिति के सदस्य रहे हैं, मसूरी से दूसरी उत्तराखंड विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, बताया जा रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा के लिए मसूरी से चुने गए। तो ये देखिए इन पर ये भरोसा जताया है ज्योत सिंह गुनसोला पर जो है कांग्रेस ने, और इसमें माला राज्यलक्ष्मी शाह है उनका कह सकते हैं उनका टिकट फाइनली कर दिया है बीजेपी ने, तो अब उनको टक्कर देने के लिए यहाँ पर है। अब देखिए ये राजघराने की सीट यहाँ पर रही है, काफी पुरानी सीट है, राजघराने से जो लोग हैं वो यहाँ से जीतते आ रहे हैं, जो माला राजलक्ष्मी शाह है वो भी यहाँ से जीतती आ रही है। तो लगातार जो है ये दबदबा जो है राजघराने का वहां पर देखा जाता रहा है और लोग कहते हैं वहां भगवान मानते हैं वहां के राजा को, क्योंकि बद्रीनाथ के जो कपाट खोलते हैं कहीं ना कहीं वो तिथि वहीं से पूरी निर्धारित होती है। तो ऐसे में एक राज जो टिहरी से ज्योत सिंह गुनसोला को टिकट मिला है, अल्मोड़ा से हमने आपको बताया प्रदीप जो टमटा है उन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं उनको टिकट मिला है इस बार और पहले भी वो यहाँ से एक बार जीत चुके हैं। और दूसरा आपको हम बता दें पहली बार जीत चुके हैं और दूसरा यहाँ पर अजय टमटा को टक्कर देते आ रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि इस बार देखना होगा कि अजय टमटा को कितनी मजबूती से टक्कर दे पाते हैं। अब देखिए जो हमने टिहरी आपको बता दिया, अल्मोड़ा बता दिया, गढ़वाल से जो है लोकसभा के लिए कांग्रेस ने जो भरोसा जताया है गणेश गोदियाल को पर ये भरोसा जताया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की गणेश गोदियाल को कहां से यहां पर टिकट मिला है वो आपको हम यहां पर बता रहे हैं। तो इस पर हम और भी यहां पर चर्चा करेंगे कि भाई क्या इसमें है। तो देखिए इस पर जो भी अपडेट आ रहा है हम आपको लगातार यहां पर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए गणेश गोदियाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और PKTC के अध्यक्ष भी यहाँ पर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार लाइव यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने अपनी जो लिस्ट है वो जारी यहाँ पर कर दी है। तीन जो लोकसभा सीट है वहां से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी है। हमारे साथ वरिष्ठ जो कह सकते हैं पत्रकार हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं, जयसिंह जी यहाँ पर जुड़ गए हैं। जयसिंह जी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस ने अपने लोकसभा जो तीन सीटें हैं उत्तराखंड की वहां पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो गढ़वाल की सीट है वहां से गणेश गोदियाल को, दूसरा टिहरी गढ़वाल से ज्योत सिंह गुनसोला को और यहाँ पर अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा को। तो एक एक सबसे पहले गढ़वाल की हम बात कर लेते हैं सर, गढ़वाल में
गणेश गोदियाल पर जो है भरोसा जताया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने भी गढ़वाल की सीट से बीजेपी ने भी गढ़वाल की सीट से किसी कैंडिडेट को फाइनल अभी तक तो नहीं किया है, जल्द लिस्ट आने की संभावना है। और गढ़वाल की सीट पे हम बात करें तो कांग्रेस की स्थिति की थोड़ा सा वहां पर बात करें तो कैसी क्या है, गणेश गोदियाल वहां से कह सकते हैं इस लोकसभा सीट से पहली बार लड़ने वाले? गणेश गोदियाल की चर्चा पहले से थी, वहाँ पर कांग्रेस की तरफ से पहले मनीष खंडूड़ी चुनाव 2019 में लड़ चुके थे जी, लेकिन इस बार उनको टिकट मिलने की संभावना बहुत कम नजर आ रही थी। गणेश गोदियाल का नाम चल रहा था, गणेश गोदियाल देखा जाए अपनी तैयारियां भी उनकी चल रही थी, कुछ दिन पहले इन्होंने गैसा की तरफ रैली निकाली थी और ठीक जो भी है वो कर ही रहे थे। दूसरा ये आ रहा कि मनीष खंडूड़ी छोड़ गए थे, कांग्रेस छोड़ गए हैं, बीजेपी में चले गए हैं जी, उसका एक कारण ये भी था कि उसको टिकट मिलने की यहाँ उन्हें मालूम था कि टिकट गणेश गोदियाल को मिलने जा रहा है। तो ये वाली बात है, जहाँ तक अभी पौड़ी से और हमने अभी पीछे देखा कि बहुत सारे जो काम थे वो होल्ड करके अंकिता के लिए प्रोटेस्ट करने भी वहां पर चले गए थे क्षेत्र। हाँ, तो और इससे तो कई लोगों के बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी इस सीट को भी कंफर्टेबल मानती है जिसमें उस सीट पर इनके दावेदार काफी थे, आपके रावत भी इस पर है, अनिल बलोनी भी इसके लिए कोशिश कर रहे थे, और क्या कहते हैं एडमिरल ओम प्रकाश राणा है जिन्होंने प्रमुख मिसाइल और वाइट बनाई थी, और लोग बीजेपी की तरफ से आ रहे थे, लेकिन अभी समय रोका हुआ है, तो हो सकता है वो इसकी देख रहे होंगे काफी कैंडिडेट को देख रहे होंगे, लेकिन भले ही समय जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, कॉल काट दीजिए। जो चुनाव हाँ 2002 में जो पहला चुनाव हुआ था तो उसमें थलीसेन से गणेश गोदियाल जीत गए थे, उन्होंने उस समय बहुत बड़े नेता थे, रमेश पोखरियाल निशंक जो है ना अब भी बड़े नेता थे, आज तो वहीं एक है, वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उस समय जो संभावित मुख्यमंत्री थे रमेश निशंक, तो वो थलीसेन थे, गणेश गोदियाल ने उनको समय हराया था, वो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, काफी एक्टिव हैं। दूसरा उन्होंने जो राठ क्षेत्र में अपना यूनिवर्सिटी वो डिग्री कॉलेज खोला है, और जानते राठ क्षेत्र जो ब्रिटिश गढ़वाल चमोली पौड़ी रुद्रप्रयाग में सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक गिना जाता है, तो वहाँ उसके विकास में उन्होंने अपने बलबूते पर बिना किसी चंदे के वहाँ डिग्री कॉलेज खोला, वहाँ आपके वोकेशनल कुछ ट्रेनिंग वहाँ शुरू करा रहे हैं, बाकी वो एक्टिविटीज करते रहते हैं, लेकिन गणेश गोदियाल को कम मेरे ख्याल से बीजेपी को नहीं आंकना चाहिए। तो गणेश गोदियाल के सामने अभी जो है गढ़वाल से बीजेपी ने फिलहाल किसी कैंडिडेट को नहीं फाइनल किया है, और अभी तक तीरथ सिंह रावत वहां पर लड़ते आ रहे हैं, और क्या लगता है कि गणेश गोदियाल के सामने किसे वहां पर आया जा सकता है, क्योंकि अभी गढ़वाल से कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, तो कौन क्योंकि सुनने में आ रहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दावा कर रहे हैं वहां से, मतलब वो भी जा रहे हैं, इस तरह के और भी नाम है, दीप्ति रावत भारद्वाज का नाम भी सामने आ रहा है, बलूनी का भी सामने आ रहा है, तो इन सब में से कौन आपको लगता है गणेश गोदियाल को टक्कर दे सकता है? ये अपने आप में जिनके नाम आपने गिनाए हैं कोई टक्कर नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, उनका इतना वजूद नहीं है। हाँ त्रिवेंद्र दे सकते हैं क्योंकि त्रिवेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, त्रिवेंद्र का आरएसएस में अच्छी पकड़ है, लेकिन बाकी जो भी लड़ेंगे राम मंदिर के नाम पर लड़ेंगे या मोदी जी के नाम पर लड़ेंगे, मोदी जी के नाम पर, क्योंकि मोदी मैजिक इस सीट पर काफी है माना जा सकता है, इसीलिए बीजेपी इसको कंफर्टेबल मान रही है, लेकिन
लेकिन गणेश गोदियाल को हमको बहुत कम नहीं आंक, मेरे ख्याल से कम आंक ना भूल होगी। अच्छा, ये हमने गढ़वाल की बात की, थोड़ा सा बात करते हैं अब अल्मोड़ा पर आ जाते हैं। अल्मोड़ा में अजय टमटा का तो बीजेपी ने नाम फाइनली किया है, कांग्रेस की तरफ से प्रदीप टमटा का। तो प्रदीप टमटा तो हम देखते हैं कि एक ही बार सिर्फ इस सीट से जीते हैं लोकसभा चुनाव कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बाकी टाइम हम दो तीन बार देखे देख रहे हैं कि वो हारे ही है। तो इस बार कह सकते हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया है हारने के बाद, क्योंकि कांग्रेस संहिता कांग्रेस के पास इनसे बड़ा कोई दमदार कैंडिडेट वहां पर था नहीं। चर्चा तो ये थी कि यशवाल आर्य अगर बोलते बदलते देते तो शायद कांग्रेस की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती वहां पर, अगर यशवाल आर्य जैसे बड़े व्यक्ति को व्यक्तित्व को वहां पर लड़ाते। लेकिन जो आपने कहा कि ये प्रदीप चमटा का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि पहला जो मैंने आपसे कहा 2002 का जो चुनाव था विधानसभा का पहला, उसमें वो चुने गए थे, सोमेश्वर से चुने गए थे एक। दूसरी बात 2009 में वो लोकसभा के लिए चुने गए 2009 से 2014, उसके बाद वो राज्यसभा के लिए भी थे, ठीक है ना। दूसरा वो ये आप ये दलित इंटेलेक्चुअल उनको माना जाता है, लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि माइनस पॉइंट ये है कि जितने सौम्य अजय टमटा हैं उतना इनमें नहीं है, ये थोड़ा सा एक्टिविस्ट टाइप के हैं। और जो अजय टमटा है वो जिसे कहते हैं ना ग्राउंड लेवल के, मतलब बड़ा स्मूथ हो गया, बड़ा सौम्य है, सॉबर है। अब और इनका अजय प्रदीप टमटा का जो मिजाज है थोड़ा एग्रेसिव है ना, इस वजह से भी थोड़ा इनको लोगों से कनेक्ट होने में दिक्कत रही है, संभवतः इसलिए भी वो हारे हैं। जबकि अजय टमटा क्या उनका उन्होंने कोई काम किया हो या ना किया हो, लेकिन वो सौम्य है, आम आदमी के साथ उनका व्यवहार मिलनसार किस्म के व्यक्ति हैं, इसलिए उनको ले सर। लेकिन दोनों टमटे वहां के अल्मोड़ा के वो दमदार तो नहीं है, दोनों के दोनों एक से बढ़कर एक है उनके, उनका जो प्रोफाइल है दोनों का प्रोफाइल है। अजय टमटा के सामने कोई और उम्मीदवार बेटर है प्रदीप टमटा है, क्योंकि एक बार तो कम से कम जीते हैं तो कह सकते हैं डूबते को तिनके का सहारा। खैर, दूसरा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो राजघराने वाली सीट है टिहरी गढ़वाल की सीट, तो यहाँ पर तो जो महारानी है उनका तो टिकट फाइनल हो गया है। दूसरा यहाँ जोत सिंह गुनसोला, तो आपको लगता है कि राजघराने को टक्कर दे पाएंगे? राजघराने को टक्कर देना टिहरी में आज की तारीख भी इतना आसान नहीं है। और अगर आप पिछले 2019 का अब वो आप देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, तो मेरे ख्याल से जो गैप है ना पांचों सीटों में, यहाँ पर टिहरी में ज्यादा है। माला राजे लक्ष्मी जी को और जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनके बीच जो मार्जिन का बहुत ज्यादा अंतर है उसमें, एक बात तो यह है। दूसरा उस परिवार को आप ये समझिए कि केवल शुरू में वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए थे। 1951-52 का जो पहला चुनाव था तो राजमाता कमलेंदुमती साहब वहां से चुनाव लड़ी, क्योंकि वो अलग उससे हो गई थी, क्या कहते हैं उन्होंने कहा भाई, क्योंकि राज्य नहीं रह गया था, राजा नहीं रह गए थे, तो उनके दिल में टीस तो थी भाई हम आजाद भारत में, हम लोगों को कुछ नहीं, लेकिन हम राजा है, प्रजा हमारे साथ है। तो उन्होंने चुनाव जीत के दिखाया। कमलेंदुमती साह ने, वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, बल्कि पार्लियामेंट में भी उनका बड़ा वो था, भराव होता था। तो उसके बाद जो चुनाव हुए, जो पहले विधानसभा के उत्तर प्रदेश विधानसभा के, तो इस सीट पर पौड़ी से, तो पौड़ी कंस्टिट्यूएंसी जो लोकसभा की थी वहां से तो कांग्रेस जीती, लेकिन उसका जो टीरी वाली जो कंस्टिट्यूएंसी थी वहां राजा समर्थक निर्दलीय जीत गए, है ना, राज परिवार समर्थक सारे के सारे। फिर कांग्रेस ने कहा कि बिना इनके तो हमारा काम चलेगा नहीं, इसलिए राज परिवार को उन्होंने अपने साथ मिला लिया। और राज परिवार जब जब तक 71 तक जब तक वो
नहीं आया, कांग्रेस स्प्लिट हुई ना, सिंडिकेट इंडिकेट लोग, इंदिरा गांधी के उसमें है, दूसरा निजलंगपा और लोग दूसरा वो सिंडिकेट में आ गए थे। तो क्योंकि इंदिरा जी ने उस समय प्रिवी पर्स खत्म कर दिया था राजाओं का जो स्टेटस, क्योंकि उनको 71 तक राजाओं का स्टेटस होता था जी। उनको उनका प्रोटोकॉल होता था, साथ हमारा जो राजा था टीरी का राजा उसको 7 गन सल्यूट वाला था, 3 लाख प्रीपी पर्स वाले थे। जबकि हिमाचल में कई राजा ऐसे थे जिनके 40,000 50,000 10-20,000 भी प्रीपी पर्स होता था और कोई गन सल्यूट नहीं। तो इतना था ये सारा स्टेटस जब खत्म हुआ, इंदिरा गांधी ने खत्म किया, तो ये राज परिवार दूसरे उसमें चले गए, सिंडिकेट में चले गए। तो राजा साहब जो थे, जो निरंतर तब से कांग्रेस से जीते आ रहे थे 71 तक, मतलब 52 से 57 तक तो राजमाता रही, उसके बाद महाराजा मानवेंद्र साहब, क्योंकि महाराजा मानवेंद्र साहब तो रियल किंग थे, उनको 46 में उनका राज्याभिषेक हो गया था, वो 49 मर्जर तक, तो वो रहे। 71 में चुनाव लड़े तो परिपूर्ण तेनुली जी ने उनको हरा दिया, ये इंडिकेट इंदिरा कांग्रेस वाले थे। तो तब से वो 20 साल तक राजा साहब राजनीति से दूर ही हो गए, उनको बड़ा झटका लगा कि मेरी प्रजा ने मेरे को हरा दिया, है ना। तो 20 साल के बाद जब वो अपियर हुए भी तो बीजेपी के साथ लड़े लड़े तो फिर कभी नहीं हारे, उनको नहीं हरा पाया। हाँ, उनका बेटा और वो था, लेकिन दूसरा बाकी और सीटों की जैसे बात करें तो अभी बीजेपी ने हरिद्वार और आपके जो गढ़वाल सीट है वहां से अनाउंस नहीं किए उम्मीदवार, और कांग्रेस ने अभी जो छोड़ा है वो अभी हरिद्वार और एक और सीट जो है आपकी नैनीताल नगर। तो कांग्रेस की हम बात करें तो हरिद्वार से और उधर नैनीताल से अजय भट्ट को टक्कर देने के लिए कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं आपके हिसाब से? मतलब हरिद्वार में तो जैसे हम सुन रहे हैं कि कांग्रेस से तो कई दावेदार, मतलब जैसे हरीश रावत का नाम भी एक आता है, हरक सिंह रावत का नाम भी आता है, इस तरह के कैंडिडेट हैं। और दूसरा एक और नाम सामने आ रहा है बीजेपी से, अभी जो हम देख कह रहे हैं एक दो दिन पहले ही जो एक हरियाणा के जो एक नेता है करतार सिंह भडाना, वो बीजेपी में आ गए हैं। तो सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि हरिद्वार से में भी सांसद का या फिर जो मंगलौर में उपचुनाव होना है वो विधानसभा का, उसके लिए वो हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से। तो ये जो है दूसरा हम जो कह रहे हैं कि एक तो गढ़वाल वाली सीट कांग्रेस का तो क्लियर हो गया लेकिन बीजेपी का क्लियर नहीं हुआ है, और दूसरा यहाँ पर हम कमेंट्स देख रहे हैं कि गणेश गोदियाल का नाम अनाउंस होते ही उनको अग्रिम जीत की बधाई देने के कमेंट्स भी लगातार आ रहे हैं। तो अभी से ही दिख रहा है, मतलब लोग खुश है कि कैंडिडेट इस कैंडिडेट से तो कांग्रेस के खुश नजर आ रहे हैं जो जनता है यहाँ पे, तो ये चीज है। दूसरा यहाँ पर अब गणेश गोदियाल के सामने कौन होगा ये देखना यहाँ पर होगा। तीसरा जो हमने बात की भाई जो राजेंद्र आने वाली सीट है तो वहां से मुश्किल ही है वो बाजी मार जाना वहां से, तो हम लगातार इस चीज पर बात कर रहे हैं। दूसरा अभी कुछ सीटें बची हैं, हम बता रहे हैं कि हरिद्वार बची है, एक नैनीताल ऊधम सिंह नगर। अजय कौन वहां से टक्कर देगा ये यहाँ पर देखना यहाँ पर होगा। नैनीताल ऊधम सिंह नगर के पीछे व्यापारिक एरिया है ऊधम सिंह नगर में, किसान ज्यादा वहां पर है, व्यापारी ज्यादा वहां पर होते हैं, सिख ज्यादा है और मुस्लिम भी वहां पर है, ईस्ट और वेस्ट यूपी के लोग भी वहां पर रहते हैं, तो इस तरह का जो एरिया है वहां पर अगर हम बात करते हैं अजय भट्ट को कौन, मतलब उनके सामने हो सकता है जो बड़े बड़े कांग्रेस के नाम आते हैं, तरफ एक हरीश रावत का नाम भी सामने आता है क्योंकि हरीश रावत 2019 में यहाँ से लड़े थे। तो अजय भट्ट की हम परसेंट वोट की बात करें तो 61% बीजेपी को यानी अजय भट्ट को और कांग्रेस को 34%, थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं गैप था यहाँ पर, करीब करीब कह सकते हैं कि ये 20-30% का गैप ही मान सकते 25-30% का, तो ये अच्छा खासा गैप था। हालांकि तो यहाँ पर 2014 का जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ तब यहाँ से केसी बाबा लड़े हुए थे और कांग्रेस की बात कर रही हूँ और उससे पहले केसी बाबा ही लड़े थे, तो केसी बाबा जो है 2009 में जीत चुके हैं यहाँ से लेकिन 2014 में वो हार गए, फिर 2019 में उनको टिकट ही नहीं मिला, हरीश रावत को मिला। तो अब यहाँ पर 2024 में अजय भट्ट के सामने क्या हरीश रावत को टिकट मिलता है या किसी और पर भरोसा जताया जाता है ये यहाँ पर देखना होगा।
आपको क्या लगता है? सरिता जो अभी आपने थोड़ा जो वहाँ की डेमोग्राफी जो का उसका विश्लेषण किया वो ज्यादा वो फैक्टर इस समय मेरे ख्याल से ज्यादा काउंट करेगा और अजय भट्ट के सामने इस समय सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं। और मेरे हिसाब से जो क्योंकि निशंक जी का लगभग ऐसा है कि शायद हरिद्वार से उनको कम लग रहा है तो इसीलिए भी कांग्रेस को इन दो सीटों पर सबसे ज्यादा भरोसा है, एक तो नैनीताल सीट पर और एक हरिद्वार सीट पर। और ठीक है 2019 का चुनाव में तो काफी मेजोरिटी मिल गई थी अजय भट्ट को, लेकिन 2022 में जब लोकसभा इस विधानसभा चुनाव हुआ तब के नतीजे आप देखिए उस समय उनका बीजेपी का आधार बहुत गिरा है उसके बाद, और कांग्रेस वहां से अच्छी उनकी बढ़त रही है, वहां से रही है, हरिद्वार से उनको सीट मिली है। दूसरा भट्ट जी के खिलाफ एंटी इनकमबेंसी भी है उनको अपने नाम से कोई, क्योंकि आप जानती हैं कि वो जब चुनाव लड़े भी ना जब जीते भी थे मतलब 100-200-400 वोट से जीता करते थे वरना हार जाते थे, अपना आधार उनका नहीं है। अगर वो जो भी है उनको उनकी नैया जो पार लगाएगी तो मोदी मैजिक ही लगा सकता है, लेकिन वहां पर मोदी मैजिक इसलिए कम होगा, आप सुनिए कि वहां पर किसान है आपने बोला अभी ज्यादातर क्योंकि वो तराई का इलाका है, सिख किसान है, मुस्लिम आपके नैनीताल वगैरह वो तो मुस्लिम मेजोरिटी है काफी है, बाकी बाहर के लोग हैं जो जो वहां पर जो वोट बैंक सेफ होगा वो पहाड़ी जो वोटर है नैनीताल सीट पर वो इनके काम आ सके, क्योंकि पहाड़ी वोटर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति का है, वो बाय एंड लार्ज बीजेपी के साथ है कि कहीं भी ये है, क्योंकि वो लोग बहुत तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्हें अयोध्या है, दूसरी चीजें है, दूसरा और कारण है। तो इस हिसाब से अजय भट्ट और हरिद्वार सीट को भी कांग्रेस ज्यादा अपने लिए कंफर्टेबल मान रही है, वो सोच रही है कि हम यहाँ जीत सकते हैं इसलिए दोनों। लेकिन अगर हरीश रावत वहां से उठते हैं तो बीजेपी के लिए काफी काफी परेशानी हो जाएगी वहां पर। आप ये लगा लो कि मुख्यमंत्री चुनाव हार गए उस सीट पर, याद है ना आपको खटीमा, खटीमा इसी में किसी कंस्टिट्यूएंसी में तो आता है, भले वो क्या कहते हैं चंपावत गए अपने दामी साहब तो बहुत ऐतिहासिक जीत उनकी वहां पर हुई, लेकिन उससे पहले देखो ना वहां से तो अपने जो उनकी परंपरागत सीट थी खटीमा वहां से तो हार ही गए थे। तो वो स्थितियां हैं रूलिंग पार्टी के लिए और अजय भट्ट के लिए वहां सेफ नहीं है। दूसरा ये है कि हाँ बीजेपी का प्लस पॉइंट ये है कि वह भले लोग अजय भट्ट से नाराज हों लेकिन पार्टी के प्रति कमिटेड होते हैं बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग। दूसरा मोदी जी के लिए कमिटेड है, उनको मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए, वरना भट्ट के नाम से कार्यकर्ता भी खुश नहीं है क्योंकि वो जब रहे तो अपने अपना शो एंड पॉम्प दिखावे में ही रहे कि मैं तो भारत का मिनिस्टर बन गया हूँ, डिफेंस का मिनिस्टर बन गया, वो अरोगेंस जो तो उनमें आई वो गढ़वाल में जिस तरह से, आपको लगता है कि अगर मनीष खंडूरी इस्तीफा नहीं देते तो उनको वहां से टिकट मिल सकता था और अगर उन्होंने इस्तीफा दिया इसलिए फिर गणेश गुप्ता का नाम होगा? नहीं, जो चर्चा ये थी शुरू से ही गणेश गोदियाल अपना कर चुके थे, तैयारियां कर रहे थे गणेश गोदियाल। एक कुछ महीने पहले कांग्रेस ने सर्वे कराया था, यहाँ का सर्वे कराया था और सर्वे से एक लड़की आई थी आप जैसे यंग गर्ल जो यहाँ कर रही थी, तो किसी ने मेरा नाम उनको दिया, उनको तो 3-4 दिन तक निरंतर मेरे से यहाँ पर पूछती रही, बात करती रही। तो उनकी बातों से मुझे लग रहा था कि वो कंपेयर कर रही थी मनीष खंडूड़ी और गणेश गोदियाल को इस सीट पर। तो मुझे तब लग गया था कि कांग्रेस जो है उसको गणेश गोदियाल को ही सीट देने ये टिकट यहाँ पर देने जा रही है, जबकि वो मनीष खंडूड़ी निरंतर घूमते भी रही है। मतलब जैसे बीजेपी के कैंडिडेट थे ना एमपी तीरथ सिंह जी तो घूमे नहीं, अब इन दिनों अब जब टिकट मिलने की संभावना ही नहीं है, आजकल घूम रहे हो खूब प्रचार कर रहे हैं अपना,
जब घूमना चाहिए था तब वो घूमे नहीं, आजकल वो घूम रहे हैं, लेकिन मनीष खनोड़ी घूमते रहे, पहले भी रहे, सक्रिय रहे अपने कंस्टिट्यूंसी में, इसलिए उन्हें धक्का लगा कि घूम मैं रहा हूँ। लेकिन उनके साथ ड्रॉबैक रही, वो सीधे आदमी है, जैसे है ना, उसके राजनीति के गुरु उन्होंने अभी सीखे नहीं है। वो ये था कि पैतृक उनको मिल जाएगा और सारी चीजें, वो लेगेसी, पिताजी की लेगेसी मिल जाएगी, तो लेगेसी कांग्रेस में तो मिलनी नहीं थी, तो वो उनके साथ दिक्कत थी। और ये गणेश गोदियाल का लगभग पहले से ही तय था। लेकिन अब कुछ व्यूअर्स अभी जुड़े हैं, उनको मैं बता दूं कि तीनों जो है लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों के नाम अनाउंस कर दिए हैं, और जिसमें टिहरी गढ़वाल से ज्योति सिंह गुनसोला है, और अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा यहाँ पर है, और गढ़वाल से यहाँ पर जो एक नाम यहाँ पर सामने आ रहा है काफी इंटरेस्टिंग, गणेश गोदियाल का। तो क्योंकि अब ये जो तीन नाम है इसको लेकर देखिए, आप लोग भी अलग अलग कॉमेंट करके बता सकते हैं, कर भी रहे हैं कि भाई ये कितनी टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को, नहीं दे पाएंगे, और गणेश गोदियाल को लेके भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं। तो बाकी कैंडिडेट को लेकर ही बताइए कि आपका क्या कुछ कहना है। कांग्रेस ने ये जो तीन नाम यहाँ पर अनाउंस किए, नामों के ऊपर आपके क्या कुछ व्यूज हैं, वो भी आप जरूर अपनी राय यहाँ पर रखिए, और क्या आपको लगता है कि ये कैंडिडेट बीजेपी के जो उम्मीदवार उनको टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अभी देखिए गढ़वाल से जो गणेश गोदियाल के सामने अभी फिलहाल किसी का नाम नहीं है, तो गणेश गोदियाल के सामने किसे टक्कर मिलती है, मतलब कौन बीजेपी किसे उतारती है, ये बहुत जल्द पता लग जाएगा, उनकी भी लिस्ट जल्दी आने वाली होगी, तो इंतजार हमें भी है कि गणेश गोदियाल के सामने कौन होगा। तो ये इंतजार वाली बात है। और तीनों सीट जो है उसको लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई तीनों सीटों में किस तरह के कह सकते हैं समीकरण वहां पर है। हम गढ़वाल की बात कर रहे हैं, तो गढ़वाल में आपको क्या लगता है कि मतलब अभी तक तीरथ सिंह रावत वहां पर जीते, और मतलब जो मनीष खंडूरी लास्ट टाइम वहां से लड़े थे तो बहुत ज्यादा अंतर इतना भी नहीं था, लेकिन 2.5 लाख का अंतर था, तो 2.5 लाख का अंतर है। और इस बार वहां पे जिस तरह से हम देखते हैं कि अभी प्रोटेस्ट काफी कुछ हुआ है अंकिता भंडारी को लेके, तो क्या ये सारे मुद्दों का फर्क पड़ेगा, या फिर बीजेपी की जो हिंदुत्ववाद वाली लहर है या ये ज्यादा नैरेटिव जो होता है ये भारी पड़ेगा? देखिए कांग्रेस के पास इतने मुद्दे हैं कि अगर उनको कैश करना चाहते तो सारी 5 की 5 सीटें जीत सकते थे वो, लेकिन उनको किया नहीं उन्होंने वो उस ढंग से उनको कर। अगर यही मुद्दे बीजेपी के पास होते और बीजेपी अपोजिशन में होती धोखे रख देती कांग्रेस को इस समय, यही मुद्दे थे। आप ये समझिए अंकिता भंडारी का इतना बड़ा कांड हुआ, रूलिंग पार्टी के थे है ना, ये तो बड़ा इमोशनल मामला था, बेटी बचाओ की बात हो रही और अभी तक उसको मतलब ठीक है सरकार ने किया एकदम गिरफ्तारियां भी कर दी, वो सारी बातें हुई है, लेकिन कुछ उसमें और बातें ये आ रही थी, सरकार कहती है हमने कर दिया है, वो प्रॉम्प्ट किया गया, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन उनको बचाने की कोशिश किसने की, वहां लोकल जो एमएलए का नाम भी आया उसमें, जो जो कल्प्रिट थे या जो एक्यूज हैं, कल्प्रिट तो अभी नहीं कह सकते हैं, जो एक्यूज है जो मुलजिम है उनको बचाने का लोकल एमएलए वो किसकी, बीजेपी की है। उसके बाद पता नहीं कोई वीआईपी था या नहीं था या ये काल्पनिक है, तो उस चीज को दूर करने के लिए सरकार को करना चाहिए था, काय के लिए इसके छोड़ दिया, जब अगर आप सचमुच कर रहे हैं वास्तव में प्रॉम्प्ट है, हम ये कह रहे हैं कि देखा जाए तो किया गिरफ्तारियां तो किए हैं उन्होंने, लेकिन जब कह रहे हैं कि कोई वीआईपी था, उसके माँ बाप जब धरने पर भूख हड़ताल पर ये बवाल कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं कराते आप, अरे हरीश रावत ने क्या था उसका वो स्ट्रिंग ऑपरेशन, उसी पर सीबीआई इंक्वायरी होगी, उतने पर सीबीआई इंक्वायरी होगी, ये इतना सीरियस कांड है, आपका कमिटमेंट है कि आप बेटी बचाओ वो सारी चीजें हैं, आप कहते हैं हमें ये देवभूमि के भाई, यहाँ तो सारी पहले सारे देश की नारी तो लक्ष्मी है, लेकिन कम से कम देवभूमि की बेटी के साथ आपका ये बात थी, उसका डाउट ही रखा, मतलब हमें नहीं पता कोई वीआईपी था या नहीं था, कांग्रेस की सरकार ने उसको बचाया या नहीं बचाया, आप इंक्वायरी कराते हैं, लेकिन वो एक शक तो छोड़ ही दिया ना आपने, शक छोड़ा है, ये मैं कह रहा हूँ शक छोड़ा नहीं चाहिए। दूसरा भूमि कानून वाली बात आई, भूमि कानून आपका कमिटमेंट था,
बोला था कि सुभाष कुमार जी की उसमें अध्यक्षता में कमेटी बना दी, अब उसको उस पर कमेटी में कमेटी बना दी, इसका मतलब आप देना नहीं चाह रहे। अब देने के बजाय उसके पहले एक दो और अमेंडमेंट करते जमींदारी विनाश वो उसमें ZALR में, उसकी जगह आप जिस चीज को मांगा नहीं उसको आप दे दिया। UCC 3 सीट है उसके अलावा बात कर लेते हैं, जैसे हरिद्वार का भी इन्होंने अनाउंस नहीं किया है और नैनीताल उधम सिंह नगर, हरिद्वार पर बात कर लेंगे। हरिद्वार में कांग्रेस की तरफ से क्या लगता है, कौन कौन दावा कर रहा है, बीजेपी की तरफ से कौन कौन कर रहा है, क्या लग रहा है हरिद्वार से? कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ी दावेदारी हरीश रावत जी की है, क्योंकि हरीश रावत जी की बेटी भी वहां से है, वो वहां से MP रह चुके हैं उस समय, बहुत बड़े मार्जिन से उस समय 2009 में है ना, काफी सक्रिय भी दिखाई दे रहे थे वो हरिद्वार। हाँ, हरिद्वार में निरंतर वो वहां से सक्रिय है, उनकी बेटी वहां से है, जहां से वो चुनाव हारे थे वहां से उनकी बेटी दोबारा जो है ना, जो 2022 के चुनाव जीती है, उनकी बेटी जीती है, इसलिए वो निरंतर वहां संपर्क में है। लेकिन हरक सिंह रावत भी यहीं के दावेदार हैं, तो हरक सिंह रावत भले ही समय परेशानी में है, जो भी है ED है CBI की वजह से जो भी है, लेकिन दावा तो है ही है उनका भी उसके लिए है। और उनका तो ये था कि भाई हरीश रावत जी आप नैनीताल चले जाओ, आपका वहां भी आधार है, आप तो पैन उत्तराखंड लीडर हैं, कहीं से भी जाए तो भाई हरीश रावत को तो उत्तराखंड में किसी भी जगह सभी जगह हरीश रावत का आधार है, बड़े नेता है उत्तराखंड के, तो वो नहीं उन दोनों का, क्योंकि आप जानते 2016 का दोनों के बीच का जो मन मुटाव है, क्योंकि उनकी सरकार गिराने में हरक सिंह जी का हाथ था ही, हरक सिंह रावत विजय बघुना, वो कटुता, दूसरी बात वो स्टिंग कराया CBI केस में फंसाया, वो भी हरक सिंह जी ने कराया, वो कटुताएं उनके आसानी से जा नहीं रही हैं, भले कि दोनों आज कांग्रेस में के अंदर हैं, अगर वो करते तो एक नैनीताल चला जाता, और हरक सिंह भी कोई कमजोर नहीं है उसमें, हरिद्वार में देखा जाए हरिद्वार के लिए भी नहीं है, हरक सिंह साधन संपन्न भी हैं, क्योंकि आजकल चुनाव देखिए अभी तक ये आ रहा था कई कांग्रेसी चुनाव लड़ने से बाहर क्यों वो कतरा रहे हैं क्या अपने आर्य जी, भाई आर्य जी को तो लड़ना चाहिए था ना, फिर ये है कि भाई इतना पैसा लगा दिया हमने, लगा दिया चुनाव न जीत पाए, आजकल कम से कम 10-15 करोड़ तो कम से कम मामूली बात है, MP के चुनाव के लिए 10 करोड़ तो लोग MLA के चुनाव भी लगा रहे हैं, तो MP का चुनाव इतने बड़े यहाँ पहाड़ों में है। अभी का सिनेरियो देखें तो अगर हम टीवी अडवाल की बात करते हैं तो वहां पर कल जिस तरह से हम देख रहे थे कि बेरोजगार संगठन के जो अध्यक्ष हैं बोई पवार वो भी दावा कर रहे थे, लेकिन कौन सी पार्टी की तरफ से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे या इंडिया अलायंस के साथ लड़ेंगे ये कुछ साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनका ये कहना था कि भाई उनके जो मुद्दे हैं उनको जीवित रखना, यानी कि जो भी पार्टी या जो भी कह सकते हैं गठबंधन बनता है अगर उनके मुद्दे जिंदा रहते हैं तो ही वो जो है उसकी तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि जो महारानी है उनके अपोजिट यहाँ पे जो लड़ रहे हैं ज्योति सिंह बंसोड़ा का नाम यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पे जो लोकसभा उम्मीदवार उनका ऐलान किया है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो बॉबी पवार है क्या तो अकेले युवाओं के हुजूम के साथ यहाँ पर चुनाव निर्दलीय लड़ सकते हैं या कुछ और सोचने वाले? देखिये आप जानती है बेरोजगारी तो बहुत गंभीर समस्या है, वो न कांग्रेस उसको समझ रही है, कांग्रेस भी तो बस ऐसा जब औपचारिकता जैसी होती है ना वो उठा लेती है, जबकि बहुत सीरियस है, BJP तो उसको समस्या ही नहीं मानती है, वो कहते हैं कहाँ गए बेरोजगारी है, तो दोनों पार्टियां तो दिक्कत तो है दोनों के साथ है, लेकिन बॉबी पवार ठीक है दमदार है, सरकार ने उनके साथ उत्पीड़न तो किया ही है, लेकिन वो MP का चुनाव जीत जाएंगे, इसमें इतने संसाधन पहले उनको जो है विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए उसके बाद लोकसभा ट्राई करना चाहिए। यस वो करना चाहिए था। दूसरा ये है कि ठीक है युवाओं को आना भी चाहिए, जो मुद्दे लेके आते हैं क्यों नहीं आना चाहिए, सब कुछ पुराने घिसे पिटे जो पॉलिटिशियन आ जाते हैं उनकी जगह नए लोग आते हैं तो उसको अच्छी बात है, उसमें कोई बुरा नहीं, लेकिन आपका इतना पैसा कहाँ से लाओगे, आज सिद्धांत तो कहाँ है राजनीति में, कहीं दिखते हैं आपको सिद्धांत कोई? वो इधर जो BJP में मैक्सिमम कांग्रेसी हैं बैठे हुए,
कांग्रेस में उसे उधर जहाँ टिकट नहीं मिलता वो इधर आ जाते हैं, इधर से उधर आ जाते हैं, क्योंकि कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो है नहीं उनके पास, तो वो दिक्कत की वजह से ये है। आज जो है पैसे के बल पर जो लड़ेगा, आप जानती हैं कितने 80-90 लाख निर्वाचन आयोग ने तय कर रखा है, क्या इतने में कोई चुनाव लड़ सकता है? आप उत्तराखंड की एक कंस्टिट्यूएंसी पहाड़ की पौड़ी में, टिहरी में, अल्मोड़ा में या इवन नैनीताल में 5 साल में एक एमपी घूम लेगा पूरा? नहीं घूम सकता। तो क्या करेगा? उसको आदमी चाहिए जहां तहां चाहिए, उनको अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा। और शराब का इम्पोर्टेंट रोल होता है, बिना शराब के जो बोलता है कि हम शराब का इस्तेमाल चुनाव नहीं करते वो झूठ बोलता है। वैसे भी चुनावों में या राजनीति में जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, सबसे ज्यादा लफाजी जो करेगा वो सबसे बड़ा नेता होता है। भाई पब्लिक को कैसा उसका दिमाग डाइवर्ट करना, कैसे इन्फ्लुएंस करना, तो वो तो वही होता ना, सच सच से तो हो नहीं सकता है। वो मैंने कहा था मनीष कनोड़ी सीधा साधा लड़का है, उसके बस का है नहीं। और भी कई उदाहरण है, मैं देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो टैक्टफुली जो सीधा पब्लिक को इंटरेक्ट करते हैं, लच्छीदार बातों से उनको प्रभावित करते हैं, तो वो भाई प्रभावित करते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। तो ये लड़का जो बॉबी पवार है, आप सब ठीक है, आपने बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आपको संसाधन कहाँ है? लड़ते हैं तो भाई राजघराने की सीट है और उससे हराना तो आप भी बता रहे कि इतना आसान बात तो नहीं होने वाली है। अब बॉबी पवार ने जो फैसला लिया है ये भी बड़ा चौंकाने वाला है कि इस तरह की सीट पर जो है वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम पहले देख रहे थे कि जो कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसवानी भी दावा कर रही थी वहां से लड़ने के लिए, लेकिन आखिरकार जो है टिकट मिला है ज्योति गुनसोला को। अब खैर सरिता ज्योति सिंह गुनसोला को भी आप हल्के में न लीजिए, वो मसूरी के निवासी हैं और फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, मतलब घर से भी ठीक ठीक है, ऐसा नहीं है। और पहली विधानसभा में वो चुने गए थे, पूर्व विधायक भी हैं और वो क्रिकेट एसोसिएशन के भी जिम्मेदार अधिकार वो है, पदाधिकारी हैं। दूसरा बहुत सोबर से पॉलिटिशियन है। आप जानते हैं कि विजय बगुणा को कुर्सी से हटाया तो उन्होंने उस कांग्रेस के सरकार को ही गिराने का पूरा इंतजाम कर दिया था 2016 में। इस आदमी का सिटिंग एमएलए होते हुए भी टिकट काट के वो कोई गोदावली या दूसरी है मैडम है उनको टिकट मिलता है, जबकि दवा इनका बनता है। लेकिन इन्होंने कभी ऐसा नहीं कि प्रतिशोध में उनके खिलाफ या कई लोग ये अंदर खाना डैमेज करते हैं, भीतरघात करते हैं, तो इस व्यक्ति में इस तरह का नहीं है, वो करते नहीं है, वो सीधे अपना बहुत प्रतिष्ठित राजनेताओं में इज्जतदार लोगों में से मतलब लोगों में इनका नाम गिना जाता है। लेकिन रानी के साथ टकरा जाएंगे ये तो देखने वाली बात है कितना ले पाते हैं। अगर बॉबी भी पवार भी कुछ करते हैं बाकी साथ ये इश्यूज आ जाए, अपने मूल निवास का आ जाए, भू कानून का या अंकिता भंडारी का आ जाए, अग्निवीर का यहाँ पर गंभीर समस्या है, अग्निवीर चाहती कांग्रेस तो बिल्कुल बहुत ढंग से उठा सकती थी। अग्निवीरों को आपने सुना होगा लोग बेटी नहीं देने के लिए तैयार नहीं है, लड़कियां नहीं मिल रही शादी करने के लिए, उनकी समस्या हो गई कि 4 साल की नौकरी में हम क्या बाद में कहाँ जाएगा दामाद। है कि गढ़वाल से तो अंकिता भंडारी की जो माँ है सोनी देवी वो भी चुनाव लड़ने को तैयार है, इतना आसान हो पाएगा ये चुनाव लड़ना? नहीं, ऐसा है नहीं, कई लोग आवेश चुनाव सरता आवेश में नहीं जीते जाते, नहीं लड़े जाते हैं बिना संसाधन के। आज हम देख रहे हैं ना, आज अब लोगों का दिमाग बिल्कुल डाइवर्ट हो गया। कल एक दूसरे चैनल पर मैं था, हमने ये बात बोला तो दूसरे पक्ष के लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए, क्योंकि आज कोई सही बात अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ जितना हो महिलाओं से पूछो ना, वो जस्टिफाई करने लग जाएंगी, हाँ कोई बात नहीं अंकिता के साथ हो रहा तो दूसरे को। तो आज दूसरा पक्ष ये भी तो हो गया धर्म के नाम पर जितना डाइवर्ट लोगों को कर दिया है वो इन उनके लिए ये मूल निवास है या भू कानून है
अंकिता भंडारी है, ये सारे मुद्दे गौण हो चुके हैं। तो उसमें आप चुनाव लड़ेंगे भी 200-400-600 वोट आपको मिलेंगे। या नहीं मिलेंगी, क्यों आप अपना वो कर रही है मेरे ख्याल से। तो वही बॉबी पवार को भी अपना मतलब अपना एनर्जी अपना सकते जो दो पैसा भाई बेरोजगारों के पास कहाँ से इतना पैसा आएगा, कहाँ से करेंगे। लड़े वो छोटे छोटे चुनाव से आगे बढ़े, मैंने कहा ना युवाओं को आना चाहिए, युवा शक्ति को क्यों नहीं आना चाहिए। वो भाई असम जो मूवमेंट हुआ तो उसमें सारे यूथ ही तो आगे थे, ये भी क्या है जो कि पहले मूवमेंट करो लोगों को प्रभावित करो। आपको लगता है कि जो गणेश गोदियाल हैं कांग्रेस के कैंडिडेट जो अभी अनाउंस किए गए हैं, वो जो पुराने कैंडिडेट थे मनीष खंडूरी जो कि अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो आपको लगता है कि मनीष खंडूरी से ज्यादा बेटर परफॉर्म मतलब कर पाएंगे वो इस इलेक्शन, यानी कि उनसे ज्यादा वोट ला पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, वो उनसे ज्यादा तो कर ही देंगे, इसीलिए कांग्रेस ने उनको दिया है। मतलब ऐसा है कि बनना मनीष का तो राहुल गांधी के साथ भी अच्छे संबंध थे, मतलब वो राहुल के टीम में गिने जाते थे, तो उन्होंने ऐसा। और शायद मनीष ने इसीलिए यूथ बोल के राहुल के साथ इसलिए आए थे जबकि पिताजी की उनकी लेगेसी थे बीजेपी में थी, तो उस समय आए तो कुछ सोच समझ के आए होंगे। लेकिन वो मैंने कहा वो राजनीति की वो सारी चीजें उनको अभी नहीं पता है, वो बहुत सपाट जिसे कह सकते हैं सहज है, पिता के नाम से या जात के नाम से या और चीजों के नाम से तो नहीं मिलता ना, कुछ वो भी चाहिए होंगे, कई बातें होती हैं। तो वो राहुल गांधी को देख लो ना, उसके बाद एकदम अगर वो भी मोदी जी की तरह लच्छेदार बातें करने एकदम डायरेक्ट इंटरेक्ट करने लगे तो वो भले ही वो टक्कर तो ले ही रहे हैं मोदी जी के साथ, लेकिन कहाँ मोदी जी कहाँ अभी, तो उनको गैप तो ही अंतर है। तो निश्चित रूप से गणेश गोदियाल कांग्रेस के लिए गणेश गोदियाल डेफिनेटली बेटर कैंडिडेट हैं देन मनीष खंडूरी। और दूसरा बीजेपी की तरफ से जो सुनने में आ रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि भाई 3-2 का रेशियो हो सकता है, नहीं महिला पुरुष का, तो दो महिला है यानी कि एक माला राजलक्ष्मी और दूसरी एक और कोई महिला कैंडिडेट हो सकती है, तो गढ़वाल या हरिद्वार से हो सकता है किसी महिला कैंडिडेट को उतारा जाए, ऐसा कुछ भी पॉसिबल है क्या? हाँ उतारा जा सकता है, उतारा में तो देखिए अभी ये सब राजनीति अटकलें होती ना, और मोदी जी चौंका देते हैं। देखिए मोदी जी की कई चीजें हैं ऐसे कि वो बिल्कुल सरप्राइज, अब तो यहाँ क्या हो गया, हरियाणा में क्या हो गया, मतलब अच्छी भली आपकी सरकार चली थी कर दिया, तो वो ये सरप्राइज करते रहते हैं, यही उनकी खासियत है। वो राजनीति में आज जहाँ है वो है, तो यहाँ भी कर सकते हैं। नाम तो ऋतु खंडूड़ी का भी आया कि ताकि पिताजी की लेगेसी आ जाए, नाम तो एक दूसरी यंग लेडी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट लीडर रही है, क्या नाम है, दीप्ति रावत भारद्वाज, दीप्ति भारद्वाज भी है, और दीप्ति तो चुनाव लड़ चुकी हैं बीजेपी का वहां पर बिरोकार से अमृता जी के खिलाफ, अमृता रावत जब कांग्रेस में थी तो बीजेपी से चुनाव लड़ चुकी हैं, तो कांग्रेस बीजेपी की प्रवक्ता भी रही हैं और ठीक है डायनेमिक लड़की है, ठीक है वो तो उनका भी होता है, तो वो भी बड़ी कैंडिडेट है। यहाँ तो जाते हिसाब किताब जातिवाद पर भी दिखोगे, ये यहाँ उत्तराखंड की जो राजनीति है सर लगभग सभी जो यूपी में बाकी जो जाति के नाम पर कोई धर्म के, आप धर्म के नाम पर करेंगे तो दूसरा जात के नाम पर करेगा,
दूसरा जात के नाम पर करेगा, दूसरा उसे उपजाति के नाम से करेगा। तो ये राजनीति तो विखंडन जो है ना, लोग बाकी तो जोड़ता है लेकिन राजनीति तोड़ती है, बिखेरती है। तो उनके साथ प्लस पॉइंट ये है, दीप्ति के साथ वो भारद्वाज भी है, रावत भी है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर जो राजपूत डोमिनेटेड एरिया है, दूसरा फौजी डोमिनेटेड एरिया है, फौजी फौजी दोनों है। खंडूड़ी साहब क्या थे कि उनके साथ एक तो ब्राह्मण 100% कमिटेड था, आरएसएस का बहुत बड़ा रोल होता है प्रचार करने प्रोपेगेंडा में, है ना, वो उनके साथ था। दूसरा सैनिक बैकग्राउंड था, तो सैनिक में वो जात विरादी पीछे छूट जाती है और सैन्यवाद आगे आ जाता, तो सैन्यवाद इस वजह से थी। तो ये अगर दोनों कैंडिडेट होते हैं, भले थोड़ा ये ऋतु जी में थोड़ा एरोगेंस ज्यादा है मुझे लगता है, क्योंकि देखते हैं विधानसभा में और जगह, वो इस समय तो अगर योगी जी ने बचा दिया कोटद्वार से उनको, जब उनकी अगर होती है तो यमकेश्वर दोबारा मिलता उनको, जब यमकेश्वर से उनका टिकट गया, बवाल हो गया कि खंडूड़ी की बेटी को टिकट काट दिया, जब बवाल हुआ तो फिर उनको कोटद्वार, उन्होंने समझा इस घर नहीं है इनको, तो चलो वहां डाल दो, कोटद्वार से लड़ा दो। लेकिन कोटद्वार में चमत्कार हो गया, योगी आगे, योगी का वही के है, योगी का असर तो है ही है, योगी में कई चीजें हैं, आप राजनीतिक तौर पर उनसे सहमत हो या ना हो, लेकिन उनका चरित्र देखिए आप, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखिए आप, उनकी गवर्नेंस देखिए आप, मतलब किसी मतलब साधु होते हुए भी वो मतलब भेदभाव नहीं करते किसी हिंदू से या मुसलमान से, या कई और चीजें हैं उनके साथ, अपना करेक्टर है। एक पैसा उनको ये नहीं कि भाई आदमी ने कुछ खा दिया होगा, क्या खाना सारा गोरखपुर उनका है। तो वो जो है उनकी जो यहाँ छवि है, तो वो जब वो गांव भी आए तो बड़ा इमोशनल मामला था, जो आदमी पिता की उस पर नहीं पहुंचा, अर्थी में उसमें क्रियाक्रम में नहीं पहुंचा, क्योंकि उसने कहा कि मेरा कर्म तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ के मैं इन लोगों का जो संकट में है आज पूरा उत्तर प्रदेश कोरोना के कारण, मेरे को इनकी रक्षा करनी है, मेरे लिए ये जरूरी है, बजाय वहां तो भाई बंद और देख लेंगे उनको। तो उस तरह का करेक्टर है उनका। तो वो जब आए तो रितु खंडूड़ी के पक्ष में बन गया, वो जो थे वो बड़े कॉन्फिडेंट थे अपने सुरेंद्र सिंह ने, कि हार गए। तो ये स्थितियां हैं। तो अगर उनको भी होता तो पौड़ी की सीट बीजेपी के लिए मुझे कंफर्टेबल लगती है, पौड़ी की भी लगती है, पौड़ी के लिए ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स को बता दूं, अभी इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि भाई कांग्रेस ने लोकसभा की 3 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें प्रदीप टमटा को अल्मोड़ा से टिकट दिया गया है, तो वहीं जोत सिंह भुंसोला को टिहरी गढ़वाल से, और यहाँ पर कह सकते हैं पौड़ी से जो गढ़वाल सीट है वहां से गणेश गोतियार को, तो 3 नामों का अनाउंस यहाँ पर किया गया है। इन 3 नामों को लेकर आपके क्या कुछ व्यूज है, आप भी कमेंट करके यहाँ पर बताइए, और तीनों ये जो सीट है इस पर किस तरह के समीकरण है वो भी हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, जो पास्ट में जो रिजल्ट यहाँ पर रहे वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए कि भाई कौन कौन जीता है, कितनी बार कौन सी पार्टी जीती है, तो ऐसे में इस बार क्या देखने को मिलेगा, और क्या बीजेपी की जो कह सकते हैं चाहे राम मंदिर वाली लहर हो या फिर वो मोदी जी की लोकप्रियता हो, क्या ये सब ज्यादा इफेक्ट करेगा या कांग्रेस के जो ग्राउंड पर मुद्दे हैं वो ज्यादा इफेक्ट करेंगे। तो ये जो है रिजल्ट जब आएगा देखना होगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जयसिंह जी आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के पास नो डाउट काफी सारे मुद्दे हैं, और अगर बीजेपी विपक्ष में होती तो बहुत अच्छे से कैश करती। हाँ, मेरे से सवाल है जी जी जी, क्या सब रिपीट करना था, मैं सुन नहीं पाया। आपने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दे काफी कुछ हैं, और अगर आपने कहा कि अगर बीजेपी विपक्ष में होती तो अच्छा खासा कैश करती मुद्दों। हाँ, निश्चित रूप से मुद्दे ही मुद्दे हैं, आप महंगाई है, बेरोजगारी है, बॉबी पवार का आपने नाम बोला, पेपर लीक है, पेपर लीक में कौन पकड़ेगे भाई, वो हाकम सिंह कौन था, उसके बाद हरिद्वार में जो थे वो कौन थे, दूसरी बात अंकिता भंडारी हत्याकांड में कौन लोग तो इन्वॉल्व थे, दूसरी बात आप भू कानून की बात लोग करें, आप भू कानून क्यों नहीं दे रहे हैं, आपका आपका कमिटमेंट था, इसी बात आपने लोकायुक्त की बात की थी कि भाई हम 100 दिन के अंदर कर देंगे, 100 दिन क्या 5 साल गए,
उसके बाद 2 साल और आगे 7 साल होने वाले हैं और लोकायुक्त कहाँ चला गया। उसके बाद मूल निवास के बाद कहीं ये यूसीसी आप पढ़िए, यूसीसी में अभी तो राष्ट्रपति से आना है, हम तो पहले से बोल रहे थे कि भाई बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ये लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 254 का सेक्शन 2 है, सेक्शन 1 तो कहता है कि बना ही नहीं सकते, लेकिन 2 कहता है लागू हो सकता है कि बसरते राष्ट्रपति दे। वो लिटिगेशन बाद में जाएगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं बहुत तो होंगी ही, क्योंकि वो समान तो पहले से नहीं है, समान कुछ लोगों को छोड़कर समान कैसे हो जाएगा भाई, मुसलमानों को शामिल करने के बाद बाकी तो समान नहीं हो गया ना, या ईसाइयों को उनका करके बाकी आप जनजातियां तो छूट गई हैं, तो वो वाली बात ही चलिए जो भी है उसका जो उसका उसकी उसमें जो प्रारंभिक उसके जो खंड है यूसीसी का, उसमें जो परिभाषाएं लिखी हुई हैं उसका ड में आप पढ़ो, तो ड में लिखा हुआ जो 1 साल से उत्तराखंड में रह रहा है वो उत्तराखंड का निवासी है। अभी तक आपने जो 85 बोला या 15 साल से बोला जो भी था, जो अभी तक है मूल निवास की जगह आप स्थायी निवास की बात कर रहे हैं, वही सर्टिफिकेट मिल रहे लोगों को है ना, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, ये तो कानून पास हो गया है, ये विधानसभा ने पास कर दिया। अब 15 साल की बात कर रहे हैं, जो 1 साल में आ गया वो है। अब जब कांग्रेस को इतनी बड़ी बात नजर नहीं आती है, यहाँ के बड़े बड़े एक्टिविस्ट को इतनी, अरे वो तो कानून पढ़ो उसमें लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कौन निवासी रहेगा, किस पर लागू होगा, उन्होंने कह दिया जो 1 साल से उत्तराखंड में रह रहा है वो यहाँ का निवासी माना जाएगा। जब वो यहाँ का निवासी माना जाएगा उसको नौकरियों में कैसे डिस्क्रिमिनेशन आप कैसे कर सकते हैं, वो तो सारे बेनिफिट लेगा। दूसरी अगर आपका इरादा होता तो डबल इंजन की सरकार थी, को आर्टिकल 16 जो है संविधान का उसका सेक्शन 3 है, उसमें थोड़ा सा आपको छूट दी गई है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो क्लास 3 के जो पोस्ट है ना उसमें समानता का अधिकार है ना, सब सबको समानता वाले में सब इक्वल अपॉर्चुनिटीज का, उसमें आप अपने स्टेट के डोमिसाइल को दे सकते हैं। तो बजाय आप ये चीज करने बुनियादी चीजें करते तो करनी चाहिए, देव अभी नहीं किया तो आगे करनी चाहिए, गांधी जी को करनी चाहिए, ताकि अगर आपको बड़ी बात करो कुछ ताकि आपके स्टेट का फायदा हो, यूसीसी से क्या फायदा हो जाएगा आप बताओ, क्या क्या हो जाएगा, मैंने आप मुसलमानों को आप जेल भेज दो, सबको भेज दो, उससे हिंदुओं को क्या मिलेगा, क्या फायदा है, इन्हीं मिट्टी के समाज तो मिलके चलने वाली बात है, मिलके जब चलेंगे तो समाज तो तरक्की करेंगे, हम सब लोग तरक्की करेंगे। और कहते हैं अरे हमारे टीरी के राजा ने, टीरी में मस्जिद मोहल्ला है, उत्तरकाशी में तक मस्जिद मोहल्ला है, मस्जिद मोहल्ला अच्छा। दिया गया है राजा ने दे रखे हैं, बसाए हुए हैं राजा ने। अब वो कई लोग यहाँ पॉलिटिकल लीडर हैं, उसको जो वो बहुत अच्छी गढ़वाली बोलते हैं, मैं टीरी के हैं क्योंकि टीरी के निवासी हैं, क्यों नहीं बोलेंगे, गढ़वाली हैं वो गढ़वाली हैं, जो उधर से जाते हैं वो तो कुमाऊनी है, वो गढ़वाली है कुमाऊनी है, हम उनको हिंदू मुसलमान बोल के थोड़ी बोल सकते। तो ये सारी चीजें हैं, समाज को जितना आप तोड़ेंगे तो टूटता जाएगा, धर्म के नाम से टूटेगा, जात के नाम से टूटेगा, क्षेत्र के नाम से टूटेगा, लेकिन जुड़ेंगे सब साथ चलेंगे सब साथ, प्यार मोहब्बत तो ये हमारा हिंदुत्व में भी तो यही है, वसुधैव कुटुंबकम का सवाल है ना, सबको मिलके चलने वाली बात है, वही हमारे धर्म से सत्य अहिंसा की बात बापू ने भी कही थी, वही हमारा धर्म भी कहता है, प्रेम सत्य अहिंसा ये सारी चीजें। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रसिंह जी हमारे साथ लाइव यहाँ पर कनेक्ट होने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद। और हम लगातार जो है आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से जो है आज कांग्रेस ने यहाँ पे जो 3 उम्मीदवारों की लिस्ट यहाँ पर जारी की है, तो 3 सीटों पर किस तरह के समीकरण है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता रहे हैं कि 3 सीटों से कौन कौन नाम जो है यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं। बता दें यहाँ पर आपको गढ़वाल, ये 3 जो लोकसभा सीट है यहाँ से नाम सामने आए हैं, तो पहले हम थोड़ा सा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना देते हैं कि इन 3 सीटों से किस किस के नाम जो है यहाँ पर सामने आए हैं और
के बाद आपको हम जो है इस पर चर्चा करेंगे और तीनों जो सीट है उसका प्रोफाइल बताने की पूरी कोशिश यहाँ पर हम करेंगे। मोटा मोटा देखें तो 3.5 लाख का ये वोट परसेंट का ये जो गैप यहाँ पर था देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पर देखिए एक जो कांग्रेस से पिछले कैंडिडेट रहे हैं वो थे मनीष खंडूरी जो कि कांग्रेस से अब पिछले दिनों 2-4 दिन पहले ही बीजेपी में यहाँ पर शामिल हो गए हैं, लेकिन लग रहा था कि बीजेपी से उन्हें टिकट मिलेगा या क्या होगा कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से लास्ट टाइम यानी कि जो आखिरी चुनाव था वो मनीष खंडूरी ने लड़ा था और अगर वोट के अंतर की बात करें तो 5,06,000 करीब वोट तीरथ सिंह रावत ने जीते थे तो मनीष खंडूरी ने 2,04,000 यानी करीब 3 लाख का कह सकते हैं गैप यहाँ पर रहा था। इसके अलावा देखिए हम 2014 की बात करें तो इसी सीट पर जो है यानी हम गढ़वाल सीट की बात कर रहे हैं भुवन चंद्र खंडूरी यहाँ से चुनाव लड़े थे बीजेपी से जिन्हें 4 लाख वोट मिले थे, लेकिन उसके बाद जब आखिरी चुनाव तीरथ सिंह रावत ने लड़ा था तो 5 लाख वोट मिले थे। कांग्रेस की तरफ से हरक सिंह रावत यहाँ से लड़े थे जिनको 2,21,000 वोट मिले थे वो हार गए थे। बीएसपी से धीर सिंह बिष्ट लड़े थे और 2009 की भी हम बात कर लेते हैं तो यहाँ से 2009 में सतपाल महाराज लड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से तेजपाल सिंह रावत यहाँ से लड़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी कह सकते हैं कि यहाँ पर जीतती आ रही है, लेकिन 2009 में यहाँ से कांग्रेस जीती थी लेकिन सतपाल महाराज आ गए हैं बीजेपी में। तो देखिए यहाँ पर पिछले 2 बार से बीजेपी का दबदबा है और इस बार बीजेपी जीतती है कांग्रेस ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए फिलहाल जो अनाउंस हो गया है कि गढ़वाल सीट से यहाँ पर अब जो है बीजेपी के कैंडिडेट को टक्कर देंगे वो हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, CWC के मेंबर भी यहाँ पर है। तो ये देखिए काफी कह सकते हैं हाईकमान से नजदीक यहाँ पर रहते हैं। दूसरा यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो अल्मोड़ा की सीट है अल्मोड़ा की थोड़ी सी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अल्मोड़ा से अजय टमटा का तो देखिए बीजेपी ने कर दिया है कि भाई बीजेपी को उम्मीदवार है अजय टमटा, लेकिन अब कांग्रेस की यहाँ पर बात करते हैं तो कांग्रेस ने प्रदीप टमटा जो है उन पर कह सकते हैं कि भरोसा उन्हें विश्वास जताया है और प्रदीप टमटा आपको बता दें पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं कई बार। हम अगर पिछले ही चुनाव की बात करें तो पहले भी प्रदीप टमटा ही इस सीट से चुनाव लड़े थे और अजय टमटा ने उन्हें हराया था। अजय टमटा को तब वोट मिले थे 4,44,000 तो प्रदीप टमटा को वोट मिले थे 2,11,000 यानी कि मोटा मोटा देखे तो 3.5 लाख का ये वोट परसेंट का ये जो गैप यहाँ पर था ये था यानी कि 64% वोट थे उनको अजय टमटा को, 30% वोट मिले थे प्रदीप टमटा को। अब देखिए 2019 के और थोड़ा सा पहले चल लेते हैं 2014 की हम बात कर लेते हैं तो 2014 में अजय टमटा ही यहाँ से लड़े थे तो अजय टमटा को यहाँ पर मिले थे 3,48,000 वोट मिले थे तो यहाँ पर प्रदीप टमटा को 2,52,000 यहाँ पर वोट मिले थे। तो प्रदीप टमटा यानी कि इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके थे, 2 बार तो ही लड़ चुके हैं। हम थोड़ा और पीछे चल लेते हैं 2014 से और पहले 2009 में आ जाते हैं तो 2009 का आपको हम बता देते हैं। 2009 में प्रदीप टमटा लड़े थे तो वो जीते थे, 2009 में प्रदीप टमटा यहाँ से जीते थे 2,02,228 वोटों से और अजय टमटा को उन्होंने हराया था। अजय टमटा को वोट मिले थे 1,95,705 मतलब परसेंट में आप देखें तो 41% कांग्रेस को थे और बीजेपी को 40% यानी 1% की वजह से अजय टमटा हार गए थे। अब देखिए 2004 में यहाँ पर बीजेपी जीती थी तब यहाँ से ना तो अजय टमटा लड़े थे और ना ही प्रदीप टमटा यहाँ पर लड़े थे। यहाँ पे बीजेपी से 25 सिंह रावत और कांग्रेस से रेणुका रावत और यूकेडी से 25 सिंह एरी यहाँ से लड़े थे तो 25 सिंह रावत यहाँ पर जीत गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो सबसे यहाँ पे पहला चुनाव हुआ था वहां पर बीजेपी जीती, फिर कांग्रेस जीतती है और फिर बीजेपी जीतती है, फिर बीजेपी जीतती है और फिर बीजेपी, यानी कि 3 बार से यहाँ पर बीजेपी जीतती आ रही है और 1 बार कांग्रेस इस सीट से यहाँ पर जीती है। तो देखिए ये हमने आपको बताया कि किस तरह से जो कह सकते हैं आपकी अल्मोड़ा की जो सीट है वहां से अजय टमटा के सामने जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो है प्रदीप टमटा। अब दूसरा देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं जो टिहरी लोकसभा सीट है यहाँ से जोत सिंह गुनसोला का नाम सामने आ रहा है, जोत सिंह गुनसोला और बीजेपी से जो है यहाँ पर आपको हम बता दें
बीजेपी से जो है यहाँ पर ऑलरेडी जो माला राजा लक्ष्मी शाह हैं वो यहाँ पर लड़ रही हैं बीजेपी से चुनाव, और राजघराने की है, राजघराने का कह सकते हैं दबदबा इस सीट में रहा है। तो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति फिलहाल वहां पर है, सुनाते हैं थोड़ा सा पहले आपको क्या कह रहे हैं। और एक वर्ड है जल, सॉरी पानी। तो ये तीनों का रक्षण करना हम जरूर हमारा ये मुख्य मुद्दा रहेगा, और उनको रक्षण करने के लिए पूरी कोशिश हम कानून के तहत करेंगे और उनकी हिफाजत करेंगे। और एक विशेष ये है कि जो पैसा जो पहले से ये कानून है, इस कानून के तहत ये पंचायत में इसको ग्राम सरकार हम बोलते हैं, लेकिन उनको जो अधिकार पार मिलना है वो नहीं मिलता, तो इसलिए उनको मजबूती से जो कानून के तहत हमारे विलेज पंचायत है, तालुका पंचायत है, जिला पंचायत लेवल में उसकी मजबूती हम लाएंगे, एक हमने उसी गारंटी में ये रखा है। और पांचवी ये उसमें ये है कि ये जो हमारे आदिवासी न्याय केस में कांग्रेस पार्टी द्वारा ये लाए जाने वाले MSP का अधिकार जो कानून है, और उसको जो कानूनी दर्जा देगा वो छोटे वन उपज वालों को भी कवर करेगा, यानी छोटे मोटे जितने भी फॉरेस्ट है या ये है उसको भी उसी तरीके से हम। तो देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि जो है बीजेपी ने तो अपनी लिस्ट जारी कर ही दी थी अपने उम्मीदवारों की, लेकिन तीन ही उम्मीदवारों की लिस्ट यहाँ पर जारी की थी, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी है, और दूसरी लिस्ट में जो है तीन नाम यहाँ पर सामने आए हैं। तो यहाँ पर टिहरी से आपको बता दें जो माला राजलक्ष्मी शाह है इनको टक्कर देने के लिए जो यहाँ पर उतारा है कांग्रेस ने ज्योत सिंह गुनसोला जो है इनका नाम सामने आ रहा है, और गुनसोला जो है उत्तराखंड के आपको बता दें विधानसभा के दो बार सदस्य रह चुके हैं, गुनसोला मधु जो है मसूरी विधानसभा क्षेत्र इसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, मसूरी नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी ये काम कर चुके हैं, और कांग्रेस के भी सदस्य है, क्रिकेट एसोसिएशन के भी पदाधिकारी अध्यक्ष ये है और रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर आपको बता दें इन्होंने काफी पद संभाल चुके हैं, याचिका समिति के सदस्य रहे, अधीनस्थ विधान समिति के सदस्य रहे हैं, मसूरी से दूसरी उत्तराखंड विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, बताया जा रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा के लिए मसूरी से चुने गए। तो ये देखिए इन पर ये भरोसा जताया है ज्योत सिंह गुनसोला पर जो है कांग्रेस ने, और इसमें माला राजलक्ष्मी शाह है उनका कह सकते हैं उनका टिकट फाइनल कर दिया है बीजेपी ने, तो अब उनको टक्कर देने के लिए यहाँ पर है। अब देखिए ये राजघराने की सीट यहाँ पर रही है, काफी पुरानी सीट है, राजघराने से जो लोग हैं वो यहाँ से जीतते आ रहे हैं, माला राजलक्ष्मी शाह है वो भी यहाँ से जीतती आ रही है, तो लगातार जो है ये दबदबा जो है राजघराने का वहां पर देखा जाता रहा है, और लोग कहते हैं वहां भगवान मानते हैं वहां के राजा को, क्योंकि बद्रीनाथ के जो कपाट खोलते हैं कहीं ना कहीं वो तिथि वहीं से पूरी निर्धारित होती है। तो ऐसे में एक राज जो टिहरी से ज्योत सिंह गुनसोला को टिकट मिला है, अल्मोड़ा से हमने आपको बताया प्रदीप जो टमटा है उन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं उनको टिकट मिला है इस बार, और पहले भी वो यहाँ से एक बार जीत चुके हैं, और दूसरा आपको बता दें पहली बार जीत चुके हैं, और दूसरा यहाँ पर अजय टमटा को टक्कर देते आ रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि इस बार देखना होगा कि अजय टमटा को कितनी मजबूती से टक्कर दे पाते हैं। अब देखिए जो हमने टिहरी आपको बता दिया, अल्मोड़ा बता दिया, गढ़वाल से जो है लोकसभा के लिए कांग्रेस ने जो भरोसा जताया है
गणेश गोदियाल को पर ये भरोसा जताया है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, गणेश गोदियाल को कहां से यहां पर टिकट मिला है वो आपको हम यहां पर बता रहे हैं। तो इस पर हम और भी यहां पर चर्चा करेंगे कि भाई क्या इसमें है। तो देखिए इस पर जो भी अपडेट आ रहा है हम आपको लगातार यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए गणेश गोदियाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और पीकेटीसी के अध्यक्ष भी यहाँ पर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार आपको हम लाइव यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने अपनी जो लिस्ट है वो जारी यहाँ पर कर दी है। 3 जो लोकसभा सीट है वहां से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी है। हमारे साथ वरिष्ठ जो कह सकते हैं पत्रकार हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं। जयसिंह जी यहाँ पर जुड़ गए हैं। जयसिंह जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने अपने लोकसभा जो 3 सीटें हैं उत्तराखंड की, वहां पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो गढ़वाल की सीट है वहां से गणेश गोदियाल को, दूसरा टिहरी गढ़वाल से ज्योत सिंह मुनसोला को, और यहाँ पर अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा को। तो एक एक करके हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले गढ़वाल की हम बात कर लेते हैं सर। गढ़वाल में गणेश गोदियाल पर जो है भरोसा जताया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने भी गढ़वाल की सीट से बीजेपी ने भी गढ़वाल की सीट से किसी कैंडिडेट को फाइनल अभी तक तो नहीं किया है, जल्द लिस्ट आने की संभावना है। और गढ़वाल की सीट पे हम बात करें तो कांग्रेस की स्थिति की थोड़ा सा वहां पर बात करें तो कैसी क्या है, गणेश गोदियाल वहां से कह सकते हैं इस लोकसभा सीट से पहली बार लड़ने वाले। गणेश गोदियाल की चर्चा पहले से थी, तो वहाँ पर कांग्रेस की तरफ से पहले मनीष खंडूड़ी चुनाव 2019 में लड़ चुके थे, लेकिन इस बार उनको टिकट मिलने की संभावना बहुत कम नजर आ रही थी। गणेश गोदियाल का नाम चल रहा था, गणेश गोदियाल अपनी तैयारी भी उनकी चल रही थी, कुछ दिन पहले इन्होंने गैसा की तरफ रैली निकाली थी और ठीक जो भी है वो कर ही रहे थे। दूसरा ही आ रहा कि मनीष खंडूड़ी छोड़ गए थे, कांग्रेस छोड़ गए हैं, बीजेपी में चले गए हैं। एक कारण ये भी था कि उसको टिकट मिलने की, हाँ उन्हें मालूम था कि टिकट गणेश गोदियाल को मिलने जा रहा है। तो ये वाली बात है, जहाँ तक अभी और हमने अभी पीछे देखा कि बहुत सारे जो काम थे वो होल्ड करके अंकिता के लिए प्रोटेस्ट करने भी वहां पर चले गए थे क्षेत्र। हाँ, तो और इससे तो कई लोगों के बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी इस सीट को भी कंफर्टेबल मानती है, जिसमें उस सीट पर इनके दावेदार काफी थे, आपके संजय रावत भी इस पर है, अनिल बलोनी भी इसके लिए कोशिश कर रहे थे, और क्या कहते हैं ब्लैक मेडल ओम प्रकाश राणा है जिन्होंने प्रमोद मिथाइल ड्रॉइंग बनाई थी, और लोग बीजेपी तरफ से आ रहे थे, लेकिन अभी समय रोका हुआ है, तो हो सकता है वो देख रहे होंगे कांग्रेस के सर्टिफिकेट को देख रहे होंगे, लेकिन भले ही समय जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। कॉल काट दीजिए। जो चुनाव 2002 में जो पहला चुनाव हुआ था, तो उसमें थलीसेन से गणेश गोदियाल जीत गए थे, उन्होंने उस समय बहुत बड़े नेता थे, रमेश पोखरियाल निशंक जो है ना, अब भी बड़े नेता थे, आज तो वहीं एक है, वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उस समय जो संभावित मुख्यमंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, तो वो थलीसेन से गणेश गोदियाल ने उनको उस समय हराया था, वो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, काफी एक्टिव है। दूसरा, उन्होंने जो राट क्षेत्र में अपना यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज खोला है, और जहाँ पे राट क्षेत्र जो ब्रिटिश गढ़वाल चमोली पौड़ी रुद्रप्रयाग में सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक गिना जाता है, तो वहाँ उसके विकास में उन्होंने अपने बलबूते पर बिना किसी चंदे के वहाँ डिग्री कॉलेज खोला,
वहाँ आपके वोकेशनल कुछ ट्रेनिंग वहाँ शुरू करा रहे हैं, बाकी वो एक्टिविटीज करते रहते हैं, लेकिन गणेश गोदियाल को कम मेरे ख्याल से बीजेपी को नहीं आंकना चाहिए। तो गणेश गोदियाल के सामने अभी जो है गढ़वाल से बीजेपी ने फिलहाल किसी कैंडिडेट को नहीं फाइनल किया है और अभी तक तीरथ सिंह रावत वहां पर लड़ते आ रहे हैं। और क्या लगता है कि गणेश गोदियाल के सामने किसे वहां पर आया जा सकता है, क्योंकि अभी गढ़वाल से कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, तो कौन, क्योंकि सुनने में आ रहा त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दावा कर रहे हैं वहां से, मतलब वो जा रहे हैं, इस तरह के और भी नाम है, दीप्ति रावत भारद्वाज का नाम भी सामने आ रहा है, बलूनी का भी सामने आ रहा है, तो इन सब में से कौन आपको लगता है गणेश गोदियाल को टक्कर दे सकता है? ये अपने आप में जिनके नाम आपने गिनाए हैं कोई टक्कर नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, उनका इतना वजूद नहीं है। हाँ त्रिवेंद्र दे सकते हैं, त्रिवेंद्र दे सकते हैं, क्योंकि त्रिवेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, त्रिवेंद्र का आरएसएस में अच्छी पकड़ है, लेकिन बाकी जो भी लड़ेंगे राम मंदिर के नाम पर लड़ेंगे, मोदी जी के नाम पर लड़ेंगे, मोदी जी के नाम पर, क्योंकि मोदी मैजिक इस सीट पर काफी है माना जा सकता है, इसीलिए बीजेपी इसको कंफर्टेबल मान रही है। लेकिन लेकिन गणेश गोदियाल को उनको बहुत कम नहीं आंक, मेरे ख्याल से कम आंकना भूल होगी। अच्छा, ये हमने गढ़वाल की बात की, थोड़ा सा बात करते हैं अब अल्मोड़ा पर आ जाते हैं। अल्मोड़ा में अजय टमटा का तो बीजेपी ने नाम फाइनल भी किया है, कांग्रेस की तरफ से प्रदीप टमटा का। तो प्रदीप टमटा तो हम देखते हैं कि एक ही बार सिर्फ इस सीट से जीते हैं लोकसभा चुनाव कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बाकी टाइम हम दो तीन बार देखे देख रहे हैं कि वो हारे ही है। तो इस बार कह सकते हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया है हारने के बाद, क्योंकि कांग्रेस संजीता कांग्रेस के पास इनसे बड़ा कोई दमदार कैंडिडेट वहां पर था नहीं। चर्चा तो ये थी कि यशपाल आर्य अगर बोलते बदलते देते तो शायद कांग्रेस की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती वहां पर, अगर यशपाल आर्य जैसे बड़े व्यक्ति को व्यक्तित्व को वहां पर लड़ाते। लेकिन जो आपने कहा कि ये प्रदीप टमटा का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि पहला जो मैंने आपसे कहा 2002 का जो चुनाव था विधानसभा का पहला, उसमें वो चुने गए थे, सोमेश्वर से चुने गए थे एक। दूसरी बात 2009 में वो लोकसभा के लिए चुने गए 2009 से 2014, उसके बाद वो राज्यसभा के लिए भी थे, ठीक है ना। दूसरा वो ये आप ये दलित इंटेलेक्चुअल उनको माना जाता है, लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि माइनस पॉइंट ये है कि जितने सौम्य अजय टमटा हैं उतना इनमें नहीं है, ये थोड़ा सा एक्टिविस्ट टाइप के हैं, और जो अजय टमटा है वो जिसे कहते हैं ना ग्राउंड लेवल के, मतलब बड़ा स्मूथ हो गया, बड़ा सौम्य है, सॉबर है। अब और इनका अजय प्रदीप टमटा का जो मिजाज है थोड़ा एग्रेसिव है ना, इस वजह से भी थोड़ा इनको लोगों से कनेक्ट होने में दिक्कत रही है, संभवतः इसलिए भी वो हारे हैं। जबकि अजय टमटा क्या उनका उन्होंने कोई काम किया हो या ना किया हो, लेकिन वो सौम्य है, आम आदमी के साथ उनका व्यवहार मिलनसार किस्म के व्यक्ति हैं, इसलिए उनको ले सकते। लेकिन दोनों टमटे वहां के अल्मोड़ा के वो दमदार तो ही है, दोनों के दोनों एक से बढ़कर एक है, उनका जो प्रोफाइल है, दोनों का प्रोफाइल है। अजय टमटा के सामने कोई और उम्मीदवार बेटर है प्रदीप टमटा है, क्योंकि एक बार तो अब सब जीतते हैं तो कैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। खैर, दूसरा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो राजघराने वाली सीट है टिहरी गढ़वाल की सीट, तो यहाँ पर तो जो महारानी है उनका तो टिकट फाइनल हो गया है। दूसरा यहाँ जोत सिंह गुनसोला, तो आपको लगता है कि राजघराने को टक्कर दे पाएंगे जोत सिंह गुनसोला? राजघराने को टक्कर देना टिहरी में आज की तारीख भी इतना आसान नहीं है, और अगर आप मेरे साथ पिछले 2019 का अब वो आप देखेंगे रिजल्ट देखेंगे तो मेरे ख्याल से जो गैप है ना पांचों सीटों में, यहाँ पर टिहरी में ज्यादा है। माला राजे लक्ष्मी जी को और जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनके बीच जो मार्जिन का बहुत ज्यादा अंतर है उसमें, एक बात तो यह है।
साहब उस परिवार को आप ये समझिए कि केवल शुरू में वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए थे। 1951-52 का जो पहला चुनाव था तो राजमाता कमलेंदुमती साहब वहां से चुनाव लड़ी, क्योंकि वो अलग उससे हो गई थी, क्या कहते हैं उन्होंने कहा, क्योंकि राज्य नहीं रह गया था, राजा नहीं रह गए थे, तो उनके दिल में टीस तो थी भाई हम आजाद भारत में, हम लोगों को कुछ नहीं, लेकिन हम राजा है, प्रजा हमारे साथ है। तो उन्होंने चुनाव जीत के दिखाया। कमलेंदुमती साहब ने, वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, बल्कि पार्लियामेंट में भी उनका बड़ा वो था, भोरा होता था। तो उसके बाद जो चुनाव हुए, जो पहले विधानसभा के उत्तर प्रदेश विधानसभा के, तो इस सीट पर पौड़ी से, तो पौड़ी कंस्टिट्यूएंसी जो लोकसभा की थी वहां से तो कांग्रेस जीती, लेकिन उसका जो टीडी वाली जो कंस्टिट्यूएंसी थी वहां राजा समर्थक निर्दलीय जीत गए, है ना, राज परिवार समर्थक सारे के सारे। फिर कांग्रेस ने कहा कि बिना इनके तो हमारा काम चलेगा नहीं, इसलिए राज परिवार को उन्होंने अपने साथ मिला लिया। और राज परिवार जब तक 71 तक जब तक वो नहीं आया, कांग्रेस स्प्लिट हुई ना, सिंडिकेट जो हुआ इंदिरा गांधी के उसमें है, दूसरा निजलंगपा और लोग दूसरा वो सिंडिकेट में आ गए थे। तो क्योंकि इंदिरा जी ने उस समय प्रिवी पर्स खत्म कर दिया था राजाओं का जो स्टेटस, क्योंकि उनको 71 तक राजाओं का स्टेटस होता था, उनका प्रोटोकॉल होता था, सात हमारा जो राजा था टीरी का राजा उसको 7 गन सैल्यूट वाला था, 3 लाख प्रीपी पर्स वाले थे, जबकि हिमाचल में कई राजा ऐसे थे जिनके 40,000, 50,000, 10-20,000 भी प्रीपी पर्स होता था और कोई गन सैल्यूट नहीं। तो इतना था ये सारा स्टेटस जब खत्म हुआ, इंदिरा गांधी ने खत्म किया, तो ये राज परिवार दूसरे उसमें चले गए, सिंडिकेट में चले गए। तो राजा साहब जो थे, जो निरंतर तब से कांग्रेस से जीते आ रहे थे 71 तक, मतलब 52 से 57 तक तो राजमाता रही, उसके बाद महाराजा मानवेंद्र साहब, क्योंकि महाराजा मानवेंद्र साहब तो रियल किंग थे, उनको 46 में उनका राज्याभिषेक हो गया था, वो 49 मर्जर तक, तो वो रहे। 71 में चुनाव लड़े तो परिपूर्णानंद तेनुली जी ने उनको हरा दिया, ये इंडिकेट इंदिरा कांग्रेस वाले थे। तो तब से वो 20 साल तक राजा साहब राजनीति से दूरी हो गए, उनको बड़ा झटका लगा कि मेरी प्रजा ने मेरे को हरा दिया, है ना। तो 20 साल के बाद जब वो अपियर हुए भी तो बीजेपी के साथ लड़े तो फिर कभी नहीं हारे, उनको नहीं हरा पाया। हाँ, उनका बेटा और उठा, लेकिन दूसरा बाकी और सीटों की बात करें तो अभी बीजेपी ने हरिद्वार और आपके जो गढ़वाल सीट है वहां से अनाउंस नहीं किए उम्मीदवार, और कांग्रेस ने अभी जो छोड़ा है वो अभी हरिद्वार और एक और सीट जो है आपकी नैनीताल नगर। तो कांग्रेस की हम बात करें तो हरिद्वार से और उधर नैनीताल से अजय भट्ट को टक्कर देने के लिए कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं आपके हिसाब से? मतलब हरिद्वार में तो जैसे हम सुन रहे हैं कि कांग्रेस से तो कई दावेदार, मतलब जैसे हरीश रावत का नाम भी एक आता है, हरक सिंह रावत का नाम भी आता है, इस तरह के कैंडिडेट हैं। और दूसरा एक और नाम सामने आ रहा है बीजेपी से, अभी जो हम देख कह रहे हैं एक दो दिन पहले ही जो एक हरियाणा के जो एक नेता है करतार सिंह भडाना वो बीजेपी में आ गए हैं, तो सुनने में आ रहा है हो सकता है कि हरिद्वार से भी सांसद का उपचुनाव होना है विधानसभा का, उसके लिए वो हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से। तो ये जो है दूसरा हम जो कह रहे हैं कि एक तो गढ़वाल वाली सीट कांग्रेस का तो क्लियर हो गया लेकिन बीजेपी का क्लियर नहीं हुआ है, और दूसरा यहाँ पर हम कमेंट्स देख रहे हैं कि गणेश गोदियाल का नाम अनाउंस होते ही उनको अग्रिम जीत की बधाई देने के कमेंट्स भी लगातार आ रहे हैं। तो अभी से ये दिख रहा है मतलब लोग खुश हैं कि कैंडिडेट इस कैंडिडेट से तो कांग्रेस के खुश के बाद आपको हम जो है इस पर चर्चा करेंगे और तीनों जो सीट है उसका प्रोफाइल बताने की पूरी कोशिश यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं कि जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है तो उसमें जो है क्या कुछ, ये देखिए हम आपको लाइव ही यहाँ पर दिखा रहे हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रही है। ये घोषित की थी उसमें
पहली गारंटी तो भागीदारी न्याय गारंटी, और कांग्रेस पार्टी इस गारंटी पे राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना का करने की घोषणा हमने की थी, और इससे सामाजिक न्याय मिलेगा, और जिन लोग आज तक बहुत से जो जनता उनके हक थे वो हक उनको नहीं मिला, इसीलिए हमें चाहते हैं कि सबको न्याय मिलने के लिए वो हमने एक भागीदारी न्याय गारंटी अनाउंस की। दूसरी जो है, दूसरी गारंटी किसानों के लिए MSP का हमने अनाउंस किया, और ये फसलों की MSP गारंटी खरीदने का कानून हम बना रहे हैं, इसको लीगलाइज कर रहे हैं, ये एक हमारी गारंटी है। और तीसरी गारंटी युवा न्याय गारंटी, जो युवाओं के लिए हम खास करके जो एम्प्लॉयमेंट में उनको जगह नहीं मिल रही है और 45 साल में इतना बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में हुआ है, और उसके लिए सरकार जिस ढंग से इसको, इस समस्या को सुलझाना चाहिए था वो सुलझा नहीं सके, और बहुत सी बातें करके उन्होंने इसको निपटाने की कोशिश कर रहे। तो एक भर्ती भरोसा, तो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि जो तीन लोकसभा क्षेत्र हैं, लोकसभा सीट है, उनसे कौन कौन जो है यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होगा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन नामों का अनाउंस यहाँ पर कर दिया है। तो देखिए, हम यहाँ पर बता देते हैं, पिहरी गढ़वाल से जोत सिंह गुनसोला का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, तो ये जो है कैंडिडेट होंगे, लोकसभा के उम्मीदवार रहेंगे गढ़वाल से, और सॉरी टिहरी से, और यहाँ पर दूसरा गढ़वाल से हम बता दें, गढ़वाल से कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल को टिकट मिला है, तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तीसरा, अल्मोड़ा की जो सीट है, इस सीट से अजय टमटा को जो टक्कर दे रहे हैं वो है प्रदीप टमटा, तो ये तीन नाम यहाँ पर सामने आ गए हैं। तो आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी की थी उसमें तीन नामों का अनाउंस किया था, में बता दें गढ़वाल का नाम अभी अनाउंस नहीं हुआ है, हरिद्वार का नहीं हुआ है, टिहरी का, अल्मोड़ा का और नैनीताल उधम सिंह नगर, इन तीन सीटों के पर जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे उसके नाम अनाउंस हो चुके हैं, और अब जो है कांग्रेस की तरफ से तीन नाम यहां पर, तीन उम्मीदवारों के नाम अनाउंस यहां पर हो चुके हैं, जिसमें टिहरी और गढ़वाल और साथ ही साथ अल्मोड़ा, ये तीन सीट पर साफ साफ आ गया कि भाई जोत सिंह गुनसोला टिहरी से लड़ने वाले हैं, और गढ़वाल से गणेश गोदियाल पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने, और दूसरा अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा। तो ये तीन नाम आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। अब आपको यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं, गणेश गोदियाल जो है कांग्रेस के कह सकते हैं एक वरिष्ठ नेता ही कहलाए जाते हैं, BKTC के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के भी जो है अध्यक्ष यहाँ पर पूर्व प्रदेश के जो है वहां पर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर देखिए, इस सीट की हम बात करें तो बीजेपी से यहाँ पर जो अभी कैंडिडेट हैं, मतलब जो सांसद अभी रहे हैं, वो तीरथ सिंह रावत हैं। अब जो है तीरथ सिंह रावत को अपनी टिकट नहीं मिला है इस बार, तो अब गणेश गोदियाल के सामने दूसरा कैंडिडेट कौन होगा बीजेपी की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पर देखिए, एक जो कांग्रेस से
पिछले कैंडिडेट रहे हैं वो थे मनीष खंडूरी जो कि कांग्रेस से अब पिछले दिनों दो चार दिन पहले ही बीजेपी में यहाँ पर शामिल हो गए हैं, लेकिन लग रहा था कि बीजेपी से टिकट मिलेगा या क्या होगा कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से लास्ट टाइम यानी कि जो आखिरी चुनाव था लोकसभा का, वो मनीष खंडूरी ने लड़ा था, और अगर वोट के अंतर की बात करें तो 5,06,000 करीब वोट धीरज सिंह रावत ने जीते थे, तो मनीष खंडूरी ने 2,04,000 यानी करीब 3,00,000 का कह सकते हैं गैप यहाँ पर रहा था। इसके अलावा देखिए हम 2014 की बात करें तो इसी सीट पर जो है यानी हम गढ़वाल सीट की बात कर रहे हैं, भुवन चंद्र खंडूरी यहां से चुनाव लड़े थे बीजेपी से, जिन्हें 4,00,000 वोट मिले थे, लेकिन उसके बाद जब आखिरी चुनाव तीरथ सिंह रावत ने लड़ा था तो 5,00,000 वोट मिले थे। कांग्रेस की तरफ से हरक सिंह रावत यहां से लड़े थे जिनको 2,21,000 वोट मिले थे, वो हार गए थे। बीएसपी से धीर सिंह बिष्ट लड़े थे, और 2009 की भी हम बात कर लेते हैं तो यहाँ से 2009 में सतपाल महाराज लड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से तेजपाल सिंह रावत यहाँ से लड़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी कह सकते हैं कि यहाँ पर जीतती आ रही है, लेकिन 2009 में यहाँ से कांग्रेस जीती थी, लेकिन सतपाल महाराज आ गए हैं बीजेपी में। तो देखिए यहाँ पर पिछले दो बार से बीजेपी का दबदबा है, और इस बार बीजेपी जीतती या कांग्रेस ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए फिलहाल जो अनाउंस हो गया है कि गढ़वाल सीट से यहाँ पर अब जो है बीजेपी के कैंडिडेट को टक्कर देंगे वो हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, CWC के मेंबर भी यहाँ पर है। तो ये देखिए काफी कह सकते हैं हाईकमान से नजदीक यहाँ पर रहते हैं। दूसरा यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो अल्मोड़ा की सीट है, अल्मोड़ा की थोड़ी सी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अल्मोड़ा से अजय टमटा का तो देखिए बीजेपी ने कर दिया है कि भाई बीजेपी के उम्मीदवार है अजय टमटा, लेकिन अब कांग्रेस की यहाँ पर बात करते हैं तो कांग्रेस ने प्रदीप टमटा जो है उन पर कह सकते हैं कि भरोसा उन्हें विश्वास जताया है, और प्रदीप टमटा आपको बता दें पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं कई बार, हम अगर पिछले ही चुनाव की बात करें तो पहले भी प्रदीप टमटा ही इस सीट से चुनाव लड़े थे और अजय टमटा ने उन्हें हराया था। अजय टमटा को तब वोट मिले थे 4,44,000, तो प्रदीप टमटा को वोट मिले थे 2,11,000 यानी कि मोटा मोटा देखे तो 3,00,000 का ये वोट परसेंट का ये जो गैप यहाँ पर था ये था, यानी 64% वोट थे उनको अजय टमटा को, 30% वोट मिले थे प्रदीप टमटा को। अब देखिए 2019 के और थोड़ा सा पहले चल लेते हैं, 2014 की हम बात कर लेते हैं, तो 2014 में अजय टमटा ही यहाँ से लड़े थे, तो अजय टमटा को यहाँ पर मिले थे 3,48,000 वोट मिले थे, तो यहाँ पर प्रदीप टमटा को 2,52,000 यहाँ पर वोट मिले थे। तो प्रदीप टमटा यानी कि इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके थे, दो बार तो ही लड़ चुके हैं। अब थोड़ा और पीछे चल लेते हैं 2014 से और पहले 2009 में आ जाते हैं, तो 2009 का आपको हम बता देते हैं। 2009 में प्रदीप टमटा लड़े थे तो वो जीते थे, 2009 में प्रदीप टमटा यहाँ से जीते थे 2,02,228 वोटों से, और अजय टमटा को उन्होंने हराया था, अजय टमटा को वोट मिले थे 1,95,705। मतलब परसेंट में आप देखें तो 41% कांग्रेस को थे और बीजेपी को 40%, यानी 1% की वजह से अजय टमटा हार गए थे। अब देखिए 2004 में यहाँ पर बीजेपी जीती थी, तब यहाँ से ना तो अजय टमटा लड़े थे और ना ही प्रदीप टमटा यहाँ पर लड़े थे। यहाँ पर बीजेपी से बची सिंह रावत और कांग्रेस से रेणुका रावत और यूकेडी से काशी सिंह एरी यहाँ से लड़े थे, तो बची सिंह रावत यहाँ पर जीत गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे यहाँ पे पहला चुनाव हुआ था वहां पर बीजेपी जीती, फिर कांग्रेस जीतती है और फिर बीजेपी जीतती है, फिर बीजेपी जीतती है और फिर बीजेपी, यानी कि 3 बार से यहाँ पर बीजेपी जीतती आ रही है और 1 बार कांग्रेस इस सीट से यहाँ पर जीती है। तो देखिए ये हमने आपको बताया कि किस तरह से जो कह सकते हैं आपकी अल्मोड़ा की जो सीट है वहां से अजय टमटा के सामने जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो है प्रदीप टमटा, लोकसभा सीट है यहाँ से जोत सिंह गुनसोला का नाम सामने आ रहा है, जोत सिंह गुनसोला, और बीजेपी से जो है यहाँ पर आपको हम बता दें बीजेपी से जो है यहाँ पर ऑलरेडी जो माला राज लक्ष्मी शाह हैं वो यहाँ पर लड़ रही हैं बीजेपी से चुनाव, और राजघराने की है, राजघराने का कह सकते हैं दबदबा इस सीट में रहा है।
तो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति फिलहाल वहां पर है। सुनाते हैं थोड़ा सा पहले आपको क्या कह रहे हैं। और एक वर्ड है जल, सॉरी पानी। तो ये तीनों